Hello guys, I am again here with some new headings that are known as oxymercuration, demercuration, hydroboration oxidation and hydration of water in alkene in acidic medium. So there are some very important reactions regarding the addition of water. First of all, we are going to discuss about the reaction on the level of academic. पहले एकेडमिक वाले बच्चों के लिए और उसके बाद इन सारी रिएक्शनों को हम लोग डिटेल एस्पेक्ट्स में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले एकेडमिक वाले बच्चे। और एक समरी मैंने लिखी है जो एकेडमिक और कॉम्पिटिशन सबको मालूम होनी चाहिए, तो समरी बता दे रहा हूँ और एकेडमिक वाले बच्चों की बात भी यहीं खत्म कर दे रहा हूँ, फिर बोर्ड भी डालने के बाद मैं कॉम्पिटिटिव बातें शुरू करूंगा। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, तो एकेडमिक वाले बच्चे खाली इतना बोलेंगे कि when a compound is unsaturated and asymmetrical when react with water in presence of this catalytic combination, in presence of this catalytic combination and that combination is CH3CO का whole twice Hg, this is water, in the second step NaBH4 sodium borohydride and NaOH, अगर ये combination available है और आपने वहां पर वाटर लगा दिया है तो सिंपल मार्कोनी का रूल के अकॉर्डिंग आप इसका आंसर लिखेंगे और इस घटना का नाम होगा ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। लेकिन ऐसा पढ़ने से आप ये नहीं जान पाएंगे कि इस कैटलिस्ट का यूज क्या है, NaBH4 क्या करता है और NaOH क्या करता है, तो फिर एकेडमिक वाले बच्चों को मालूम नहीं चलता है। इवन एक खास बात मैं आपको और बताऊं, एक बात यहां पर और छुपी हुई है, आपकी बुक्स में जरूर लिखा हुआ है कि यहां पर वाटर का एडिशन होता है और वाटर का निगेटिव वाला पार्ट वहां जाएगा जहां एच कम होगा, वाटर का पॉजिटिव वाला पार्ट वहां जाएगा जहां एच ज्यादा होगा और ये आंसर आ जाएगा। नहीं, सच्चाई ऐसी नहीं है, ये कॉम्पिटिशन वाले बच्चे जान पाएंगे। हल्की मैं आपको हिंट कर दे रहा हूं, आप में उत्सुकता जगाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप जानने की कोशिश करिए कि हुआ क्या है। आपकी सारी किताबों में बाय डिफॉल्ट कैटलिस्ट हमेशा NaBH4 लिखा गया है ऑलवेज, और यहां पर हमेशा पानी दिया गया है। लेकिन यहां पर एक संभावना और हो सकती है, अगर मैं पानी की जगह पर आपको D2O दे दूं तो D2, और अगर NaBH4 की जगह पर मैं आपको एक कंपाउंड और लिख सकता हूं NaBD4, इसका मतलब है मैं आइसोटोपिक इफेक्ट की बात करने लगा। क्या ऐसा करने से आंसर बदलाव आता है? देखिए, अगर मैंने यहां पर पानी लिखा और NaBH4 की जगह पर मैंने यहां पर लिख दिया NaBD4, दोनों ऑप्शन H के हो सकते हैं, दोनों ऑप्शन डी के हो सकते हैं, एक ऑप्शन एच का और एक डी का, और एक एच का और एक डी का, मतलब चार तरीकों से क्वेश्चन आ सकता है। तो जब मैं ऐसा करता हूं तो मैं देखता हूं कि जब पानी लिया था तो OH पर कोई बदलाव तो नहीं आया, लेकिन यहां पर अब पानी लेने के बाद भी एच नहीं आता है, यहां पर डी आता है। तो आप एक मोटी मोटी समरी समझ जाइए कि सच्चाई में यहां पर वाटर का एडिशन नहीं है, क्योंकि अगर वाटर का एडिशन होता तो मैंने पानी लगाया था तो यहां पर भी हो जाता, यहां पर भी जाता। लेकिन सच्चाई जानिए, यहां पर NaBD4 का बहुत बड़ा खेल है, जो OH है वो पानी से आता है, लेकिन यहां पर H या D जो है वो इस कैटलिस्ट से आता है। अगर मैंने यहां पर OH लिया, यहां पर D लिया, तो आंसर ये आ रहा था। सपोज करिए मैं यहां पर H कर देता, अब देखिए जो आपकी टेक्स्ट बुक में दे रखा है, यहां भी H, यहां पर भी H, तो बाय डिफॉल्ट आपका आंसर सही हो जाता है। आपको जानने की आवश्यकता नहीं है कि कौन सा OH कहां से आया, कौन सा H कहां से आया, तो आपको लगता है ये पानी का ही एडिशन है। लेकिन सपोज करिए कि मैं यहां पर DOD ले लेता, इट इज DOD, और मैं यहां पर NaBH4 लेता, तो आंसर में क्या बदलाव आता? तो पानी से OD तो यहां पर आता, लेकिन NaBH4 का यहां पर H आता, जबकि देखिए पानी में तो यहां पर D था, यहां D आना चाहिए। तो ये सारी चीजें आपको एनालाइज करने पे बताती हैं कि यहां पर रियल में पानी का एडिशन नहीं हो रहा है, वो तो एकेडमिक लेवल पर आपको समझाने के लिए हमने बोल दिया कि यहां पर पानी का एडिशन हो रहा है, सच्चाई में आंसर तो मैकेनिज्म से आ रहा है। अगर मैं यहां पर NaBH4 की जगह पर NaBD4 ले लेता तो अब यहां से OD आता और यहां से D आता, तो यहां पर आंसर ये आता। तो ऐसे कुछ बदलाव होते हैं। खैर, आपको ये भी जानना पड़ेगा, मैं आगे बढ़ रहा हूं, एकेडमिक की बात आगे बढ़ रहा हूं। यहां पर जब आप इसकी मैकेनिज्म पढ़ते हैं तो आपको किताबों में देखने को मिलता है, वहां लिखा होता है कि ये इसका जो फर्स्ट स्टेप है वो स्टीरियो स्पेसिफिक है, जबकि ओवरऑल रिएक्शन जो है वो नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक है।
तो ये बात स्टीरियो स्पेसिफिक और स्टीरियो सेलेक्टिव क्या होता है मैं थोड़ी देर बताऊंगा। फिलहाल कॉम्पिटिशन वाले बच्चों को जब मैं डिटेल पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा उनको कि पहले स्टेप में स्टीरियो स्पेसिफिक क्यों होता है और बाद में ये नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक क्यों हो जाता है। तो ये पॉइंट कॉम्पिटिशन वालों के लिए है। जब मैं इसकी मैकेनिज्म पढ़ता हूं तो मैं पाता हूं कि इसमें कार्बोनियम आयन नहीं बनता एज ए इंटरमीडिएट, कार्बोनियम नहीं बनता। और आपको कार्बोनियम की प्रॉपर्टी मालूम है, अगर कार्बोनियम बनेगा कभी भी किसी भी मैकेनिज्म में तो वो अपना रीअरेंजमेंट करता है, वो रिंग एक्सपेंशन कर सकता है, वो रिंग कॉन्ट्रेक्शन कर सकता है। चूंकि मैकेनिज्म पढ़ने के बाद हमें मालूम चलता है कि इसमें कार्बोनियम नहीं बनता, कौन सा एटम बनता है, ब्रिज मर्क्यूरोनियम आयन नाम का इंटरमीडिएट बनता है। अब इसमें कार्बोनियम क्यों नहीं बनता और इसमें ब्रिज मर्क्यूरोनियम क्यों बनता है, यह मैकेनिज्म का एस्पेक्ट है। एकेडमिक वाले बच्चों को यह जानने की आवश्यकता नहीं है, अगर इच्छा है जानने की तो मेरा कॉम्पिटेटिव एस्पेक्ट देखिएगा। ओके, क्योंकि कार्बोनियम नहीं बना है तो इसमें रिएक्शन भी नहीं होगा, रिंग एक्सपेंशन भी नहीं होगा, रिंग कॉन्ट्रैक्शन भी नहीं होगा, सिंपल रिएक्शन होगी यहां पर। अब ये बात आपको बताई थी, यहां पर जहां पानी दे रखा है आपने, एक ऑप्शन यहां पर पढ़ाऊंगा मैं आपको, जहां पानी है वहां पर आप एल्कोहल भी ले सकते हैं, बाकी सब कुछ वही रखा मैंने, ये कैटालिस ये कैटालिस ये कैटालिस मैंने चेंज नहीं किया, बस पानी जगह पर एल्कोहल ले लिया। अगर आप पानी जगह एल्कोहल ले लेंगे तो इसका नाम हो जाएगा एल्कोक्सी मर्क्यूरेशन रिएक्शन। एल्कोक्सी एल्कोक्सी ग्रुप लगा देंगे, एल्कोक्सी मर्क्यूरेशन, जबकि पानी लगाने के लिए आपको अलग से कुछ नहीं बोलना पड़ता, मर्क्यूरेशन का मतलब है पानी लगाया। और इसी को हम सॉल्वो मर्क्यूरेशन भी कहते हैं, सॉल्वो का मतलब है सॉल्वेंट। देखिए जब पानी लगाते हैं आप, जब पानी लगाते हैं आप तो वहां पर अटैक पानी के थ्रू हो रहा होता है, और अगर आप एल्कोहल लगाते हैं तो वहां पर अटैक एल्कोहल के थ्रू हो रहा होता है, मतलब इनिशियल अटैक आरओ के थ्रू हो रहा होता है। मैं बता दूं आपको, यहां पर एकेडमिक वाले बच्चे ही जान ले, उनको डिटेल पढ़ने का आवश्यकता नहीं है। अगर मैंने यहां पर एल्कोहल लिया होता इन द प्लेस ऑफ वाटर, मैं पानी हटा रहा हूं, अगर मैं यहां पर पानी की जगह पर एल्कोहल लिख दूं तो मैं एल्कोहल को ऐसे लिख सकता हूं, इट इज योर एल्कोहल, इट इज योर एल्कोहल, और यहां से जो निगेटिव डेवलप करेंगे आप वो ये डेवलप करेंगे आरओ माइनस। तो यहां पर जो ओडी लिखा था आपने, अब यहां पर क्या चला जाएगा, आरओ माइनस, आरओ माइनस। और जो यहां पर जो पार्ट आता है वो एल्कोहल से नहीं आएगा, तो ये वाला एच यहां पर नहीं आएगा। अब ये आएगा कहां से, NaBD4, अगर आपने एल्कोहल से ले रखा है तो यहां पर डी आएगा, अगर आपने एल्कोहल के साथ यहां पर NaBH4 ले रखा है तो फिर यहां पर एच आएगा, मतलब सेम वही लॉजिक जो बातें आपको मैकेनिज्म से क्लियर होती है। अगर यहां पर OH आता है तो पूरे कंपाउंड को आप एल्कोहल कहते हैं, और यहां पर OR आता है तो पूरे कंपाउंड को आप ईथर कहते हैं, ROR, ROR। इसका मतलब है अगर आप ऑक्सीमर्क्यूलेशन डीमर्क्यूलेशन एल्कोहल में कराते हैं तो ईथर बनता है, अगर पानी से कराते हैं तो एल्कोहल बनता है। दैट्स ऑल, एकेडमिक वाले बच्चों के लिए बात खत्म हो गई। एकेडमिक को इतना ही पढ़ना है कि ऑक्सीमर्क्यूलेशन डीमर्क्यूलेशन में पानी का एडिशन मार्कोनिकॉफ से होता है या ईथर का एडिशन मार्कोनिकॉफ से होता है, आपका काम हो गया। ओके, मैं आगे बढ़ता हूं। यह है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, यहां पर जो कैटालिस्ट लगाया जाता है वो है BH3 इन प्रेजेंस ऑफ THF, इन प्रेजेंस ऑफ THF, BH3 इन प्रेजेंस ऑफ THF। इसमें कहीं पर भी पानी आपको दुख में देखने को नहीं मिलेगा, कहीं पर भी पानी नहीं मिलेगा। इसकी रिएक्शन में रिएक्टेंट में पानी है ही नहीं, फिर भी कहा जाता है कि साहब यहां पर एडिशन ऑफ वाटर होता है, क्योंकि आपको वो मैकेनिज्म पढ़ाना नहीं चाहता, बल्कि आप पढ़ना भी नहीं चाहते, और बिना मैकेनिज्म के पढ़ाए और समझाए फिर हम आपको आंसर कैसे बताएं, तो फिर हम घुमा फिरा करके गलत सही बोल करके अपने आंसर को समझा ले जाते हैं। जब मैं इस रिएक्शन में हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन को देखता हूं तो मुझे आखिरी में ये OH और ये H आता हुआ दिखाई देता है, तो बच्चों से मैं कह देता हूं कि इसका मतलब है पानी आ रहा है, और पानी आ भी कैसे रहा है, मान लो मैं पानी आ रहा है, एक OH आया एक H आया, तो मैंने फर्जी लिख दिया कि यहां पर पानी आया, और पानी कैसे आया, और मैंने कहा देखो ध्यान से पानी एंटी मार्कोनिकॉफ से आया, क्योंकि एंटी मार्कोनिकॉफ क्या कहता है, निगेटिव वाला पार्ट वहां पर जाएगा जहां एच की संख्या पहले से ज्यादा होगी, तो यहां पर गया OH और यहां पर गया एच, दो ही आ गए। तो ये आपको खाली एकेडमिक लेवल पर बेवकूफ बनाकर समझाने का तरीका है, क्योंकि आप मैकेनिज्म पढ़ना नहीं चाहते और मैकेनिज्म खैर लॉन्ग प्रोसेस होता भी है, तो यदि आप एकदम शॉर्ट में पढ़ना चाहते हैं तो आप कहेंगे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का मतलब है एडिशन ऑफ वाटर बाय द एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। जब इसका कॉम्पिटेटिव एस्पेक्ट देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि यहां कहीं पानी होता ही नहीं है, यहां पर तो खाली BH3 लिखा है, THF लिखा है, और यहां पर लिखा होता है हाइड्रोजन परोक्साइड इन बेसिक मीडियम, ये कैटालिस्ट होता है, वाटर कहीं। और आपको ये जान के भी खुशी होगी कि यहां पर जो H और OH है ये कहां कहां से आता है, इसका जो आप H देख रहे हैं ये वाला, ये BH3 से आता है,
और जो यहां पर आप OH देख रहे हैं ये H2O2 से आता है, ये H2O2 से आता है। कैसे आता है ये देखने के लिए तो फिर आपको मैग्नीशियम पढ़नी पड़ेगी, फिर आप मैग्नीशियम पढ़ना नहीं चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप इसको ऐसे याद कर लीजिए कि साहब हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन होगा तो एडिशन ऑफ वाटर होगा बाय एंटी मार्कोनिक रूल। लेकिन ऐसा करने से आपको बहुत से कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे नहीं, सिर्फ आप रट्टा मार के नंबर जरूर आएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब एक बात और, मैंने जहां पर BH3 लिखा है, एकेडमी वाले बच्चे देखें, जहां पर मैंने BH3 लिखा है, आने वाले समय पर मैं यहां पर BD3 भी लिख सकता हूं, आइसोटोपिक इफेक्ट। अगर मैं BD3 लिखूंगा तो जहां पर मैंने H लिखा है, जो कि मैंने बता दिया कि वो H से आता है, कैसे आता है मैं बताऊंगा मैकेनिज्म में कॉन्सेप्ट वालों को, तो यहां पर आपको D दिखाई देगा, ये देखिए यहां D दिखाई देगा। और जहां मैंने H2O2 लिखा है ऊपर, अगर मैं यहां पर H2O2 ना लेकर के DD2O2 ले लूं तो फिर यहां पर मुझे OH नहीं दिखाई देगा, यहां पर मुझे OD दिखाई देगा। तो यहां पर भी क्वेश्चन चार तरीकों से बन सकता है, एक बार यहां पर H ले लूंगा आइसोटोपिक इफेक्ट H, और यहां पर भी H2O2, फिर मैं यहां पर BH3 लूंगा लेकिन यहां पर D2O2 लूंगा, यहां पर H, यहां पर H, यहां पर H, यहां पर D। अब यहां पर D कर लो, यहां पर H कर लो, और फिर यहां पर D कर लो, यहां पर D कर लो, तो इस तरीके से चार आंसर बनेंगे और चारों क्वेश्चनों में यहां पर आंसर अलग अलग आएंगे। एक बार दोनों पे DD दिखाई देगा, एक बार दोनों पे HH दिखाई देगा, एक बार इधर D होगा इधर H होगा, एक बार इधर D होगा इधर H होगा। तो चार क्वेश्चन एकेडमिक वाले के लिए तो नहीं आएगा, कॉम्पिटिशन के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन चूंकि एकेडमिक वाले डिटेल में नहीं पढ़ेंगे तो उनको यहीं पर मैंने हल्की हिंट कर दी कि ऐसा भी हो सकता है। ओके, बुक में देखने को मिलेगा सर ये भी रिएक्शन स्टीरियो स्पेसिफिक होती है, और अभी तक हम समझ नहीं पाएंगे स्टीरियो स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है, अभी बताऊंगा, दो मिनट रुक जाइए। जरा इस क्वेश्चन को एकेडमिक वाले पहले देख लें, अगर आपसे हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन पूछा जाए इन एसिडिक मीडियम, तो हाँ सच्चाई में बस यही पर पानी होता है, यहां पर पानी दिखता है लेकिन रियल में वर्क पानी नहीं करता, यहां पानी होता ही नहीं है, हाँ यहां पानी होता भी है और रियल में वर्क भी करता है, और यहां पर पानी होता है पॉजिटिव और निगेटिव वर्क करेगा इन एसिडिक मीडियम, और बहुत सिंपल मार्कोनिक रूल के अकॉर्डिंग आंसर देगा, निगेटिव वाला पार्ट वहां जाएगा जहां एच की संख्या पहले से कम है और पॉजिटिव वाला पार्ट यहां चला जाएगा। ना इसमें कार्बोनियम बना था ना इसमें कार्बोनियम बना था, लेकिन हाँ इसमें कार्बोनियम बनता है, कैसे बनता है मैग्नीशियम में दिखाऊंगा मैं आपको, और जब कार्बोनियम बनेगा तो कार्बोनियम की प्रॉपर्टी लगेगी, कार्बोनियम प्रॉपर्टी होती है रिएजमेंट, वो करेगा रिंग एक्सपेंशन करेगा रिंग कॉन्ट्रेक्शन करेगा। ओके, यहां पर जो आपने एस्ट्रासाइन लगाया है ये किस एसिड से आता है, ये आप ला सकते हैं डायल्यूट H2O4 से, या आप ये ला सकते हैं डायल्यूट H3PO4 से, ये तो ज्यादा प्रेफरेबल है। आप यहां पर कुछ एसिड्स को नहीं ला सकते, यहां लिख दे रहा हूं, आप किन एसिड्स को यहां पर यूज नहीं कर सकते, आप किन एसिड को यहां पर यूज नहीं कर सकते, आप यहां पर HI को, आप यहां पर HBr को, और आप यहां पर HCl जैसे एसिड यूज नहीं कर सकते। क्यों, क्या बात है भाई, यहां पर ये एसिड यूज कर रहे तो ये क्यों नहीं कर सकते, वजह समझिए। अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा, वैसे मैं डिटेल बताऊंगा कमिश्नर वालों को, लेकिन एकेडमी वाले चूंकि यहीं पर बात खत्म कर लेंगे तो मैं हल्की हिंट कर दे रहा हूं यहीं पर, कि यहां पर मैंने अभी आपसे कहा कि यहां पर एक कार्बोनियम आयन बनेगा, ये कार्बोनियम आयन, क्योंकि मैंने कहा कार्बोनियम आयन बनता है इस मैग्नीशियम में, इट इज कार्बोनियम आयन, दिस इज कार्बोनियम आयन। अब इस कार्बोनियम आयन पर मैं चाहता हूं कि अटैक कौन करे, पानी करे, तभी तो पानी अटैक करके यहां पर OH आएगा। लेकिन अगर पानी के साथ झगड़ा हो जाए किसका, पानी के साथ अगर झगड़ा हो जाए HSO4- का, जो इस एसिड से डेवलप हुआ होगा, तो ये कहेगा कि मैं अटैक करूंगा और ये कहेगा कि मैं अटैक करूंगा, बोलो कौन जीतेगा, इसका साइज बहुत बड़ा है इसलिए वो कार्बोनियम तक नहीं पहुंच पाएगा ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, इसका साइज छोटा है ये पहुंच जाएगा, लिहाजा यहां पर इससे रिएक्शन होगी इससे नहीं होगी। लेकिन अगर यहां पर हम HSO4- ना लेकर के ये लेंगे H3PO4, एक H निकाल दो तो बोलो क्या बचा, H2PO4-, अब वो इसका भी साइज बहुत बड़ा है, इस कार्बोनियम पे ये कहेगा कि मैं अटैक करूंगा, ये कहेगा कि मैं अटैक करूंगा, इसका साइज बहुत बड़ा होने की वजह से ये इसके ऊपर स्टेरिक हिंड्रेंस लगाएगा, अटैक नहीं कर पाएगा, फिर पानी जीत जाएगा, जो हम चाहते थे वो हो गया। लेकिन अगर मैं HI, HBr और HCl की बात करूं तो उनसे निकल रहे होंगे ये वाले कंपाउंड, और आपको अच्छी तरह मालूम होगा ये सारे कंपाउंड बहुत अच्छे न्यूक्लियोफाइल होते हैं, मैंने आपको न्यूक्लियोफिलिसिटी और फुगोसिटी के लेक्चर में पढ़ाया है डिटेल में, I-Br-Cl- are a very good nucleophile.
अगर ये बहुत बढ़िया न्यूक्लियोफाइल है तो अगर आपने ये एसिड ले रखे हैं HISCHBR तो इसके अटैक करने से पहले ये अटैक कर देगा। अगर कार्बोनियम पर ये लोग अटैक कर देंगे तो फिर एल्कोहल बनेगा ही नहीं, फिर तो एल्किल आयोडाइड, एल्किल ब्रोमाइड, एल्किल क्लोराइड बन जाएगा। तो यदि आपको एल्कोहल बनाना है तो आपको ऐसे एसिड लेने होंगे जिसके कंजुगेट बेस यहां पर अटैक ना कर पाए। अगर आपने ऐसे एसिड लिए तो इससे डेवलप होने वाले कंजुगेट बेस बहुत बड़े साइज के होते हैं, वो अटैक नहीं करेंगे। अगर आपने इनके एसिड लिए तो ये अटैक कर देंगे। दिस इज द प्रेफरेबल कंडीशन कि आप एसिडिक मीडियम में यही दो एसिड लेंगे, ये वाले एसिड नहीं लेंगे। ओके, अब आता हूं मैं, तीन टर्म आप बताने हैं मुझे। एक तो सामने स्टीरियो स्पेसिफिक क्या होता है, व्हाट इज स्टीरियो स्पेसिफिक एंड व्हाट इज स्टीरियो सेलेक्टिव एंड व्हाट इज रेडियो सेलेक्टिव। इन तीन पॉइंट को पढ़ने के बाद एकेडमिक लेवल का लेक्चर पूरा हो जाएगा और फिर मैं शुरू करूंगा कॉम्पिटिटिव एस्पेक्ट्स। चलिए पहले रेडियो सेलेक्टिव देख लीजिए, सबसे आसान है। रेडियो सेलेक्टिव टर्म आपको जब किसी केमिस्ट्री में दिखाई दे तो ये उस समय लगता है जब किसी एक रिएक्टेंट के ऊपर कोई दूसरा रिएक्टेंट जब अटैक करने आए तो किसी खास जगह पर अटैक करे, या तो नीचे करे या फिर ऊपर करे, किसी खास जगह पर करे। वो कहे कि बस मैं यही अटैक करूंगा और कहीं नहीं करूंगा। जब किसी एक अटैकर का अटैकिंग साइट फिक्स हो तो हम कहेंगे वो रिएक्शन रेडियो सेलेक्टिव होती है। फॉर एग्जांपल, मैं आपको बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं। अगर आप इस कंपाउंड की रिएक्शन NBS से कराएं, इसका नाम है एन ब्रोमो सक्सेनामाइड, तो मैंने आपको एन ब्रोमो सक्सेनामाइड की डिटेल मैकेनिज्म पढ़ाई है और मैंने आपको वहां पर बताया था कि एन ब्रोमो सक्सेनामाइड में ब्रोमीन का अटैक तो होता है लेकिन एलिलिक पोजिशन पर होता है। देखिए मैं बार बार बोलता हूं एलिलिक पोजिशन, इसका मतलब है कि यहां पर अटैक अगर यहां से ये CH3 था एक्चुअल में, अगर एक हटा लिया जाए तो ये हो जाएगा CH2H और ये एरिया होता है एलिलिक एरिया, दिस एरिया इज एलिलिक। तो यहां से जो Br आयन डेवलप होता है वो इसके एलिलिक पोजीशन पे अटैक करता है, इसके अलावा कहीं नहीं करता। जब किसी एक अटैकर का पॉइंट फिक्स हो जाए, वो उसके अलावा कहीं और अटैक करने को तैयार ना हो, तो आप कहेंगे सर ये रेडियो सेलेक्टिव टाइप की रिएक्शन है। इसी बात एक दो बार और देखिएगा, किसी कहीं जगह मिल जाए तो आप मेरे इस पॉइंट को वहां से मैच करिएगा तो आपको रीजनल टू का मतलब मिल जाएगा कि किसी चीज का अटैक किसी खास जगह पर। ओके, नाउ व्हाट इज द स्टीरियो सेलेक्टिव। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन बच्चों को स्टीरियो स्पेसिफिक और स्टीरियो सेलेक्टिव में होता है, आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। मैं आपको हल्की हिंट कर दे रहा हूं, स्टीरियो सेलेक्टिव जो आंसर आता है वो हमेशा विद द रिस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्ट आता है, इट इज विद रिस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्ट। और जो स्टीरियो स्पेसिफिक है ये होता है विद रिस्पेक्ट ऑफ रिएक्टेंट। ये इन दोनों के बीच बड़ा अंतर है, विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट। आप स्टीरियो स्पेसिफिक तब कहेंगे जब आप आंसर रिएक्टेंट के थ्रू दे रहे हो, और आप स्टीरियो सेलेक्टिव तब बोलेंगे जब आप आंसर प्रोडक्ट के थ्रू दे रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक कंपाउंड है ये 2-butanol, और अगर मैं इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट H2O4 लगा दूं तो आपको मालूम है यही एक कंपाउंड एक नहीं दो आंसर देता है, बाय द सेटजेफ रूल दो आंसर देता है। अब इन दो आंसर में आप कहते हैं कि ये मेजर है और ये माइनर है क्योंकि ये हाईली स्टेबल है। जब कभी आप ऐसा बोलें कि एक कंपाउंड रिएक्शन के ड्यूरेशन में एक से अधिक आंसर दे और उसमें स्टीरियो केमिस्ट्री लग रही हो, लग रही बिल्कुल, स्टीरियो केमिस्ट्री का मतलब है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल कंफर्मेशन सब स्टीरियो में आता है, तो सारी स्टीरियो में आ गए और आप कह रहे हैं ये मेजर है ये माइनर है, इसका मतलब है ये आंसर हम इस आंसर में लिखेंगे और ये नहीं लिखेंगे। जब आप किसी एक को सेलेक्ट करें और एक को छोड़ दें तो आप कहेंगे वो स्टीरियो सेलेक्टिव है, स्टीरियो सेलेक्टिव, जब ने एक को सेलेक्ट किया और एक को छोड़ दिया। लेकिन ये सिलेक्शन प्रोडक्ट में होता है, अगर सिलेक्शन प्रोडक्ट में हो रहा है तो आप स्टीरियो सेलेक्टिव बोलेंगे, इट इज अ स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन। नेक्स्ट, स्टीरियो स्पेसिफिक। स्टीरियो स्पेसिफिक का मतलब होता है जब कहीं पर बॉन्ड फॉर्मेशन या कहीं पर बॉन्ड की ब्रेकिंग किसी पर्टिकुलर साइड से हो रही हो, किसी खास जगह पर हो रही हो, अटैक भी खास जगह पर हो रहा हो, ब्रेकिंग भी खास जगह पर हो रही हो, तो लाइक इन द केस ऑफ SN1 और A2। अगर मैं ऐसे बोलूंगा तो डिफिनेशन है एक्चुअल में, ये स्टीरियो स्पेसिफिक डिफिनेशन अगर आप गूगल पे देखेंगे तो आपको यही मिलेगी, लेकिन यहां से कोई खास ज्यादा खास बात समझ में आती नहीं है। स्टीरियो स्पेसिफिक का मतलब है किसी खास जगह से बॉन्ड फॉर्मेशन, खास जगह से बॉन्ड ब्रेकिंग। मैं इसको आपको एग्जांपल देकर समझाता हूं, बस ये ध्यान रखिएगा इसका आंसर रिएक्टेंट से आता है प्रोडक्ट से नहीं आता है। मान लीजिए मेरे पास एक कंपाउंड है सिस ब्यूटीन और एक कंपाउंड है मेरे पास ट्रांस ब्यूटीन। मैं रिएक्टेंट पे फोकस कर रहा हूं, मेरा एक रिएक्टेंट ये है और एक रिएक्टेंट ये है, और मैं इस पर एक कंपाउंड का अटैक कराता हूं दैट इज Br2,
आपने पढ़ा होगा ब्रोमीन टेस्ट, अनसैचुरेशन वाला ब्रोमीन टेस्ट आपको याद होगा, ब्रोमीन रेडिश ब्राउन कलर का होता है, लेकिन जब अटैक कर देता है तो वो डीकलराइज कर जाता है, वही रिएक्शन है। इसकी अगर आप मैकेनिज्म देखें तो आपको मालूम चलेगा कि यहाँ पे जो Br2 होता है वो एंटी अटैक करता है। कौन सा रिएक्टेंट कैसे अटैक करता है ये अलग अलग रिएक्शन आपको याद होना चाहिए। फिलहाल ये एंटी अटैक करता है कैसे, दो Br में से एक Br यहां पर आकर के अपना ब्रिज ब्रोमोनियम आयन बना लेता है। ब्रिज ब्रोमोनियम आयन कैसे बनाता है ये मैकेनिज्म का पार्ट है, मैं थोड़ी हल्की हिंट कर रहा हूं, थोड़ी डिटेल बता रहा हूं। जब एक Br अटैक नीचे कर देता है तो ये एरिया नीचे से ब्लॉक हो जाता है, तो दूसरे वाले Br को ऊपर से अटैक करना पड़ता है। एक अटैक नीचे से, एक अटैक ऊपर से, अगर किसी साइड पर पॉजिटिव नीचे से और निगेटिव ऊपर से अटैक करे और वाइस वर्सा, तो आप कहेंगे ये एंटी अटैक है। लेकिन अगर पॉजिटिव और निगेटिव दोनों एक ही तरह से अटैक करें तो इसे कहते हैं सिन, SYN, सिन अटैक। तो फिलहाल मैं आपको एंटी अटैक एग्जांपल दे रहा हूं। तो मैंने आपसे कहा कि अगर मॉलिक्यूल सिस है तो इसके अटैक करने के बाद आंसर क्या आएगा, और अगर मॉलिक्यूल ट्रांस है तो उस पर अटैक करने के बाद आंसर क्या आएगा। यहां पर मैं आपको इस जगह पर फोकस करा रहा हूं, अगर वो सिस होगा तो उसका आंसर हमेशा रश्मिक आएगा, और अगर वो ट्रांस होगा तो उसका आंसर हमेशा मीजो आएगा, बशर्ते अटैक एंटी हो रहा हो। मीन्स डिफरेंट डिफरेंट रिएक्टेंट डिफरेंट डिफरेंट आंसर दे रहे हैं। यहां पर आंसर रिएक्टेंट की वजह से बदल रहा है, तो आप कहेंगे स्टीरियो स्पेसिफिक है, जबकि यहां पर आंसर रिएक्टेंट की वजह से नहीं बदल रहा था, ये रिएक्टेंट तो सेम था, यहां पर आंसर खुद प्रोड अपने में बदल रहा था और उसमें से आपको किसी एक को चूज करना था, तो ये स्टीरियो स्पेसिफिक। और यहां पर रिएक्टेंट के ऊपर खाली अटैक हो रहा है, प्रोड का मतलब ही नहीं है, बस रिएक्टेंट पर किसी खास जगह पर अटैक हो रहा है, तो हमने कहा रिजियो सेलेक्टिव। तो तीन टर्म, ये टर्म बड़े परेशान करते हैं, व्हाट इज द रिजियो सेलेक्टिव, व्हाट इज द स्टीरियो स्पेसिफिक एंड व्हाट इज द स्टीरियो सेलेक्टिव। स्टीरियो स्पेसिफिक जब आप रिएक्टेंट को देखें और अलग अलग रिएक्टेंट अलग अलग आंसर दे, लाइक ये सिस है तो ये रश्मि बनाएगा और ये ट्रांस है तो ये मीजो बनाएगा, बशर्ते अटैक एंटी हो रहा हो, ये फिक्स एकदम ऐसा ही होगा। तो आप कहेंगे सर ये घटना जो है ये रिएक्शन स्टीरियो स्पेसिफिक है, और स्टीरियो सेलेक्टिव में एक रिएक्टेंट है, एक ही है लेकिन आंसर कई दे रहा है, उनमें से कोई एक आंसर सही है और एक आंसर गलत, आप कहेंगे सर ये स्टीरियो सेलेक्टिव है। ओके, अब आपके मन में एक बात आ रही होगी कि सर हम कैसे जानेंगे कि अगर कोई सिस है तो रश्मि बनाएगा और कोई ट्रांस है तो मीजो बनाएगा। आप ऐसे जान नहीं पाएंगे, आपको मैकेनिज्म लिखनी पड़ेगी, आपको Br2 की मैकेनिज्म लिखनी पड़ेगी। मैं इस लेक्चर के एंड में, अगर मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगा और टाइम बचा तो आज ही बताऊंगा इसकी मैकेनिज्म, ताकि आपको लिंक कर पाऊं कि कैसे हो रहा है, अदरवाइज इसकी मैकेनिज्म तो एल्कीन चैप्टर में आनी चाहिए। लेकिन फिर भी मैं आपको यहां पर एक ट्रिक बताता हूं, जो बच्चे उस मैकेनिज्म को नहीं देखना चाहते, इतना लंबा फ्रैगमेंट नहीं सुनना चाहते और वो इस बात को समझना चाहते हैं, तो याद करने की मैं ट्रिक बता दे रहा हूं। ये देखिए मैंने ऊपर कुछ वर्ड लिखे हैं, TAMCAR CSM TAR, ये क्या है, यहां पर T का मतलब है ट्रांस और A का मतलब है एंटी, M का मतलब है मीजो। मतलब अगर कोई चीज ट्रांस होगी और उस पर कोई एंटी अटैक करेगा तो आंसर हमेशा मीजो आएगा, ये मैंने आपके लिए एक फॉर्मूला बना दिया, इट इज अ फॉर्मूला। और ये लिखा मैंने CAR, मतलब अगर कोई चीज सिस होगी, सिस का सी ले लिया है, उस पर एंटी अटैक होगा तो आंसर रश्मिक बनेगा। तो अगर कोई सिस होगा उस पर एंटी अटैक होगा तो आंसर रश्मिक आएगा। अटैक दो तरह के हो सकते हैं, एक तो सिन और एक एंटी। तो मैंने ए का मतलब लिखा है एंटी अटैक और एस का मतलब लिखा है सिन अटैक। अगर कोई चीज सिस है और उस पर सिन अटैक हुआ तो आंसर मीजो आएगा, अगर कोई ट्रांस है उस पर सिन अटैक हुआ तो आंसर रश्मिक आएगा। आप दो तरीके इसको करने के, या तो आप मैकेनिज्म लिख कर देखें और या फिर शॉर्ट ट्रिक में फॉर्मूले को अप्लाई कर दें। ऑब्वियसली बात है, आप मैकेनिज्म को समझ भी लेंगे तो भी कॉम्पिटिशन में आपको आंसर ऐसे ही देने पड़ेंगे, वहां पर लंबी चौड़ी मैकेनिज्म लिखेंगे नहीं आप, तो आप कहेंगे कोई बात करिए, टेम्पो और कारों पर लिखा होता है कसम तेरे सर की, ये मैंने पोएम बना ली। टेम्पो और कारों पर लिखा होता है कसम तेरे सर की। अब साहब ये टेम्पो क्या होता है, कारों क्या होता है, जो आपने देखा होगा शहर में टैक्सियां चलती हैं, टैक्सियां विक्रम, और एक कार भी होती है, एक थ्री व्हीलर होता है, एक फोर व्हीलर होता है। थ्री व्हीलर को मैं कह रहा हूं टेम्पो और फोर व्हीलर को मैं कह रहा हूं कार। और देखिए कई बार टेम्पो और कारों के पीछे वाली जो स्क्रीन होती है उस पर लोग अपना कुछ स्लोगन लिखवा देते हैं, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, मैंने प्यार किया, या कार के ऊपर लिखा होता है शास्त्री का साइन बना दिया, जय गणेश जी लिख दिया, भोले बाबा लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, जो उनको अच्छा लगता है वो लिख देते हैं। जिसने जो लिख दिया मैं उसी को पकड़कर अपनी पोएम बना रहा हूं। टेम्पो और कारों के पीछे वाली स्क्रीन पर लिखा होता है, मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है कसम, कसम तेरे सर की। टेम
टेम्पो गैप कर दिया, टेम्पो और कार पर लिखा होता है कसमा, कसम तेरे सर 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 की, अपने मन से बोल दिया, टेम्पो टेम्पो और कार पर लिखा होता है कसम तेरे सर की। यदि आपको ये बात याद है तो आपके बहुत से क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अगर ट्रांस होगा, एंटी अटैक होगा तो मीजो बनेगा, आपको बनाकर देखने की आवश्यकता नहीं है। अगर कार हो, अगर सिस होगा, एंटी अटैक होगा तो रश्मि बनेगा, अगर सिस होगा सिन अटैक होगा, सिन सिन मतलब अटैक फ्रॉम द सेम साइड, अटैक फ्रॉम द सेम साइड, अटैक फ्रॉम द सेम साइड, अगर ऐसा होगा तो मीजो बनेगा। और अगर कोई ट्रांस फिगर होगी लाइक दिस और उस पे सिन अटैक होगा, ट्रांसफर अटैक सिन मतलब अटैक सेम साइड से, आइदर फ्रॉम द डाउन साइड और फ्रॉम द अप साइड। अगर ट्रांस होगा तो उसका आंसर हमेशा रेसिमिक आएगा, ये मैंने आपको बताया। ओके, तो एकेडमिक वालों की बात यहां खत्म होती है। एकेडमिक वाले एक लाइन फिर सुन लें। एकेडमिक वाले कहेंगे ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन मार्कोनिक ऑफ रूल, दैट्स ऑल। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल, दैट्स ऑल। और हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन बाय द मार्कोनिक ऑफ, दैट्स ऑल। इसमें और इसमें दोनों मार्कोनिक ऑफ है, लेकिन दोनों में अंतर है, वहां पर कार्बोनियम नहीं बनता, यहां कार्बोनियम बनता है, क्योंकि यहां पर आंसर एंटी मार्कोनिक ऑफ से आता है। एकेडमिक वाले याद रखेंगे कि पानी को लगाने के तीन तरीके हैं, क्योंकि कॉम्पिटिशन वाले अब जानेंगे कि यहां पर पानी नहीं लगता, कुछ और लगता है, सारी बातें बताएंगे कैसे मैकेनिज्म होती है और बहुत सारे एग्जांपल लगवाएंगे, ढेर सारे एस्पेक्ट्स दिखाएंगे। यहां शुरू करते हैं हम अपना कॉम्पिटिशन लेवल, इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। यस ना, ये हटा रहा हूं मैं, अब मैं एक एक करके बात करूंगा डिटेल में, ये हटा रहा हूं मैं। यस, तो मैं बात करने जा रहा हूं आपसे ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन की डिटेल में। यहां शुरू हो जाता है आपका कॉम्पिटेटिव एस्पेक्ट्स, और उस एस्पेक्ट्स में सबसे पहले आता है मैकेनिज्म, और इस मैकेनिज्म के थ्रू ही आप ये जान पाएंगे कि एक्चुअल में NaBH4 का रोल क्या है, NaBH4 यहां पर वर्क कैसे करता है। देखिए, तो मैंने एक एल्कीन ले लिया अपने मन से, जस्ट सपोज CH3CH डबल बॉन्ड CH2, और इसके ऊपर मुझे यह दिखाना है कि एसिटिक एसिड कैसे वर्क करता है, कैसे वर्क करता है, और फिर दिखाना है कि यहां पर NaBH4 का रोल क्या होता है, और फिर दिखाना है यहां पर NaOH का रोल क्या होता है, और यहां पर पानी कैसे वर्क करता है। एकेडमी की किताबों में नहीं लिखा है, सच्चाई यह है कि इस रिएक्शन में आपको इसके चार मॉलिक्यूलों की आवश्यकता पड़ेगी, चार बैलेंसिंग में। अब चार क्यों चाहिए मैं दिखाता हूं अभी आपको। फिलहाल मैं एसिडिक एसिड की बात करता हूं, सॉरी मर्क्यूरिक एसिडेट की, मैकेनिज्म शुरू कर रहा हूं। ये है मेरे पास मर्क्यूरिक एसिडेट HgOCOCH3, ऑब्वियस सी बात है, इट्स अ वेरी गुड सॉल्ट, पानी में डिजोल्व किया, ब्रेक कर गया होगा, पानी में डिजोल्व किया, ब्रेक कर गया होगा, तो यहां पर बन गया एक एसिटेट आयन, और यहां पर बन गया एक मर्क्यूरिक एसिटेट आयन, एक बन गया मर्क्यूरिक एसिटेट का सॉल्ट, मर्क्यूरस कह लें, Hg प्लस है मर्क्यूरस। तो यहां पर यह फिगर आपको दिखाई देगी। अब ये वाला जो पॉजिटिव पार्ट आप देख रहे हैं, इस पॉजिटिव पार्ट की वजह से ये बिहेव करेगा एज अ इलेक्ट्रोफाइल, और आपको अच्छी तरह मालूम है कि यहां पर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफी ज्यादा है ड्यू टू पाई इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड, एंड दिस इज द कॉज ये CH3 ये वाला CH2 बॉन्ड इसके साथ इंटरैक्ट कर जाएगा, और अब आपको ये फिगर कुछ यूं दिखाई देगी ऐसे, ये पॉजिटिव यहां पर आकर इंटरैक्ट करने जा रहा है, किससे इंटरैक्ट करने जा रहा है, यहां पर पाई बॉन्ड से इंटरैक्ट करने जा रहा है, ये पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। अब इंटरैक्ट कैसे करेगा, सब होना तो ये चाहिए था कि देखिए ये बॉन्ड पर टूट कर प्लस आयन लगना चाहिए था,
सच्चाई है इसके ऊपर, प्लस आई लगना चाहिए था, और प्लस आई लगने से बॉन्ड को ब्रेक होना चाहिए था, बॉन्ड आगे जाती तो कुछ देर के बाद यहां पर माइनस और यहां पर क्या दिखाई देता, प्लस, और फिर क्या होता, और फिर ये वाला पॉजिटिव और ये वाला निगेटिव आपस में मिल जाता, ये होना चाहिए था। और इस तरीके से अब आपको ये फिगर कुछ यूं दिखाई देनी चाहिए थी, CH3 CH+ ये हो गया न्यूट्रल, ये निगेटिव और पॉजिटिव मिल गया, ये न्यूट्रल हो गया, और यहां पर आ गया आपका HG, ये आ गया O, ये आ गया COCH3, ये फिगर आनी चाहिए थी। अगर हम नॉर्मल मैग्नेटिक की बात करें तो कुछ ऐसा होना चाहिए था, लेकिन प्रॉब्लम यहां पर ये है, क्योंकि आपको एक रूल मालूम होगा, मैक्सिमम स्टेबिलिटी रूल, जो रूल कहता है कि अगर कहीं कंपाउंड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो उसको वहां जाना चाहिए जिसके ऊपर सबसे हाई इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर हो, और निगेटिव चार्ज है तो वहां जाना चाहिए जहां पर हाई इलेक्ट्रो निगेटिव नेचर हो। तो यहां पर C+ है, लेकिन मरकरी नाम का भी एक एलिमेंट बैठा हुआ है, और मरकरी एक मेटल है, तो ये मरकरी इसे कहता है कि मेरे रहते हुए पॉजिटिव चार्ज तुम अपने पास नहीं रख सकते, दिस इज द कॉज, ये पॉजिटिव चार्ज तुरंत मुझको दे दो। ठीक, आपको मालूम है मरकरी के ऊपर क्या होते हैं, ऑब्वियस मरकरी एलिमेंट के अंदर अपने बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, और उनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन ये अपने इसको देकर के बॉन्ड बना लेता है, जैसे ही इसको देकर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना लेता है यहां का पॉजिटिव हटेगा और यहां पर पॉजिटिव आ जाएगा। तो अगली फिगर आपका दिखाई देगी, अब आपको फिगर दिखाई देगी CH3, यहां पर आएगा CH, यहां पर आएगा CH2, ये आ गई मरकरी, ये आ गया, यहां पर आ गया प्लस, ये हो गया COCH3, ये देखिए इसका नाम है ब्रिज मर्क्यूरोनियम आयन, ये ब्रिज बनाता है दोनों में, इसका नाम है ब्रिज मर्क्यूरोनियम आयन, मैंने लिखा था यहां पर, लिखा था मैंने, इट इज अ ब्रिज मर्क्यूरोनियम आयन। तो ये क्या बनाता है, ये ब्रिज मर्क्यूरोनियम नाम का इंटरमीडिएट बनाता है, ये बना दिया। आपके मन में क्वेश्चन आ रहा था सर ये कार्बोनियम क्यों नहीं बनाता, उसका मैंने आंसर दिया, कार्बोनियम तब बनाएगा जब यहां पर कोई हाई इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट नहीं होगा, चूंकि इसके पास हाई इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है इसलिए वो कार्बोनियम बना रहा है। अच्छा, रीअरेंजमेंट क्यों होता है, जो चार्ज होता है उसको हम स्टेबलाइज करना चाहते हैं इसलिए उसको हम इधर उधर फेंकते हैं, रिजोनेंस में भी इधर उधर फेंकते हैं, या हम प्लस आई इफेक्ट से करके चार्ज को कम करते हैं, किसी भी तरीके से हम चार्ज को कम करते हैं जिसकी वजह से हम उस आयन की स्टेबिलिटी बढ़ाते हैं। यहां पर चार्ज की स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए कौन आ गया है, खुद प्लस आ गया है, मैक्सिमम स्टेबिलिटी रूल के अकॉर्डिंग रूल को फॉलो कर रहा है, मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया और ये स्टेबलाइज हो गया, ये स्टेबलाइज हो गया, ये अनस्टेबल था ये स्टेबल हो गया। ओके, अब क्या होगा, अब आपने कहा कि सर इस कंपाउंड ने अटैक तो कर दिया, लेकिन अटैक रियल में किसे करना है, पानी को, पानी क्योंकि पानी के पास क्या मौजूद है, लोन पेयर, ये कैसे बिहेव कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल। अभी अटैक किसका हुआ है, अभी तो अटैक आपने इलेक्ट्रोफाइल कराया है, अटैक नंबर वन। अच्छा, अटैक नंबर वन को मैंने आपसे कहा था कि ये स्टीरियो फर्स्ट स्टेप में जो अटैक होता है, फर्स्ट स्टेप में जो अटैक होता है वो स्टीरियो स्पेसिफिक होता है। स्टीरियो स्पेसिफिक का मतलब यहां पर किसी खास जगह पर अटैक से होता है, स्टीरियो स्पेसिफिक का मतलब है अटैक किसी खास जगह पर, काफी कुछ रीजियो सेलेक्टिव और रीजियो स्पेसिफिक काफी समय तक सिमिलर लगता है हमको, क्योंकि रीजियो स्पेसिफिक भी कहता है अटैक किसी खास जगह कराओ और रीजियो सेलेक्टिव भी कहता है अटैक किसी खास जगह कराओ। तो अगर मैं स्टीरियो स्पेसिफिक अगर आप देखें किताबों में तो कई जगह आपको इस रिएक्शन के आगे लिखा है कि ये हाई रीजियो स्पेसिफिक है, कुछ किताबों में स्टीरियो स्पेसिफिक भी लिख दिया गया है, लेकिन कई किताबों को देखने को मिलेगा ये हाई रीजियो स्पेसिफिक है। तो हाई रीजियो स्पेसिफिक का मतलब है ये किसी खास जगह बॉन्ड बनाता है, और ये खास जगह बॉन्ड कहां बनाता है ये भी एक खास बात है कि वो साथ यहां पर एक ब्रिज मर्क्यूरोनियम आयन बनाता है, और साथ बात यहां पर खास जगह से बॉन्ड बनाता है और किसी खास जगह से बॉन्ड को तोड़ता भी है। देखिए अब यहां पर आपके मन में बात आ रही होगी कि जब रिएक्शन प्रोसीड करेगी तो बॉन्ड इधर वाली टूटेगी कि इधर वाली टूटेगी, बताएंगे भी, जैसे बता देंगे आपको बात समझ आ जाएगी कि स्टीरियो स्पेसिफिक मैंने यहां पर क्यों लिखा है, और ये फर्स्ट स्टेप में स्टीरियो स्पेसिफिक है मतलब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करते समय, सेकेंड स्टेप में ये स्टीरियो स्पेसिफिक नहीं रहता, ये जो वॉटर देख रहे हैं आप, ये जो वॉटर देख रहे हैं ये अटैक यहां पर भी कर सकता है और ये अटैक यहां पर भी कर सकता है, सेकेंड अटैक जो है वो फिक्स नहीं है, सेकेंड अटैक फिक्स नहीं है, लेकिन इस अभी कंट्रोवर्सी मत पड़िए, हम समान बातें करते हैं, पहले सिंपल बात कर लें फिर हम लोगों इसको थोड़ा और कॉम्प्लिकेट करेंगे। अब ये पानी इसे पूछता है कि बताओ मैं अटैक कहां करूं, तो पहले आप बताएंगे इसका मेन आंसर, मेन प्रोडक्ट, तो ये पानी अटैक कहां करेगा, ऑब्वियस जहां पर पॉजिटिव चार्ज आएगा,
पॉजिटिव कहां पर आएगा? देखिए यहां पे पॉजिटिव कहां पर आएगा ये डिपेंड करेगा इसके ऊपर। ये नीचे ब्रिज के नीचे ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है ऐसे ऐसे, अगर ये ऑसिलेट करता हुआ अंदर आ गया मतलब इसने बॉन्ड इधर से ब्रेक कर ली, इसने बॉन्ड इधर से ब्रेक कर ली, इधर आ गया इस तरफ की ओर, ये बॉन्ड इधर से ब्रेक हो गई। अगर इसने बॉन्ड इधर से ब्रेक करी तो ये पूरा मॉलिक्यूल यहां दिखाई देगा, तो यहां पर पॉजिटिव आएगा एक ऑप्शन। और अगर इसने ऐसे से पैक करते तो यहां से बॉन्ड ब्रेक कर ली तो फिर यहां से बॉन्ड हट जाएगी तो यहां पर पॉजिटिव आएगा। तो कुल मिलाकर बस दो ऑप्शन आएंगे, या तो पॉजिटिव चार्ज यहां पर आएगा और या फिर पॉजिटिव चार्ज यहां पर आएगा। ये डिपेंड करता है ये किधर टूटेगा। तो पहले हम इससे पूछ लें कि तुम्हें टूटना कहां अच्छा लग रहा है, तो ये कहेगा सर हम बाहर की तरफ जाना चाहते हैं। हमने कहा क्यों? उसने कहा सर अगर मैं बाहर जाऊंगा तो मेरे मॉलिक्यूल पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम लगेगी, और अगर मैं अंदर आ जाऊंगा तो मेरे ऊपर स्टेरिक हिंड्रेंस इधर का मॉलिक्यूल भी लगाएगा इधर का मॉलिक्यूल भी लगाएगा। आप किसी भी क्लास के अंदर बीच की चेयर पर बैठना चाहते हैं कि किनारे की चेयर पर? आप बस में बीच में बैठना चाहते हैं कि किनारे में? आप ट्रेन में बीच में बैठना चाहते हैं या किनारे? आप हमेशा किनारा पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि किनारे आपके ऊपर एक साइड खाली होती है और आप थोड़ा कंफर्टेबल होते हैं, मतलब आप पर स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं लग रही होती। दिस इज द कॉज, ये वाला जो मॉलिक्यूल होता है वो चाहता है कि मैं किनारे जाऊं ताकि मेरे ऊपर स्टेरिक हिंड्रेंस कम से कम लगे। एक वजह तो ये होती किनारे जाएगा, और एक वजह और है जब ये किनारे जाएगा तो बॉन्ड यहां से नहीं यहां से ब्रेक करेगा, और यहां से ब्रेक करेगा तो यहां पर जो कार्बोनियम आयन आएगा वो 2 डिग्री आएगा, जबकि यहां से जब ब्रेक करता तो कार्बोनियम 1 डिग्री आता। तो आप कहते हैं 2 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री। सर एक तीर दो शिकार हुए, एक वजह से दो, एक काम करने से दो फायदे हो रहे हैं। दिस इज द कॉज हम आपसे कहेंगे कि यह कंपाउंड इस तरीके से ब्रेक कर जाएगा। CH3 CH+ CH2 HGO COCH3। अब यदि मैं ऐसे ब्रेक कर दूंगा तो आपके मन में आएगा सर फिर कार्बोनियम बना दिया? नहीं, कार्बोनियम तो बनाना ही नहीं है हमको, क्योंकि जब तक प्लस रहेगा, जब तक प्लस रहेगा तब तक ये कहेगा मरकरी कि मैं बहुत अच्छा इलेक्ट्रो पॉजिटिव हूं, अगर प्लस रहेगा तो केवल मेरे ऊपर रहेगा। इसीलिए जैसे ही ये बॉन्ड टूटती है तो प्लस यहां से हटता है, लेकिन ये प्लस कार्बन पे नहीं जा सकता, इसीलिए उसी समय पानी इस पर अटैक कर देता है। अगर पानी ने अटैक कर दिया तो अब आपको ये फिगर यू दिखाई देगी। ये देखिए पानी ने अटैक कर दिया, पानी के पास आपको मालूम है ओ के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, इसलिए वो न्यूट्रल है। लेकिन जब वो इस पर अटैक करता है तो अटैक करने के बाद आपको ये वाली बॉन्ड ऐसे बनानी होती है। तो अब आप देखेंगे तो यहां पर ओ के पास 5 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, और इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाने की वजह से यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। आपको फिर लगेगा कि सर ओ पर पॉजिटिव आ गया, ये भी तो मैक्सिमम स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग वायलेशन है। तो यहां पर तुरंत इमीडिएट विद इन नैनो सेकेंड, बिल्कुल समय नहीं मिलेगा, इमीडिएट आपको समझने में समय लग रहा है, उसको करने में समय नहीं लगता, वो इमीडिएट यहां पर अपनी इस वाली बॉन्ड को तुरंत ब्रेक कर लेगा ऐसे। अगर उसने तुरंत इस वाली बॉन्ड को ब्रेक कर लिया तो अब बोलो फिगर क्या दिखाई दी। मैं इधर लिखने जा रहा हूं, तो अब बोलो फिगर क्या दिखाई देगी। तो अब आपको ये फिगर दिखाई देगी CH3 C के ऊपर OH, ये CH2, ये HG, OCOCH3, और देखो निकल गया H+ आयन। एक्चुअल में यहां से लेकर यहां तक की रिएक्शन एक साथ विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड होती है, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। क्यों? क्योंकि आप प्लस जब तक यहां रखे रहेंगे तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही आप पानी डालेंगे और पानी जैसे ही यहां अटैक करेगा तो सारे काम एक साथ होंगे। ये वाला प्लस यहां से उठकर यहां जाएगा लेकिन यहां रुक नहीं सकता, इसीलिए ये वाला प्लस तुरंत यहां पर जाएगा लेकिन यहां भी रुक नहीं सकता, इसीलिए ये वाला प्लस तुरंत यहां जाएगा, और यहां पर प्लस स्टेबल होता है और यहां पर ये रुक सकता है, और ये कंपाउंड भी आपका स्टेबल हो गया। तो ये तीनों कंपाउंड, ये तीनों रिएक्शन आप एक साथ दिखाएंगे। फिर देखिए मैंने आपसे मरकरी का एसिटेट सॉल्ट लिया था, वहां से एक इलेक्ट्रोफाइल डेवलप किया, उस इलेक्ट्रोफाइल को मैंने आपसे कहा कि डबल बॉन्ड पर अटैक करेगा,
वो पहले मैंने डबल बॉन्ड दिखाई थी, फिर प्लस आई इफेक्ट लगाया था, निगेटिव पॉजिटिव में तोड़ा था, मरकरी मैंने कहा निगेटिव पॉजिटिव से मिलना चाहेगा, लेकिन निगेटिव पॉजिटिव मिलेगा तो एक प्लस यहां रह जाएगा, तो ये गुस्सा हो जाता है इससे, ये कहता है मेरे रहते हुए प्लस तुम कैसे रह सकते हो, तो ये प्लस इसको दे देता है, देते समय यहां पर मरकरी के इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज हो जाते हैं। फिर अब ये ब्रिज मरक्यूरोनियम आयन इस तरफ से बन गया, जिसकी वजह से इसका एक साइड ब्लॉक हो जाता है, ये वाली साइड ब्लॉक हो गई। इसलिए अगर आपको पानी का अटैक कराना है तो पानी का अटैक नीचे से नहीं हो पाएगा, तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक किया है नीचे से और न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा ऊपर से, मतलब एक अटैक नीचे से और एक अटैक ऊपर से, तो ये कैसा अटैक हो गया, ये एंटी अटैक हो गया। इसीलिए मैं आपसे कह रहा था कि यहां पर अटैक कैसा होता है, यहां पर अटैक एंटी होता है। एंटी अटैक होने के बाद पानी अटैक किया तो प्लस का लॉजिक, पहले प्लस यहां था, फिर प्लस यहां पर आया, फिर प्लस यहां पर गया, फिर प्लस यहां पर गया, देखिए सारे काम विद इन नैनो सेकंड हो जाते हैं और एक बार में ये मॉलिक्यूल स्टेबलाइज होकर के मैं यहां तक पहुंच जाता हूं। ओके, देन अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब आगे देखिए ये था, अब क्या होगा, अब आप इसके ऊपर लगाएंगे NaBH4, अब आप इसके ऊपर लगाएंगे NaBH4, सब उसका क्या देखिए, इसके ऊपर अब आप लगाना चाहते हैं NaBH4। एक्चुअल में NaBH4 का मतलब होता है एक मेरे पास Na प्लस है और एक मेरे पास BH3 है, जब तक ये BH3 रहेगा तब तक तो बोरॉन पे कोई चार्ज नहीं होगा, लेकिन जैसे ही आप इसके ऊपर एक एच और लगाते हैं तो बोरॉन बिहेव लाइक अ नॉन मेटल, लेकिन एच के सामने बोरॉन बिहेव करेगा पॉजिटिव की तरह और ये एच बिहेव करेगा निगेटिव की तरह। आपको मालूम होगा बोरॉन एल्यूमिनियम सब प्लस चार्ज होते हैं, बोरॉन प्लस थ्री एल्यूमिनियम प्लस थ्री, अब बोरॉन प्लस थ्री या एल्यूमिनियम प्लस थ्री था, H माइनस न्यूट्रल था, एक एच और आ गया, तो ये पूरा कंपाउंड क्या हो गया, BH4-1 हो गया। तो यहां पर हो गया बोरॉन के ऊपर कितना चार्ज प्लस तीन, सोडियम पे कितना चार्ज प्लस चार, और एच 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 और एच कितने एच, कितने एच माइनस के चार एच। इस तरीके से ये कंपाउंड अपने आप को न्यूट्रल करता है, इसका नाम है सोडियम बोरोहाइड्राइड। अब यहां से मुझे H निकालने हैं और इन H को निकालकर मैं यहां इंट्रोड्यूस कराऊंगा, और कैसे कराऊंगा देखिएगा, देखिएगा यहां पर आपने कहा है कि इसे मुझे प्लस करना है, ऑब्वियस इलेक्ट्रॉन बाहर भागेगा, यहां निगेटिव आएगा तभी प्लस करेंगे आप, तो यहां से मैं डेवलप कर रहा हूं H, और जब H में डेवलप करता हूं तो इसी को मैं कह सकता हूं ये रिड्यूसिंग एजेंट है। ये अटैक कहां करेगा, यहां पर, हेडिंग का नाम था ऑक्सीमर्क्यूरेशन, जब मरकरी अंदर आया तो वो ऑक्सीमर्क्यूरेशन था, अब मरकरी यहां से बाहर निकलेगा तो नाम पड़ेगा डीमर्क्यूरेशन, अब मैं कराने जा रहा हूं डीमर्क्यूरेशन। अब देखिए यहां पर जो डीमर्क्यूरेशन होता है, इस वाले मरकरी को मुझे बाहर निकालना है, अगर मुझे इस वाले मरकरी को बाहर निकालना है तो मैं क्या करूंगा, यहां से इलेक्ट्रॉन यहां से यहां ट्रांसफर करूंगा। आपको हो सकता थोड़ा सा अजीब लगे, क्यों, ये आपको अजीब लगेगा सर, आप मरकरी पर निगेटिव चार्ज ले जा रहे हैं, सच्चाई ये है कि इसकी एकदम एग्जैक्ट रियल मैकेनिज्म अभी तक डिस्कवर नहीं हुई है, इसकी रियल मैकेनिज्म तक डिस्कवर नहीं हुई है, इसलिए अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग किताबों में अलग अलग आंसर दिए हैं, क्योंकि अलग अलग पब्लिशर अलग अलग साइंटिस्टों की बातें पढ़ते हैं, जो जिससे कन्विंस हो जाता है उसकी बात लिख देता है, उसकी बात लिख देता है। यहां पर जो कुछ अच्छी फॉरवर्ड किताबों में जो आंसर दिए गए हैं उसमें यही कहा गया है कि बॉन्ड यहां पर ब्रेक करती है, और हम समझा भी देंगे आखिरी में कि काफी ज्यादा कन्वीनियंट है इस बात को मानना। फिलहाल कुछ साइंटिस्ट ये भी कहते हैं कि यहां की इसके आगे की मैकेनिज्म फ्री रेडिकल की होती है, लेकिन फिलहाल जब तक आपको कोई एक्यूरेट मैकेनिज्म नहीं मिल जाती तब तक आप मानेंगे कि ऐसा हो रहा था। फिर आप पढ़ाई कर ही रहे हैं, आप रिसर्च करेंगे, कोई नया कॉन्सेप्ट लेके आइएगा तो फिर उसको भी किताब में छापा जाएगा और फिर उसको आगे पढ़ाया जाएगा, तब तक आप यही मानिए। यदि आप इसे ब्रेक कर देते हैं तो यहां पर फिगर क्या आती है, यदि आप इसे ब्रेक कर देंगे तो फिगर आएगी CH3, सी के ऊपर OH, यहां पर आएगा CH2, आप इलेक्ट्रॉन नीचे ले गए हैं तो सी पर क्या आएगा प्लस, और नीचे क्या छूट गया, नीचे आ गया मरकरी के ऊपर माइनस OCOCH3। बिल्कुल घबराइएगा नहीं, अभी मैं इसको बताऊंगा कि मैं इसे बेहतर क्यों कह रहा था, अभी दिखाऊंगा मैं आपको। ओके, इतना करने के बाद यहां से जो H माइनस निकला था, यहां से ये वाला H माइनस आयन अब यहां पर जाकर के अटैक कर देगा, ये वाला H अगर यहां चला गया तो यहां पर फिगर क्या बन जाएगी, एच माइनस, माइनस प्लस क्या हो जाएगा न्यूट्रल, ये देखिए, और ये वो कंपाउंड बन गया जो आप जानना चाहते थे, ये वही कंपाउंड है जो बनाना चाहते थे। अगर इस कंपाउंड में पानी लगा दिया जाए तो मैंने आपसे कहा था यहां पर आंसर मार्कोनी कॉफ रूल के अकॉर्डिंग आना चाहिए, ये देखिए मार्कोनी कॉफ रूल के अकॉर्डिंग यही आंसर आना चाहिए, ये आ गया।
लेकिन बहुत खास बात, एकेडमी का बच्चा कह रहा था कि केवल पानी का ही पॉजिटिव और निगेटिव आया है। सच्चाई देखिए, यहां पर जो ये एच आया है वो कहां से आया है, यहां पर जो ये एच आया है ये NaBH4 से आया है, मतलब ये वाला एच पानी का नहीं है। और यहां पर जो ये OH आया है ये कहां से आया है, ये पानी से आया है, ये पानी से आया है, ये NaBH4 से आया है। यही मैं पीछे समरी में आपको बता रहा था। अब जरा इसकी बात कर लें, ये कंपाउंड क्या है। अगर मैं आपको इसकी बात दिखाता हूं तो आप कह सकते हैं, मैं इसको यहां लिख दे रहा हूं, तो आप कह सकते हैं कि इसका अगला स्टेप क्या होगा। इसका अगला स्टेप होगा कि साहब ऑक्सीजन कहता है कि मेरे रहते हुए मरकरी तुम निगेटिव चार्ज कैसे रख सकते हो, लिहाजा तुरंत अपना निगेटिव मुझको दे दो। ये देखिए, और यदि ऐसा होगा तो मरकरी हो जाएगा न्यूट्रल और ये आ जाएगा निगेटिव और ये हो जाएगा COCH3। ये देखिए, इस मैकेनिज्म को हम ज्यादा कन्वीनियंट क्यों मानते हैं, क्योंकि यहां से लेकर के यहां तक का स्टेप विदिन नैनो सेकंड होता है। विदिन नैनो सेकंड मींस आपने इस बॉन्ड को तोड़ा, आपको जैसे ही लगा कि इसके ऊपर निगेटिव आना गलत है, कुछ गलत नहीं है, रास्ता देखिए, निगेटिव यहां पर आया लेकिन अगले ही पर यहां से यहां ट्रांसफर हो गया। इसका मतलब है यहां पर निगेटिव रुका थोड़ी नहीं है, ये कोई इंटरमीडिएट थोड़ी नहीं है, तो खाली रास्ता है, यहां से तुरंत यहां पर कन्वर्ट हो गया और ये देखिए कंपाउंड मेरे लिए ठीक है, ये स्टेबलाइज कंपाउंड है, रेजोनेंस ऑयल स्टेबलाइज भी है, तो ये कंपाउंड हो सकता है। और प्रैक्टिकल मैकेनिज्म भी बताती है कि इस रिएक्शन के एंड में मुझे मरकरी मिलता है, मतलब मुझे मर्क्यूरिक एसिटेट नाम का जो कंपाउंड लिया था वो आखिर मुझे ये नहीं मिलता, आखिर मुझे फ्री एटम मिलता है, फ्री एटम ऑफ मरकरी, और ये रूल को फॉलो भी कर रहा है। ओके ठीक, अब मैंने आपसे कहा था इस रिएक्शन में मुझे चार मॉलिक्यूल चाहिए होते हैं, अब चार को चाहिए होते, सुनो NaBH4 से बारी बारी कितने निकलेंगे, चार। अगर यहां से चार निकलेंगे तो यहां पर ये मॉलिक्यूल कई बार होना चाहिए था, चार। अगर ये मॉलिक्यूल चार बार होगा तो ये चार बार होगा, तो ये आंसर कई बार आएगा, चार बार। NaBH4 कई बार होगा, ये चार बार, ये चार बार, तो NaBH4 कई बार होगा, ये एक ही बार होगा, क्योंकि यहां पर चार एच तो पहले से ही मौजूद है। पानी कई बार होगा, यस पानी कई बार होगा, हाँ पानी यहां पर चार बार होगा, पानी यहां पर चार बार होगा, क्योंकि हर बार पानी का एक OH यहां पर आएगा, तो पानी का जो एक H प्लस आयन बच रहा है वो कहां गया, जो पानी का एक H प्लस आयन बच रहा है वो H प्लस आयन पहले स्टेप में निकले हुए एसिटेट आयन को एसिटिक एसिड में कन्वर्ट कर रहा होगा, एसिटिक एसिड में कन्वर्ट कर रहा होगा। तो ये मॉलिक्यूल भी कितना चाहिए होगा हमको, चार बार, ये चार बार होगा तो ये चार बार निकलेगा, ये चार बार निकलेगा, तो ये चार H प्लस आयन से मिलकर के ये बना देगा। देन इसका यू समझा दिया, ये हो गया, ये हो गया। सर NaOH को लिया आपने, अब NaOH देखिए, NaOH हम इसलिए लेते हैं ताकि इस रिएक्शन को हम इनहांस करा पाए। इस रिएक्शन में जो पोलराइजेशन का काम शुरू करता है वो NaOH करता है, NaOH की वजह से ही यहां पर पोलराइजेशन शुरू होता है। और इस पोलराइजेशन की अगर आप बैलेंस मैकेनिज्म देखें, देखें NaOH की वर्किंग दिखा रहा हूं मैं आपको कि NaOH क्या करता है, तो आप कहेंगे ये कंपाउंड है मेरे पास NaBH4 और इसके ऊपर लगाया है आपने NaOH, क्या बार NaOH, ये फोर टाइम, ये वन टाइम, ये फोर टाइम, लेकिन ये भी फोर टाइम, NaOH फोर टाइम, तो एक NaOH, दूसरा NaOH, तीसरा NaOH और चौथा NaOH। जब यहां से चार एच निकल गए इस प्रोसेस में तो यहां क्या बचा होगा, यहां बचा होगा Na प्लस और B प्लस थ्री, यहां से चार एच निकल गए तो बचा होगा Na प्लस B प्लस थ्री और ये सारे OH इसके ऊपर अटैक कर चुके होंगे, तो यहां पर जो बन जाएगा वो बन जाएगा Na, जहां BH4 था वहां बन जाएगा NaBH4, जहां NaBH4 था वहां पर बन जाएगा NaBO4, मतलब सारे NaOH के OH यूज हो गए। अब आपके पास बचा क्या है, अब बचा है Na प्लस, सर ये कहां जाएगा, तो मर्क्यूरिक एसिटेट से जो एसिटेट आयन निकला था, मर्करी एटम को छोड़ने के बाद जो एसिटेट आयन निकला था, ये एसिटेट आयन इस वाले Na से कंबाइन कर लेगा और यहां पर क्या बना लेगा, यहां पर सोडियम एसिटेट बना लेगा। यह है इसकी कंप्लीट मैकेनिज्म। सर फायदा क्या होगा इस मैकेनिज्म को सीखने से, हमें क्या फायदा होगा, चलिए इस मैकेनिज्म को सीखने से फायदे देखते हैं। हां मैकेनिज्म को सीखने से फायदे, चलिए फायदे नुकसान की बात कर लेते हैं आपसे।
तक हम मैकेनिज्म सीख ले गए तो अब आप ऐसा क्वेश्चन कर ले जाएंगे, मान लीजिए मैं आपसे पूछूं कि CH3CH डबल बॉन्ड CH2 के ऊपर अगर यहां पर NaBH4 और वाटर लगाया जाए, अगर यहां पर NaBH4 और D2O लगाया जाए, अगर यहां पर NaBD4 दोनों H ले लिए, दोनों D ले लो, फिर यहां पर एक D ले लो और एक H ले लो, और यहां पर एक H ले लो और एक D ले लो, और बाकी जो चीजें हैं वो कॉमन है। CH3 COO का होल ट्वाइस HG रहा होगा, NaOH रहा होगा, ये सभी में कॉमन है। अगर मैं आपसे इस क्वेश्चन का आंसर पूछूं तो इस क्वेश्चन का आंसर केवल वो बच्चे दे सकते हैं जिनको इसकी मैकेनिज्म मालूम हो, जिनको मालूम हो कि कौन कहां कहां अटैक करता है। देखिए बिना मैकेनिज्म के जल्दी से आंसर, सबसे पहले ये सोचिए कि मरकरी कहां आता है। मरकरी कभी अंदर नहीं आएगा, मरकरी हमेशा वहां पर जाएगा जहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगी, स्टेरिक हिंड्रेंस बाहर कम होगी, जिसकी वजह से अंदर हमेशा क्या दिखाई देगा, कुछ सेकंड के लिए पॉजिटिव चार्ज, और उसी पॉजिटिव पानी अटैक करेगा। तो चलिए आंसर देखिए, तो यहां पर जो आंसर आएगा वो हो जाएगा CH3, यहां से OH आएगा, यहां पर आएगा CH3CH2 मरकरी वाला पार्ट, फिर मरकरी निकल जाएगा और NaBH4 से यहां पर H आ जाएगा, यहां पर आंसर ही आएगा। यहां पर CH3CH, यहां पर पानी से D2O है तो यहां पर ऊपर OD आएगा, और यहां पर इस वाले पार्ट पे जब मरकरी निकलेगा तो NaBD से आएगा, तो ये D आंसर आएगा। यहां पर पानी है तो ऊपर OH आएगा, और यहां पर जब मरकरी होगा, जब वो हटेगा तो यहां से D आएगा, तो यहां पर D आ जाएगा। यहां पर CH3CH पानी से OD आएगा, और जब यहां वाला मरकरी यहां से हटेगा, जो मरकरी लगा हुआ था, जब हटेगा तो यहां से H आएगा, ये आंसर आएगा। तो ये चार वेरिएशन संभव हो सकते हैं, अगर आपको मैकेनिज्म मालूम है तो आप समझ सकते हैं ये बात। चलिए कुछ और केस बताइए, जरा सोच के बताइए इन केसों में आंसर आपको क्या देखने को मिलेंगे। अगर मेरे पास कोई एल्कीन ऐसा है, या मेरे पास कोई, यहां पर CH3 मान रखा है मैंने, यहां पर CH3 है, यहां पर H, या अगर मैंने कोई ऐसा एल्कीन मान लिया है तो क्या होगा, या अगर मैंने यहां पर कोई ऐसा एल्कीन मान लिया है तो यहां पर क्या होगा। इन तीनों पर ऑक्सी मर्क्यूरेशन डी मर्क्यूरेशन, स्क्रीनशॉट लीजिए, हटा रहा हूं इसको, यस, इन तीनों पर क्या होगा यदि मैं इन सब पर वाटर लगाऊं, ये हटा रहा हूं। अच्छा एक बात और, यहीं पर मैं आपको बता देता हूं इस क्वेश्चन से पहले, अगर यहीं पर मैं सारे पानी हटा दूं, अगर मैं यहां पर सारे पानी हटा करके यहां पर एल्कोहल लगा दूं, और यहां पर एल्कोहल लगा दूं, तो आंसर बदल सकता है। अब यहां पर एल्कोहल नहीं आएगा, अब यहां पर ईथर बन जाएगा, लेकिन मैं अभी इसकी बात आपसे डिटेल में करूंगा, और डिटेल में इन अ वेरी लॉन्ग मैनर करूंगा। फिलहाल मैं वापस आ रहा हूं इसी पर और पानी लगाता हूं। अगर मैं इन कंपाउंडों पर पानी लगाऊं तो क्या आंसर आएगा। अगर मैं इस पर पानी लगाता हूं तो फिर से वही चार ऑप्शन चलेंगे, लेकिन मैं अब एक ही बार लिख रहा हूं, आप बात समझ गए मेरी, आप बात समझ गए, यहां पर चार ऑप्शन बन सकते हैं, अब मैं बातों चार में लिख रहा हूं। क्या आंसर आएगा पहले वाले में, देखिए पहले वाले में जो मरकरी है CH3COO का होल ट्वाइस HG, वो हमेशा वहां पर जाएगा जहां स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगी। मैंने बताया था आपको, आप साइड, आप किनारे वाली सीट पे बैठना पसंद करते हैं, तो यहां पर कम है, यहां पर आएगा मरकरी, इस वाले में इधर दो है इधर एक है, यहां पर आएगा मरकरी, और यहां पर डबल वाली बॉन्ड में यहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है, तो यहां पर आएगा मरकरी। तो पहले देख लो मरकरी कहां पर आएगा, CH3 ये सिंगल बॉन्ड कर ली, यहां पर H, यहां पर H, और यहां पर कुछ पल के लिए आ गया वो मरकरी वाला एसिटेट आयन, वो मरकरी वाला पूरा पार्ट। इस वाले केस में क्या होगा, इस वाले केस में आपको इस वाले तरफ कंपैरेटिवली स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, इसलिए अब आपको
यहां पर दिखेगा मरकरी वाला पार्ट, मरकरी वाला पार्ट यहां पर कर ले। अगर हम इस कंपाउंड को ऐसे बना लेते हैं, ये डबल बॉन्ड, इस कार्बन की तरफ तीन एच निकले हुए हैं, अगर आप देखें तो इस वाले कार्बन पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, इधर स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, जहां स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगी वहां पर आएगा मरकरी वाला पार्ट, ये यहां पर आएगा मरकरी वाला पार्ट। तो पहले आप कॉम्पोजिशन लेवल पर तुरंत कंपाउंड को देखते हुए पहले ये डिसाइड करिए कि मरकरी कहां जाएगा, मरकरी वहां जाएगा जहां स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगी। तो दूसरे वाले एरिया पे कौन आएगा, अगर मैंने पानी ले रखा है तो दूसरे वाले एरिया पर OH आएगा, तो अगर मैंने यहां पर एल्कोहल ले रखा होता तो दूसरे वाले एरिया पे OR आता। अभी एल्कोहल की बात अलग से करेंगे, यहां पर अगर पानी ले रखा है तो दूसरे वाले एरिया पे OH आएगा, यहां पानी ले रखा है तो दूसरे वाले एरिया पे OH आएगा, डबल वाली बॉन्ड सिंगल हो चुकी है और यहां पर देखिए OH आ गई। अब क्या होगा, अब कुछ देर के बाद यहां से मरकरी बाहर निकलेगा, मरकरी बाहर निकलेगा, मरकरी बाहर निकलेगा, दैट इज डीमर्क्यूरेशन। तो अगर यहां NaBH4 होगा तो सब पर H आएगा, अगर यहां पर NaBD4 होगा सब पर D आएगा। तो मैं मान लेता हूं सब पर H दे रखा है, तो जब इसका डीमर्क्यूरेशन होगा तो यहां से H आ जाएगा, ये वाला H, जब इसका डीमर्क्यूरेशन होगा तो यहां पर H आ जाएगा, और जब इस जब इसका डीमर्क्यूरेशन होगा तो यहां पर H आ जाएगा। आपको याद होगा कि मैंने आपसे कहा था इसमें अटैक कैसे होते हैं, एंटी होते हैं। तो अगर आप इस एंटी प्रेजेंटेशन को यहां पर और डिटेल में दिखाना चाहें तो देखिए आपको अच्छी तरह मालूम है साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होता, क्योंकि यहां का कार्बन क्या होगा sp3 होता है, एंगल कितना होना चाहिए 109, तो विद्युत कितना रहा है 120। इस लॉजिक से आपको कई बार बता चुका हूं कि इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है, दैट इज चेयर फॉर्म, ये कुछ ऐसा होता है। मान लीजिए ये पॉइंट नंबर 1 है, ये पॉइंट नंबर 2 है, तो पॉइंट नंबर 1 पर, पॉइंट नंबर 1 पर यहां पर ये CH3 लगा है। आपको मालूम होगा कि जो पॉइंट ऊपर जाता है उसे हम एक्सियल कहते हैं, जो पॉइंट नीचे जाता है उसे इक्विटोरियल कहते हैं। ऊपर का मतलब है जिधर पॉइंटर भाग रहा हो, पॉइंटर नीचे तो ये एक्सियल, 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 ये ऊपर भाग रहा था एक्सियल, ये जो ऊपर भाग रहे हैं अकॉर्डिंग टू देयर पॉइंटर्स ये सारे एक्सियल हैं, और इसके बगल में जो ये वाला पॉइंट आप देख रहे हैं, मैंने बताया था अगर ये ऊपर होगा दूसरा पॉइंट नीचे होगा तभी मिलेगा sp3, एंगल 109 डिग्री 28 मिनट का। अगर ये एक्सियल है तो इसे हम कहते हैं इक्विटोरियल। हमेशा बल्की कंपाउंड हमेशा इक्विटोरियल पोजीशन पे होता है स्टेरिक हिंड्रेंस कम करने के लिए। तो एक बात तो कंफर्म है, पहले इसको इक्विटोरियल पे दिखा देना, इसका मतलब है ये वाला मॉलिक्यूल ऐसे लिखा जाएगा CH3 CH3 CH3। आप इस वाले मॉलिक्यूल पर, इस वाले मॉलिक्यूल को एक्सियल पर नहीं दिखा सकते। यह बात आपको याद होनी चाहिए कि अगर मैं साइक्लोहेक्सो कंपाउंड के अंदर कोई बल्की मॉलिक्यूल लगा रहा हूं तो वो हमेशा एक्सियल पे जाना चाहिए, सॉरी हमेशा इक्विटोरियल पे जाना चाहिए। अब अगर ये इक्विटोरियल पे चला गया तो यहां पर ये वाला पॉइंट खाली है और यहां पर भी एक एक्सियल होगा, एक इक्विटोरियल, एक्सियल नीचे भाग रहा है तो इक्विटोरियल मैंने मान लिया ये वाला, ये इक्विटोरियल है, एक नीचे है एक ऊपर है। अब आप यहां पर कह सकते हैं कि ये वाला जो OH है वो आपको यहां पर दिखाना चाहिए था, अब आपका OH यहां पर आएगा, ये देखिए, यस, ये वाला OH ऊपर। अब H और OH आपने सेम डायरेक्शन में लगाए हैं कि अपोजिट लगाए हैं, क्योंकि अब आपको डिसाइड करना है कि आने वाला H कहां पर आए, यहां पर आए कि यहां पर आए। तो आप बताइए आपने ये अटैक कैसा कराया था, एंटी कराया था। एंटी में अगर आप कह रहे हैं कि एक OH ऊपर चला गया है, इसका डायरेक्शन ऊपर है तो दूसरे वाले का डायरेक्शन नीचे होना चाहिए, दिस इज द कॉज। आप आने वाला जो रेड वाला एच है वो आप यहां पर दिखाएंगे, यहां यहां नहीं दिखा सकते, यहां दिखाएंगे तब आप बोलेंगे एक ऊपर जा रहा है और एक नीचे जा रहा है, इसका मतलब एक कैसा प्रोडक्ट है, ये एंटी प्रोडक्ट है। इवन दो एक एच यहां पर पहले से मौजूद है, इवन दो यहां पर एक एच पहले से मौजूद है अपनी वैलेंसी को पूरा करने के लिए, और वो वाला आप एच यहां दिखाइए जो पहले से मौजूद था, ये कहां से आया है, ये NaBH4 से आया है। तो जो NaBH4 से आएगा वो OH का अपोजिट होगा। अगर आप इस बात को यहां पर इतना डिटेल में बोलना नहीं चाहते और यही पर अपनी बात को शो करना चाहते हैं तो यहां पर भी आप एंटी का प्रेजेंटेशन दिखा सकते हैं, लेकिन जब आप यहां पर एंटी को दिखाएंगे तो यहां तो समझ में आ रहा है कौन ऊपर है कौन नीचे है। तो आप एक काम करिएगा, आप एक को मोटेड इंडेक्स दिखा दीजिए, आप एक को मोटेड इंडेक्स दिखा दीजिए इज लाइक OH, और एक को आप डैश से दिखा दीजिए इज लाइक डैश। तो आप समझ जाएंगे कि सर इसका मतलब यह है कि ये दोनों अपोजिट लगे हैं। आप यहां रिपीट करना चाहते तो ऐसे कर लें,
और यहां रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो ऐसे कर लें। बोलो समझे मेरी बात, बोलो समझे मेरी बात। तो ये क्वेश्चन आपके डेवलप हो सकते हैं ऑक्सी मल्टीप्लिकेशन डी मल्टीप्लिकेशन पर डबल बॉन्ड के ऊपर। एक अच्छा क्वेश्चन बनाया है मैंने, इसको देखिए। और कोई भी क्वेश्चन देखते ही आप तुरंत समझ जाइए पहले टैग मरकरी कहां करेगा, जहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा उस पर पानी लगा दीजिए। NaBH4 का ध्यान रखिए अटैक कहां करेगा, NaBH4 भी हो सकता है और NaBD4 भी हो सकता है। अब इन्हीं सारे कंपाउंडों पर अगर एल्कोहल अटैक कराया जाए तो मैंने आपको एल्कोहल यही को नहीं पढ़ा दिया क्योंकि मेरे पास एल्कोहल के साथ बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं जो यहां पर नहीं किए जा सकते, इसीलिए मैं आपको एल्कोहल अलग से बता रहा हूं। हैविंग अ वेरी गुड क्वेश्चन, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन, कॉम्पिटिशन लेवल पे एल्कोहल को पूछते हैं। देखिए मान लीजिए मेरे पास एक फिगर है CH3CH double bond CH2 एल्कीन, और इसके ऊपर आपने लगा दिया CH3COO का होल ट्वाइस मरकरी, और आपने अब की यहां पर लगा दिया है एक एल्कोहल, मैंने जनरलाइज एल्कोहल ले लिया, और नीचे आपने लगा रखा है NaBH4 जो NaBD4 भी हो सकता है और साथ में NaOH। आपको अच्छी तरह मालूम है सबके चार चार मॉलिक्यूल होते हैं, इसके चार, इसके चार, इसके चार, इसके चार, इसका एक ही मॉलिक्यूल होता है। अब यहां पर आंसर आएगा वो क्या आएगा, पहले इसी मगर देखिए, सबसे पहले आप यहां से बॉन्ड उठाएंगे और यहां पर पहले ब्रिज मर्क्यूरोनियम आयन बनाएंगे, फिर मरकरी इधर जाएगा, मरकरी इधर जाएगा, यह हट गया, मरकरी इधर चला गया ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, जब यहां चला गया तो कुछ पल के पॉजिटिव यहां पर आएगा और फिर ये वाला एल्कोहल यहां पर अटैक करेगा। तो आपको जो आंसर दिखाई देगा वो कुछ ऐसा दिखाई देगा, ये CH3, ये आ जाएगा आपके पास OR, ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगी, यहां पर एक्स्ट्रा ही अभी, और ये हो जाएगा CH2, और यहां पर कौन लगा हुआ है, मरकरी वाला कैटलिस्ट लंबा वाला मरकरी एसिटेट के साथ, फिर उसके बाद इसका डी मर्क्यूरेशन कराएंगे और जब ये बाहर निकल जाएगा, ये बाहर निकलेगा तो NaBH4 से कौन आ जाएगा, H, अगर ये H है तो H आएगा, D है तो D आएगा, तो यहां पर H और D दोनों आ सकता है, यहां पर H और D दोनों आ सकता है। अच्छा यहां पर ROH ना होकर के ROD होता तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे यहां पर RO ही चाहिए था, तो यहां पर H हो चाहे यहां पर D हो उससे यहां का आंसर बदलने वाला नहीं है। अब अगर आप ये बात जान गए तो मुझे आप फटाफट आंसर बताइए। अब आप मुझे बताइए कि अगर इस कंपाउंड के ऊपर देखिएगा, अगर इस कंपाउंड के ऊपर एल्कोहल लगाया जाए तो क्या होगा, और इसी कंपाउंड के ऊपर अगर, चलिए पहले आप डिफरेंट डिफरेंट एल्कीन ले लीजिए, इसके ऊपर लगाया जाए तो क्या होगा, और इसी कंपाउंड पर मैं एल्कोहल ही चेंज करता हूं, और इस कंपाउंड पर अगर ये वाला एल्कोहल लगाया जाए तो क्या होगा। अभी मैं पिछले क्वेश्चन में एल्कीन चेंज कर रहा था, कोई पानी मेरे पास, पानी पानी होता है फिक्स है, यहां पर मैं एल्कोहल चेंज कर सकता हूं, और अगर मैं इस कंपाउंड के ऊपर ये वाला एल्कोहल लगाऊं तो क्या होगा, इधर CH3 इधर CH3 और ये, अब क्या होगा। अगर मैं इसी कंपाउंड के ऊपर ये वाला एल्कोहल लगाऊं, ये वाला एल्कोहल लगाऊं तो क्या होगा, और मैं इसी कंपाउंड पर अगर टर्शरी ब्यूटिल एल्कोहल लगाऊं तो क्या होगा। एक ही एल्कीन के ऊपर मैं डिफरेंट डिफरेंट एल्कोहल लगा सकता हूं, ये काम मैं पानी में नहीं कर पा रहा था क्योंकि मैं पानी देखी था तो मैं वहां पर एल्कीन चेंज कर रहा था, तो ये क्वेश्चन और कॉम्प्लिकेट हो गया। आप इस क्वेश्चन में एल्कीन भी चेंज कर सकते हैं और एल्कोहल भी चेंज कर सकते हैं। एल्कीन चेंज करेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, मरकरी वहां पर अटैक करेगा जहां स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगी, आपका आंसर निकल आएगा। अब मैं दिखा रहा हूं कि एल्कोहल को अगर बदलेंगे तो क्या होगा, तो कोई बड़ी बात एल्कोहल बदलने में भी नहीं है। यहां पर आइए, पहला टैंक कहां पर होगा जहां स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगी मरकरी की, तो यहां पर जो आंसर आपको दिखाई देगा वो होगा CH3CH, तो सबसे पहले आपको मरकरी दिखाना होगा, ये मरकरी का सॉल्ट हो गया, उसके बाद अटैक करेगा एल्कोहल, तो एल्कोहल का ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला पार्ट यहां अटैक करेगा कहां पर, अपोजिट साइड पर, तो यहां पर जो आंसर आएगा वो आएगा OCH3। OCH3 आया, H निकल गया। अब उसके क्या होगा, डीमर्क्यूरेशन, तो डीमर्क्यूरेशन होगा तो मैं मान ले रहा हूं बाय डिफॉल्ट सभी केसों में NaBH4 लिया है, जब ये निकलेगा तो यहां पर आंसर आएगा H, ये देखिए बन गया इधर, इट इज ROR, ये इधर बन गया, यहां पर इधर डिफरेंट बनेगा इसी क्वेश्चन से। तो अब आप कहेंगे यहां पर आंसर आएगा CH3CH CH2, इस पे आया होगा मरकरी का सॉल्ट, इस बार ये अटैक ऊपर से करेगा तो यहां पर आंसर क्या आएगा, यहां पर आंसर आ जाएगा OCH2CH3, और जब इसका डीमर्क्यूरेशन होगा तो यहां पर H आ जाएगा।
अगर यहां पर NaBD4 होगा तो यहां पर D आ जाएगा, लेकिन अगर यहां पर H जगह पर मैं D कर दूं तो उससे मेरे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यहां पर क्या होगा, यहां पर आंसर आएगा ये मेरा एल्कीन CH3CH2 और ये वाले एल्कोहल अगर यहां टैग किया तो वो लोग क्या दिखाई देगा, तुमको दिखाई देगा O, H निकल जाएगा ये वाला, और तुमको यहां दिखाई देगा CH के साथ ये CH3 और ये CH3 ये। और जब इसका मरकरी आपको जो लगा था मरकरी हटेगा तो वहां पर कौन आ जाएगा, H। ये किससे आ रहा है, NaBH4 से आ रहा है, ये किससे आ रहा है, ये एल्कोहल से आ रहा है। यस, अगर आप इस कंपाउंड के ऊपर इस वाले एल्कोहल लाइट आएंगे तो पहले मैं कंपाउंड लिख दे रहा हूं, तो आप कहेंगे यहां पर आएगा CH3 CH CH2, यहां पर आ जाएगा मरकरी वाला सॉल्ट, और ये वाला जो एल्कोहल का ग्रुप आप देख रहे हैं अब ये अटैक करेगा यहां पर। अगर ये अटैक यहां पर करेगा तो फिगर क्या आ जाएगी, तो ऊपर आ जाएगा एल्कोहल ये, और ये आ गई आपकी रिंग, और यहां पर जो एच था वो एच यहां से निकल जाएगा, और बाद में जब ये वाला पार्ट हटाएंगे तो इस वाले पार्ट पे एच या डी एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ NaBH4 आ जाएगा। जब ये वाला केस लेंगे तो क्या आंसर आएगा, जब ये वाला केस लेंगे तो आंसर क्या आएगा, ये हो जाएगा आपके पास CH3, ये हो जाएगा CH2, यहां पर मरकरी असॉल्ट, और यहां पर जो ये वाला एल्कोहल का लोन पेयर आप देख रहे हैं ये अटैक करेगा यहां पर। तो इसने यहां पर अटैक किया तो आपको फिगर दिखाई देगी यहां पर O, O के ऊपर C, और C के ऊपर आपको दिखाई देगा ये CH3, और बाद में मरकरी हटेगा तो यहां पर आपको एच दिखाई देगा, और ये वाला एच किससे आ रहा होगा, NaBH4 से आ रहा होगा, वो वाला एच एल्कोहल का एच नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से एक वर्किंग हो सकती है, और ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन अच्छे क्वेश्चन में सकते हैं, और भी मेरे पास एक अच्छा क्वेश्चन ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन पे है, इसे कॉपी करिए, बताता हूं अगला क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। यस, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन से ही आता है वो। अब मैं अगर आपको ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन को रिवर्स डायरेक्शन में चलाने के लिए कहूं, आपको प्रोडक्ट बता दूं और पूछूं आपसे रिएक्टेड क्या होगा, और यह क्वेश्चन मैं आपको ईथर में बनाऊंगा, क्यों, क्योंकि ईथर में आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर एल्कीन और एल्कोहल दोनों में वेरिएशन है, जबकि अगर मैं एल्कोहल वाले केस का रिवर्स करूंगा तो उसमें क्या फायदा होगा, एक पानी तो कंफर्म है ही, तो वहां पर आंसर जल्दी पकड़ में आ जाएगा कि कौन सा एल्कीन होगा, कौन सा एल्कोहल, कौन सा पानी होगा। लेकिन अगर मैं आपको ईथर दूं और उल्टा पूछूं तो शायद मुश्किल हो आपके लिए। देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे पास डाई टर्शरी ब्यूटाइल डाई सेकेंडरी ब्यूटाइल ईथर है मेरे पास, चेक कर लें क्या ये डाई सेकेंडरी ब्यूटाइल ईथर है, डाई दो बार एक इधर डाई सेकेंडरी दो डिग्री पर, 1-2 डिग्री, यस 2 डिग्री, यस डाई सेकेंडरी कुल 4 डाई सेकेंडरी ब्यूटिल ईथर, यस। मैं पूछ रहा हूं कि बताओ ये कंपाउंड किस एल्कीन से बना होगा और किस एल्कोहल से बना होगा, उल्टा पूछूंगा, या मैं आपसे कहूं कि मेरे पास एक कंपाउंड है, देखो इट इज आइसो कंडीशन, इट इज आइसोप्रोपिल, और यहां पर इधर भी मैंने ले लिया आइसोप्रोपिल, तो इसका नाम हो गया डाई आइसो प्रोपाइल ईथर, और अगर मैं इधर ले लूं टर्शरी और इधर भी ले लूं ऐसा ही टर्शरी, तो इसका नाम हो जाएगा डाई टर्शरी ब्यूटाइल ईथर। या अगर मैं आपसे कहूंगी ये वाला केस देखो, एक सिंपल साइक्लोहेक्सिल का डाईथर, ये चारों केसेस, या एक केस मैं और लिख देता हूं जगह है मेरे पास ऊपर, या अगर मैं आपसे कहूंगी ये वाला केस देखो, एक केस है मेरे पास ये CH3 CH O CH2 CH3, अगर मैं इन सारे केसों में पूछूं आपसे उल्टे की बताओ एल्कीन एल्कोहल क्या होगा, अभी मैं क्या कर रहा था ये और ये देखकर ये बनवा रहा था, अब मैंने आपको ये दे दिया पूछा ये बताओ क्या होगा, तो बड़ी अच्छी ट्रिक है, थोड़ा सा लगानी होगी ट्रिक पर, अब एक काम करिए मैं ट्रिक बताता हूं आपको,
ट्रिक सॉल्व करेंगे। आप एक काम करो, किसी भी पार्ट पर ऐसे बैठ कर दो इधर से, आइदर फ्रॉम दिस साइड और फ्रॉम दिस साइड, और मान लो कि एक तरफ एच दिया है और एक तरफ एच निकाल लिया है। मान लो ये काम तुम इधर से भी कर सकते हो, पहले ये बस मान लो, मान लो मैंने ऐसे बैठ कर दिया, एक एच इधर, एक इधर एच दिया, इधर एच निकाल लिया। मान लो यदि तुमने ऐसा करा तो यहां से एक एल्कोहल आएगा और वो एल्कोहल ये होगा CH3CH2CH CH3OH। वो एल्कोहल ऐसा होगा, मैं एल्कोहल इधर लिख रहा हूं, मैं एल्कोहल इधर लिख रहा हूं, इट इज एल्कोहल एंड इट इज एल्कीन। तो यहां पर जो एल्कोहल आएगा वो ये आएगा CH3CH2CH3OH। और यहां पर आपको H निकालना है, कहां से? इस वाली पोजीशन के पास से H निकालना है, इस वाली पोजीशन के पास का यहां से निकालना है, इसकी सराउंडिंग से ऐसे H निकालो कि डबल बॉन्ड आ जाए। तो यहां से निकालने पर डबल बॉन्ड तो नहीं बेहतर होगी, यहां से तो नहीं, यहां से निकालो या फिर यहां से निकालो। अब यहां से निकालोगे और यहां से निकालोगे तो दो आंसर आएंगे, इसका मतलब एल्कीन के यहां पर दो ऑप्शन है मेरे पास, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2CH3 भी आ सकता है, और अगर मैं बीच वाले से निकाल दूंगा तो यहां पर आंसर ये भी आ सकता है। तो आपसे प्रोफेसर ने पूछा गया कि बताओ इससे क्या क्या बनेगा, तो एक एल्कोहल तो कंफर्म है लेकिन एल्कीन दो बन रहे हैं, यहां से भी और यहां से भी। अब आप ये देखो कि अगर मैं इसकी रेशो इससे कराऊं तो ये आंसर आता है कि नहीं, या फिर इसकी रेशो इससे कराऊं तो ये आंसर आता है कि नहीं, इसके किसी एक कराने भी वो आंसर आएगा, और जो आंसर आएगा तो फिर मेरा काम हो जाएगा। तो आप देखिए चक्कर है, चक्कर है, यहां पर अगर आप मरकरी लगाएं तो मरकरी यहां पर यहां लगा सकते हैं आप, फिर दोनों तरफ कार्बोन की स्टेबिलिटी बराबर होगी और स्टेरिक इंडेंस बराबर है। तो मैंने मान लिया कि मरकरी मैंने बाहर लगा दिया ऐसे, तो ये वाला एल्कोहल कहां अटैक करेगा, तो ये वाला एल्कोहल यहां अटैक करेगा, और यहां अटैक करेगा तो ध्यान से देखो, तो ध्यान से देखो, मुझे लगता है कि ये यहां अटैक करेगा वो आंसर नहीं ला पाएगा। सोचो क्या आंसर आएगा, तो दिखाओ क्या आंसर आएगा, इस तरह जो आपको आंसर दिखाई देगा वो दिखाई देगा CH3CH2CH CH3, और ये अटैक कर रहा है इस वाले को ऊपर, इस वाले को ऊपर, इसका मतलब है ये वाला CH3 शायद नहीं आ रहा है, CH3 यहां पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, इसने अटैक करा इस वाले ऊपर, तो इसका O अटैक करेगा इस वाले CH पर, यहां पर CH3, यहां पर CH, यहां पर CH3, यहां पर लगा है मरकरी, और जब मरकरी घटेगा तो यहां पर H। क्या वही आंसर आ गया चक्कर? हाँ वही आंसर आ गया, इसका मतलब ये और ये मिलकर के मेरा सही आंसर दे रहा है। तो बच्चे करें, क्या ये और ये मिलकर सही आंसर दे सकता है? चेक करें। अगर मैं आपको नीचे दिखाता हूं, अगर मैं इस कंपाउंड का अटैक इस पर कराऊं CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH3, क्योंकि यहां से एक एल्कीन मैंने माना था ये भी बन सकता था, तो आप बताओ मरकरी कहां अटैक करेगा? तो मरकरी पहले बीच में आएगा, फिर जहां स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा उधर जाएगा, इस बार स्टेरिक हिंड्रेंस इधर कम है, अगर इधर कम है तो ये मरकरी इधर भाग जाएगा, और मरकरी इधर भाग जाएगा तो ये वाला आंसर आपके अटैक यहां करेगा। यस, ये दोनों आंसर सही आ गए, बिल्कुल बढ़िया, वेरी गुड, ये दोनों सही आ गए। इस बार ये वाला हो फिर से यहां पर अटैक करेगा, अगर यहां पर अटैक करेगा तो चेक करके देख लेना यही वाला आंसर वापस आएगा। दिस द कॉज, इस कंपाउंड को बनाने के लिए कौन सा एल्कीन चाहिए और कौन सा इधर चाहिए, कौन सा एल्कोहल चाहिए? तो इस कंपाउंड को बनाने के लिए ये वाला एल्कोहल चाहिए, और इन दोनों एल्कीन से मुझे लग रहा है ये काम हो जाएगा। फिर भी आप चेक करके देख लीजिएगा कि किसी को दिक्कत तो नहीं आ रही है, एग्जैक्ट आंसर वही आना चाहिए। ठीक है, मामला ठीक है, हटा रहा हूं। अगर इस कंपाउंड पे करना हो यही कॉन्सेप्ट लगाइए इसी कॉन्सेप्ट पर, बोलो क्या होगा? किसी भी तरफ ब्रेक कर लो, मान लो मैंने ब्रेक कर लिया तो यहां पर एच आ जाएगा, यहां डबल बॉन्ड आएगी आइदर फ्रॉम दिस साइड और दिस साइड, काम खत्म हो चुका, आंसर बड़ा स्पष्ट है। तो यहां पर दो एल्कोहल आएंगे, सॉरी यहां पर एक एल्कोहल आएगा ये वाला एल्कीन, तो दोनों सेम ही बनेगा तो यहां तो कोई झगड़ा ही नहीं है, और यहां पर जो एल्कीन बनेगा वो ये बनेगा। ये देखिए, एक तरफ से एच निकाल लो और एक तरफ एच डाल दो, ये कॉन्सेप्ट बता रहा हूं मैं आपको ट्रिक, तो इसमें से ये आंसर आएगा। चेक कर लो, यहां पर मैं मरकरी लगाऊंगा, फिर मरकरी कहां भागेगा? बाहर की तरफ, तो मरकरी आ गया बाहर की तरफ, ये होगी सिंगल बॉन्ड, और फिर ये वाला अटैक करेगा यहां पर,
क्या यही आंसर आ रहा है? हाँ यही आंसर है। यहां पर एक तरफ H दे दो और एक तरफ H निकाल लो, तो चाहे काम इधर करो चाहे इधर करो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तुम ऐसा करोगे तो यहां पर मेरे पास एक अल्कोहल ये आएगा, यदि तुम करोगे ऐसा तो एक अल्कोहल ये आएगा और उस तरफ मेरे पास एक डबल बॉन्ड आ जाएगी, और जो डबल बॉन्ड कुछ इस तरीके की होगी, ये देखिए ऐसे। तो ये अल्कोहल और ये एल्कीन मिलकर के ऑक्सीमर्क्युरेशन डीवल को ये आंसर देंगे। यदि अब ट्रिक निकालना चाहो चेक कर लो, अगर तुम मरकरी लगाओगे तो मरकरी कहां जाएगा गाइस? सिलिक इंटरेस्ट कम होगी, कहां कम है? यहां, तो यहां चला जाएगा मरकरी वाला पार्ट। अगर मरकरी वाला पार्ट यहां चला गया तो ये ओ टैग कहां करेगा? ये ओ टैग यहां कर देगा और बाद में मरकरी हट जाएगा, यहां पर क्या आ जाएगा? सिंपल एच आ जाएगा, तो वो ए फिगर तो आ जाएगी। यहां इसको फिर से कट कर दो, एक तरफ एच लगा दो, एक तरफ एच निकाल दो, एच निकालो तो यहां पर क्या आ जाएगी? डबल बॉन्ड। तो यहां पर आंसर क्या आएगा? आपको यहां पर आंसर मिलेगा एक एल्कोहल और यहां पर आपको आंसर मिलेगा एक एल्कीन, ये दोनों मिलकर के आंसर देंगे। यहां पर कर लेंगे कोई खास बड़ी बात नहीं है, यहां से आप प्रूव करेंगे, एक तरफ एल्कोहल आ जाएगा, यहां पर कर लेंगे यहां डबल बॉन्ड आ जाएगी, तो यहां पर दो आंसर आ जाएंगे। एक यहां पर एल्कोहल मिल जाएगा हमको, ये तो ये वाला एल्कोहल अगर इस एल्कीन से मिलेगा तो इस तरीके से हमको ये आंसर देगा। तो ऑक्सीमर्क्युरेशन डीमर्क्युरेशन इन अ वेरी मच डिटेल मैंने आपको सारी संभावनाओं को बता दिया है, जितनी संभावनाएं एकेडमिक्स लेकर कॉम्पिटिशन डेवलप हो सकती हैं। अब मैं जा रहा हूं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन की तरफ, पढ़ा रहा हूं उसको। यस, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, इसकी शॉर्ट समरी तो मैं आपको पहले बता चुका हूं। यस, मैकेनिज्म देखें, सी सो देखें क्या फायदा होता है। देखें ये हमारे पास कोई अनसेचुरेटेड अनसिमेट्रिकल कंपाउंड, इसके ऊपर लगा दिया मैंने BH3 THF, यहां पर H2O2 और यहां पर OH- मतलब NaOH, OH- का मतलब है NaOH, मैंने कोई बेस ले रखा है NaOH, यहां पर लिख सकते हैं आप। ओके, रिएक्शन कैसे होगी? यहां पर इसके मुझे तीन मॉलिक्यूलों की आवश्यकता होगी, क्यों दिखाऊंगा मैं। और ऐसा करने पर मुझे इसके भी तीन चाहिए होंगे, इसके भी तीन चाहिए होंगे, जबकि इसका एक मॉलिक्यूल ही सफिशियंट है। देखिए क्यों, यहां पर जो आंसर आएगा वो आएगा ये CH3 CH2 CH2 OH तीन बार, और यहां पर जाएगा Na3 BO3, कुछ ऐसा आंसर आएगा। हम हर चीज का लॉजिक समझना चाहते हैं। सबसे पहले सर THF का यूज किया है और ये होता क्या है? इसका नाम है टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, THF इसका नाम है टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन। स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, इट इज साइक्लिक ईथर, इट इज एक्चुअल अ वेरी गुड सॉल्वेंट, इट इज जस्ट एक्चुअल अ वेरी गुड सॉल्वेंट। क्यों लिया गया यहां पर, काम क्या है? इसकी रिएक्शन रिएक्टिविटी बिल्कुल ना के बराबर है, ये रिएक्शन पार्टिसिपेट नहीं करता, तो फिर लिया क्यों गया? ये लिया क्या गया? लिया गया है BH3 को, BH3 को अपने अकॉर्डिंग रिएक्शन में पार्टिसिपेट कराने के लिए। क्यों? क्योंकि सामान्यता BH3 क्या करता है, सामान्यता BH3 एक डाइमर फॉर्म में पाया जाता है, एक BH3 इज दिस और एक BH3 इज दिस, और आपने फर्स्ट ईयर में केमिकल बॉन्डिंग पढ़ी है बनाना बॉन्ड। एक्चुअल में ये BH3 ये वाली बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन कभी इधर कभी इधर, और ये वाले दो इलेक्ट्रॉन कभी इधर कभी इधर, इस तरीके से एक बनाना बॉन्ड बना लेते हैं। इट इज अ बनाना बॉन्ड फ्रॉम द अपसाइड एंड इट इज द बनाना बॉन्ड फ्रॉम द डाउन साइड, जिस वजह से BH3 किस फॉर्म में पाया जाता है, B2S6 की फॉर्म में। और ऐसा करने पर ये मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, स्टेबल। और अगर ये स्टेबल हो जाता है तो इसकी रिएक्टिविटी बहुत कम हो जाती है, मतलब अब ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि ये पार्टिसिपेट करे, इसलिए हम नहीं चाहते कि BH3 बनाना बॉन्ड बना ले। तो BH3 पहले से ही अनस्टेबल स्पीशीज है, क्योंकि उसके अंदर इनकम्प्लीट ऑक्टेट है,
ये देखिए ये वाला H, ये वाला H, ये वाला H, इसके अंदर इनकम्प्लीट ऑक्टेट होने की वजह से ये कंपाउंड पहले से ही हाईली अनस्टेबल है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इट इज इनकम्प्लीट ऑक्टेट। तो या तो ये अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए डाइमर बना लेगा, अगर डाइमर बना लेगा तो रिएक्शन नहीं करेगा, तो मैं नहीं चाहता ये डाइमर बनाए, लेकिन मैं इसकी कमी को भी पूरा करना चाहता हूं, मीन्स इसको इसके जीवन को स्टेबलाइज करना चाहता हूं, और इसके जीवन को स्टेबलाइज करने के लिए मैंने इसमें फ्यूरेट डाल दिया, जो क्या करेगा अपना लोन पे इसको दे करके इसकी ऑक्टेट पूरी कर देगा। ये कहेगा कि तुम्हारा मैं पेट भर दे रहा हूं, तुमको स्टेबल होना था मैंने कर दिया, लेकिन तुम अपना डाइमर मत बनाओ, तुम डाइमर बना लोगे तो फिर रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करोगे। तो व्हाट इज द यूज ऑफ पीएचएफ, ये यूज है पीएचएफ का। ओके नाउ आगे, अगर आप बीएस3 के डायग्राम को, जो कि डाइमर नहीं बना रहा है, अब अगर आप बीएस3 के डायग्राम को रियल में देखें तो कैसा दिखाई देता है, ये है बीएस3 का डायग्राम, इट इज बीएस3। ध्यान देखिए, एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा, सिग्मा सिग्मा सिग्मा, तीन सिग्मा, कोई कोऑर्डिनेट नहीं, कोई लोन पेयर नहीं। और यदि ऐसा होगा तो ये कंपाउंड sp2 हाइब्रिडाइज होगा, मतलब ph और py यूज हो गया है, एक p खाली पड़ा है, इट इज वैकेंट p, ये है इसका वैकेंट p ऑर्बिटल, और इसकी वजह से इसमें इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी हो सकती है। ठीक, अब इसके बाद हम शुरू करते हैं इसकी वर्किंग। ये तो खाली मैंने थीम बताई, ये बातें आपको मालूम होनी चाहिए। अब आती है इसकी मैकेनिज्म, देखिए ओके। तो मैकेनिज्म में पॉइंट आता है इसका कि मेरे पास एक CH3, ये फिगर देखिए ऐसे, ये CH डबल बॉन्ड CH2। अब जो BH3 है, जो वैकेंट डी ऑर्बिटल है, वैकेंट पी ऑर्बिटल जो है, वो ऑब्वियस वहां पर जाएगी जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। कहां जाता है? यहां जाता है। तो अब आपके पास बी को लाने के दो ऑप्शन है। अब आप बी दो तरीके लगा सकते हैं। देखिए, मैं ये कंपाउंड दो तरीके लिखता हूं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यहां नहीं यहां लिखता, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। हो सकता है आप बी को ऐसे लगाएं, आप एक बी को ऐसे लगाएं, एच ऐसे और एक एच ऐसे, आप ऐसे दिखा सकते हैं, और हो सकता है आप यहां पर बी को ऐसे दिखाएं, ये बी ऐसे, ये एच ऐसे और ये एच ऐसे। अब बताइए, आउट ऑफ दिस टू कॉन्फ्यूगरेशन, दोनों संभावनाओं में से कौन सी संभावना आपको ज्यादा बेहतर लग रही है? मैंने आपसे हमेशा कहा है कि आप कहां बैठना पसंद करते हैं, आप सीट पर किनारे बैठना पसंद करते हैं, आप बीच में बैठना पसंद नहीं करते, और जो रूल आप पर लगता है वो केमिस्ट्री पे लगता है। ये कंपाउंड बीच में आ रहा है, जिसकी वजह से स्टेरिक एंट्रेंस इधर से भी प्रॉब्लम है, और ये मॉलिक्यूल किनारे आ रहा है तो स्टेरिक एंट्रेंस कम हो जाएगी, दिस इज द कॉज, ये कंपाउंड सही बैठ रहा है और ये गलत बैठ रहा है। अब आप रिएक्शन ऐसे नहीं कराएंगे, ऐसे कराएंगे, देन इसको लेकर मैं ऊपर आ गया। अब क्या होगा, यहां पर इसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो यहां पर एक टेट्रासाइक्लिक नाम की रिंग बनती है एज ए इंटरमीडिएट, ये रिंग स्पेशली यही बनती है। देखिए क्या होता है, इसमें कमी है इलेक्ट्रॉनों की, तो ये ऊपर से पाई बॉन्ड को बुला लेता है, कहता मेरी कमी पूरी करो, लेकिन ऐसा होते ही प्रॉब्लम आती है, बोरॉन की वैलेंसी 3 होती है और कितनी हो रही है 4, तो वैलेंसी 4 ना होने पाए और इसकी वैलेंसी ऑलरेडी 3 हो गई है, वैलेंसी 3 भी ना हो जाए, ये कार्बोनियम भी नहीं बनाए, कार्बोनियम क्यों ना बनाए, बना ले तो भाई, देखिए प्रॉब्लम। जैसे आप इसको नीचे लाएंगे सी पर प्लस आएगा, सी पर प्लस आने के बाद, सी पर प्लस आने के बाद बोरॉन कहेगा कि देखो मैं तुमसे ज्यादा मेटलिक नेचर में हूं, बोरॉन इज कंपैरेटिवली बेटर मेटल देन कार्बन, इवन दो बोथ आर नॉन मेटल, ये तो मेटलॉइड की फिगर में भी आता है, देखिए ये मेटलॉइड है और ये नॉन मेटल, तो इसके सामने पॉजिटिव चार्ज ये नहीं रह सकता, पॉजिटिव यहां ट्रांसफर होना चाहिए, लेकिन कुल मिलाकर के ये बहुत अच्छा पॉजिटिव चार्ज भी अकोमोडेट नहीं कर सकता, क्योंकि ये बहुत अच्छे पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग स्पीशीज में काउंट नहीं होता। तो जैसे वो यहां जाएगा वैसे ही ये फिगर यहां चली जाएगी, ये कहता है ना पॉजिटिव हम रखेंगे ना तुम रखोगे, कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं रखेगा, तो फिगर क्या आएगी, तो फिगर आएगी ये वाला CH, ये हो जाएगा CH2। अब ये आ गया आपका B, यहां पर आ गया आपके 2H, यहां पर आ गया H, और किस तरीके से यहां पर एक टेट्रासाइक्लिक रिंग बन जाती है, एक टेट्रासाइक्लिक रिंग। इस डैश का मतलब क्या है, इस डैश का मतलब है कोई भी बॉन्ड बन रही होगी टूट रही होगी, ये इधर जा रहा होगा, इधर जा रहा होगा, फिर वापस आ रहा होगा, फिर वापस जा रहा होगा, तो ये बॉन्ड बन और टूट रही होगी, मैं यहां ना ये कर दूं
यहां पर भी कर दू, ठीक है एकदम सही ये, और यहां पर सिंगल रहने दो, चलो ऐसे देखो ये बॉन्ड कंफर्म इधर आई और फिर ये वाली बॉन्ड ऐसे ऐसे, ये बॉन्ड इधर कंफर्म आई और यहां पर कमी थी और ये वाली बॉन्ड ऐसे ऐसे मूव कर रही, तो यहां वाली बॉन्ड के अंदर डबल सिंगल चलने लगता है और फाइनली क्या होता है, फाइनली ये बॉन्ड डिसाइड करती है कि मुझे बनना है और ये बॉन्ड हट जाती है, इसे हम बोलते हैं टेट्रा साइक्लिक रिंग। इस तरह से के कॉन्सेप्ट देना, साइंटिस्टों का अपना एक मन होता है, वो रिसर्च करके बताते हैं कि इस तरीके से आप मान सकते हैं, कोई स्पेक्ट्रोग्राफी से और कई मशीनरी से देख लिया जाता है कि अरेंजमेंट कैसा है, लेकिन ये बहुत कुछ साइंटिस्ट के अपने मन के कॉन्सेप्ट होते हैं कि जिस लॉजिक से वो अपनी बात को ऑन द पेपर समझा पाता है। तो आप ये इसके मन में, अगर आपके मन में कोई बात आए कि सर यही क्यों बना, कोई और क्यों नहीं बना, तो आप तब तक मानिए कि यही बनता है जब तक आप रिसर्च नहीं कर लेते। जब आप रिसर्च कर लेंगे तब आप जान लीजिएगा कि इसके अलावा कोई और कंपाउंड आप बना लीजिए जो आप, जिसके पीछे आप अच्छे और लॉजिकल कॉन्सेप्ट दें। जब तक आप कोई और कॉन्सेप्ट नहीं दे पा रहे तब तक आप ये मानिए कि इस वाले केस में टेट्रासाइक्लिक रिंग ही बनती है। ओके, आफ्टर दैट ये वाली बॉन्ड फाइनली ब्रेक कर जाती है, इस वाले इसको यहां पर आना था, ये बॉन्ड फाइनली ब्रेक कर गई। क्या पाया आपने? आपने पाया BH3 का एक एच उससे अलग हो गया, और BH3 का एक एच अलग होकर कहां चला गया? अंदर वाले कार्बन पे चला गया, यहां पर चला गया। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यहां पर जो पहले एक एच था और यहां पर जो एक एच और आया है अभी अभी, ये कहां से आता है? ये BH3 से आता है, ये बात ध्यान रखिएगा। एक BH3 में कितने एच हैं? तीन। अब एक मॉलिक्यूल में एक एच आ गया, अभी इसका दो एच बचे हैं, अब मैं एक एच और दूंगा, फिर एक एच और दूंगा, इसीलिए मुझे इसके तीन मॉलिक्यूलों की आवश्यकता है। तो तीन मॉलिक्यूल क्यों लिए? आप प्रश्न में आ गया हो, मेरा अगला केस देखो, इट इज माई सेकेंड मॉलिक्यूल, मैंने सेकेंड मॉलिक्यूल ले लिया और फिर इसी BH3 को फिर से मैं कैसे दिखाऊंगा? देखो ध्यान से, क्या इस मॉलिक्यूल को मैं ऐसे लिख सकता हूं CH2 और B के पास 2H, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं? हाँ, और मैं ऐसा करूंगा, देखो SP2 का लॉजिक अभी भी लग रहा है, वो अलग लोग तो अभी भी होगा, तो सेम वही कॉन्सेप्ट इस वाले B को अंदर कर लो, 2H में से 1H को अंदर ले आओ और 1H को बाहर, और बाकी ये वाला CH2 CH3 देखिए ऐसे, फिर वही कॉन्सेप्ट, इट इज माई सेकेंड मॉलिक्यूल, दिस इज माई सेकेंड मॉलिक्यूल, दिस वॉज माई फर्स्ट मॉलिक्यूल, देन वॉट, ये वाली बॉन्ड इस लोग पर इधर और ये वाली बॉन्ड इधर, देन द आंसर विल बी इज दिस CH3 CH2 CH2, क्या बन गया यहां पर? बी एक एच ऊपर और ये फिगर ऐसे, देखिए ध्यान से, दूसरे वाले मॉलिक्यूल पर यहां पर जो एक एच आया है, ये वाला एच भी कहां से आया? ये वाला एच भी BH3 वाला ही एच है, तो यहां पर जो एच आया वो भी BH3 का था, यहां पर जो एच आया वो भी BH3 का था, इवन बी के ऊपर भी ये वाला कॉन्सेप्ट काम कर रहा है, अभी हटा नहीं है, एक एच बचा है, इस वाले एच को मैं इसके तीसरे मॉलिक्यूल की तरफ ले जाऊंगा। नाउ जस्ट सपोज इट इज माई थर्ड मॉलिक्यूल, मैं मान लेता हूं कि मेरा तीसरा मॉलिक्यूल है, नाउ इट इज थर्ड मॉलिक्यूल और इसके ऊपर ये वाला मॉलिक्यूल अटैक करेगा, तो आप कहेंगे ये वाला B आ गया, अंदर H आ गया, बाहर CH2 CH2 CH3 और इस तरफ भी CH2 CH2 CH3, फिर से टेट्रासाइक्लिक रिंग, मूव करा दीजिए बॉन्ड को, ये वाली बॉन्ड इधर, ये वाली बॉन्ड इधर, तो अब आपके पास फिगर क्या आएगी? अब आपके पास फिगर आएगी B पर CH2 CH3, यहां पर CH2 CH3 और यहां पर भी CH2 CH2 CH3, इसे ट्राई एल्किल बोरेट स्पीशीज भी कहते हैं। अब यहां के बाद दो रास्ते हैं, एक शॉर्ट ट्रिक और एक डिटेल। तो शॉर्ट ट्रिक को आप देखिए तो शॉर्ट ट्रिक से आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि इसके आगे वाले पार्ट से मैकेनिज्म में कोई क्वेश्चन बनता नहीं है। जो मैकेनिज्म में क्वेश्चन बनते हैं कॉम्पिटिशन लेवल पर, वो खाली यही पूछे जाते हैं कि एच कहां से आता है, OH कहां से आता है। आपको साथ दिखाई दे रहा है कि यहां पर जो एच आया है, यहां पर जो एच आएगा, ये वाला एच मैं यहां लिख दे रहा हूं, यहां पर जो एच आया है ये BH3 से आया है, यहां पर जो एच आया है वो BH3 से आया है, और यहां पर जो एच आया है वो BH3 से आया है।
अब ये फर्दर रिएक्शन नहीं करेगा क्योंकि इसके पास ये वाला पॉइंट तो है लेकिन एच गायब हो गए हैं, एच ना होने की वजह से अब ये फर्दर रिएक्शन नहीं कर सकता। तो मैं आपको दोनों ट्रिकें बताता हूं, लॉन्ग ट्रिक भी और शॉर्ट ट्रिक भी। देखिए अगर आप शॉर्ट में पढ़े तो इस कंपाउंड को आप ऐसे लिख सकते हैं CH3CH2CH2, शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, CH3CH2CH2 और CH3CH2CH2 और इसके ऊपर ये लगा है बोरॉन। अब इसके बाद वर्किंग शुरू होती है सेकंड पार्ट की, दैट इज H2O2। जस्ट सपोज मान लो यहां पर H2O2 किस में होता है, देखिए यहां पर होता है H2O2 और साथ में वर्किंग किसकी है OH- की। एक्चुअल में जस्ट सपोज मान लो शॉर्ट ट्रिक में कि यहां से पानी का मॉलिक्यूल निकल जाएगा और उसी पानी के मॉलिक्यूल को यहां पर अटैक करा दो, तो यहां पर अटैक कराओगे तो यहां पर अटैक कराओगे तो एक तरफ OH और एक तरफ H, OH एक तरफ OH और एक तरफ H और एक तरफ OH और एक तरफ H। यदि तुम ऐसा करोगे तो आंसर क्या आएगा, 3 मॉलिक्यूल ऑफ CH3CH2CH2OH और निकल गया H3BO3। अब की जो ये OH आया वो कहां से आया, वो इस कॉम्बिनेशन से आया है। इस कॉम्बिनेशन में अगर तुम D2OD और OD लोगे तो फिर तुमको यहां पर OD दिखाई देगा, अगर तुम यहां पर H2O2OH लोगे तो यहां पर OH दिखाई देगा, अगर तुम DOD और OD लोगे तुमको यहां पर OD दिखाई देगा। तो यहां पर इस वाले पार्ट से ये कॉम्पिटिशन वाला क्वेश्चन भी बन सकता है कि यहां पर क्या लिया गया है, और ये H3BO3 क्या करेगा और ये वाला H3BO3 क्या करेगा, ये वाला H3BO3 क्या करेगा, पानी का मॉलिक्यूल निकल गया। तो यहां पर H3BO3 को हम Na के साथ कंबाइन करा सकते हैं। Na के साथ कैसे, Na के साथ कैसे, ये सोडियम क्या करेगा यहां से मिलकर बना लेगा Na3BO3। देखो ये सोडियम तीन बार निकल के क्या बना लेगा Na3BO3, और ऐसा करने में क्या निकलेगा से तीन एच क्या निकला है 3H, और वो 3H कहां चला गया, और वो 3H वापस इसके जो यहां पर बचा हुआ पार्ट था, ये पानी भर गया था, इसे अटैक कर दिया था, तो ये वाला पार्ट बचा होगा, तो वहां से निकले हुए 3H वापस यहां पर आ जाएंगे और ये वापस H2O2 बना लेंगे, ये वापस H2O2 बना लेंगे। तो यहां पर इस तरीके से H2O2 रिएक्टेंट भी है और खुद एज अ कैटालिस्ट तो नहीं कहेंगे लेकिन रिएक्टेंट का पार्ट है, लेकिन ये बाद में वापस भी आपको मिल जाता है, कंज्यूम नहीं होता। तो कुल मिलाकर के ये है आपके पास हाइड्रोबोरेशन की रिएक्शन की मैकेनिज्म। इससे जो क्वेश्चन बनता है उसे कितना कि व्हाट इज द यूज ऑफ THS, इसमें BH3 क्या करता है, H2O2 क्या करता है। अगर मैं इसके मैकेनिज्म के बाद कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन बनाऊं तो देखिए कैसे बना सकता हूं, ये हटा रहा हूं। मैकेनिज्म को पढ़ने का फायदा सिर्फ इतना ही होता है कि उसके अंदर जो कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन बनते हैं उनको आप कर पाए, इसीलिए एकेडमिक वाले बच्चों को मैकेनिज्म पढ़ने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि एकेडमिक में मैकेनिज्म से एक क्वेश्चन नहीं आते। अब मान लीजिए मेरे पास एक मॉलिक्यूल है, ये, और मैं आपसे पूछूं, अच्छा एक बात रह गई, मैंने उसकी शॉर्ट ट्रिक तो बताई, उस सेकंड पार्ट की डिटेल मैकेनिज्म नहीं बताई। ओके सेकंड पार्ट की डिटेल मैकेनिज्म भी देख लो, सेकंड पार्ट की डिटेल मैकेनिज्म जहां पर मैं आपसे कहता हूं कि ये मेरे पास H2O2 है और क्या लगा दिया मैंने उसके ऊपर OH-, और कंपाउंड मेरे पास क्या मौजूद है, तक कंपाउंड मेरे पास मौजूद है, तक मैं शॉर्ट लिख दूं ट्राई एल्किल बोरेट, ये मौजूद है ऐसे। ये फिर कहता है कि मेरे पास अभी भी इलेक्ट्रॉन कमी है, तो इस कमी को पूरा करने के लिए ये OH कहता है, इस कमी को पूरा करने के लिए क्या हो सकता है, सबसे पहले ये वाला OH इसका बॉन्ड बना ले, ये बेस ये एसिड, इसके सामने एसिड दे ले, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये हो जाएगा नेगेटिव, तो यहां से जो फिगर बनेगी वो ये बनेगी, देन व्हाट, ये वाला जो माइनस है ये चला जाता है इलेक्ट्रॉन देने के लिए इसको, अगर ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा आपको इस तरीके से मैकेनिज्म पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ये आपके लिए बहुत टफ हो जाएगी, मैं खाली दिखा दे रहा हूं, आपके मन में ये ना आए कि सचिन ने छोड़ दिया, बता पूरा दे रहा हूं लेकिन करिएगा मेरे शॉर्ट ट्रिक सही। हाँ तो यहां पर ये फिगर आपको क्या दिखाई देगी, ओ ओ और एच, ये आएंगे
जब निगेटिव न्यूट्रल पे अटैक करता है तो ऑब्वियस निगेटिव ने अपने इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल को दे दिए होंगे, जिसकी वजह से न्यूट्रल क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज। लेकिन बोरॉन का घर वैसे ही बहुत छोटा होता है, वेरी स्मॉल एटॉमिक रेडियाई, इसलिए इसके अंदर इलेक्ट्रॉनों को अकोमोडेट करना बहुत आसान नहीं होता है। दिस इज द कॉज, ये इलेक्ट्रॉन ले तो लेता है लेकिन अकोमोडेट नहीं कर पाता, लिहाजा ये इलेक्ट्रॉन से छोड़ना है यहां से। कैसे छोड़े? बोरॉन से ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट कौन है? कार्बन। बोरॉन ज्यादा है, जो जितना ज्यादा नॉन मेटलिक उतना बढ़िया निगेटिव। दिस इज द कॉज, ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां की तरफ ट्रांसफर हो जाते हैं, ये न्यूट्रल ये निगेटिव। जैसे निगेटिव होगा तो ऑक्सीजन कहेगा कि कार्बन तुमसे ज्यादा निगेटिव मैं हूं, लिहाजा अपना निगेटिव चार्ज मुझको ट्रांसफर कर दो। तो ये इस निगेटिव को लेकर के इस वाले ओ पे अटैक कर देता है। कई किताबों में यहां वाले ओ पे दिखाया है, डजंट मैटर, मैं यहां अटैक करा दे रहा हूं। और इसने यहां अटैक किया तो पीछे फिगर क्या बची? एक आर बचा, एक आर बचा, ओ बचा, ओ बचा, ये वाला, चलो जो उसमें है वही दिखा दे रहा हूं। तो ये वाली मैं दो साथ दिखा देता हूं, यहां दिया बना दूंगा तो भी आंसर आएगा, यहां बना दूंगा तो भी आंसर आएगा, दिखाता हूं मैं दोनों दिखा दे रहा हूं। सपोज पहले वाले मैंने कहा यहां अटैक किया, अगर यहां अटैक किया तो ये बन जाएगा आर ओ एच, आर ओ एच। लेकिन जब निगेटिव यहां जाएगा तो यहां निगेटिव भी आ रहा हूं कुछ पल के लिए निगेटिव, और ये निगेटिव ना हो इसलिए मैं इस इलेक्ट्रॉन को यहां ट्रांसफर कर दूंगा। तो ये बचेगा पीछे आर ओ एच और बन जाएगा मेरे पास बी के ऊपर आर, बी के ऊपर आर, और ये वैलेंसी तीसरी वाली ओ के ऊपर निगेटिव, ओ पे निगेटिव, ये फिगर। लेकिन अगर आपने ये अटैक यहां ना दिखा करके यहां दिखाया होता, चलिए तब भी आंसर निकाल दे रहा हूं, अगर आप यहां दिखाएंगे तो आंसर क्या आएगा? तो आंसर आएगा आर बी आर ओ पर आर, और तब पीछे में निकल जाएगा ओ एच माइनस, तब पीछे में निकल जाएगा ओ एच माइनस। अब अगर आप दोनों संख्या को देखने भले आंसर दिखाई दे रहा हो, एंड में आंसर दिखाई देगा, देखेगा। अब अगर मैं आपको यही काम एक बार नहीं कह रहा कर रहा हूं, तीन बार, क्यों तीन बार? एक आर को रिप्लेस किया है फिर मैं इसको करूंगा, फिर मैं इसको करूंगा। एक आर को रिप्लेस करने के लिए मॉलिक्यूल एक बार, तो तीन आर को रिप्लेस करने के लिए मॉलिक्यूल कई बार, तीन बार, ये मॉलिक्यूल तीन बार, ये तीन बार, ये तीन बार, ये वाला मॉलिक्यूल एक बार, पहली बार हो गया ये आंसर आया, एक बार और कराओ। अगर मैं यही वाला मॉलिक्यूल एक बार और लगाऊं तो आंसर क्या आएगा? मैं दो बार लगा दे रहा हूं, ये भी गया ये भी गया, तो फिगर आ जाएगी ओ आर बी ओ आर ओ आर। और फिर इसके बाद, और फिर इसके बाद जो आपने पानी निकाले हैं, ये वाले पानी, इस पानी को यहां लगाओ इस तरफ की ओर, बोलो OH, इस तरफ की ओर H, इस तरफ की ओर OH, इस तरफ की ओर H, वापस फिर से वही तीन बार अल्कोहल और H3BO3। क्या फायदा हुआ? ये लंबी चौड़ी ट्रिक तो मैं पहले बता चुका हूं आपको, इसके पूरी कहानी सुनने के बाद जो आंसर ला रहा हूं वो तो मैंने पहले ट्रिक बता दिया था, इसीलिए मैं कह रहा था सेकंड मैकेनिज्म को लंबी चौड़ी ट्रिक में बच जानी है, उसे कोई फायदा नहीं मिलने वाला। यदि आपने कहा मैकेनिज्म में ऐसे करूंगा, चलो ऐसे करो, अगर तुम ऐसे करोगे तो एक बार हुआ तो ये बना, एक बार और हुआ तो जैसे यहां पर O- आया है तो यहां पर एक मॉलिक्यूल और बनेगा, यहां पर करो तो यहां पर एक मॉलिक्यूल और बनेगा, ऐसे हो जाएगा जब मैं घटना तीन बार ऐसे करूंगा। और ध्यान देखो, ये वाला मॉलिक्यूल और ये वाला मॉलिक्यूल का सेम नहीं लग रहा है, नहीं सेम है, सेम है भाई, यहां पर एच लगा दो, एच एच एच, यही तो आ गया, इतने सारे एच है, एच के अंदर कहीं ना कहीं से कंज्यूम बैलेंस करो, कहीं मिल जाएंगे आपको। या ये मैं ऐसे कहूं, इसके ऊपर मैं लगा दूंगा NaOH, तो ये कंपाउंड वापस मुझे सोडियम बोरेट ही तो बना देगा, सोडियम बोरेट। यहां पर जो Na टहल रहा है वेसल के अंदर, मैंने NH ले रखा था वेसल के अंदर, ये देखिए NH3PO3, तो यहां पर Na, यहां पर Na, यहां पर Na, तो ये चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि ये वाली बॉन्ड यहां अटैक करेगी, ये वाली बॉन्ड यहां अटैक करेगी, यहां अटैक करेगी तो भी आंसर आएगा, यहां अटैक करेगी तो भी आंसर आएगा। लेकिन मैं कह रहा हूं कि करने की जरूरत ही क्या है, आप खाली इतना जान चुके हैं कि यहां पर जो H आता है वो BH3 से आता है और यहां पर जो OH आता है वो इस कॉम्बिनेशन से आता है, बस इतना याद रखिए। अगर दोनों कॉम्बिनेशन होंगे तो दोनों ऐसे होंगे, वरना फिर दोनों कॉम्बिनेशन ऐसे होंगे, बस हो गया, दैट्स ऑल। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन की मैकेनिज्म, अब इस पे शॉर्ट ट्रिक, इस पे कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस।
इस पे जो क्वांटिटी क्वेश्चन बन सकते हैं वो क्या है, देखिए इस पे जो क्वांटिटी क्वेश्चन बन सकते हैं वो ये हैं। मान लो मेरे पास एक मॉलिक्यूल है ऐसा, ये है मेरे पास एक डबल बॉन्ड और इस पर मैंने ले लिया BH3 THF H2O2 और OH- या एक ले लिया मैंने BH3 THF D2O2 OD- या मैंने ले लिया, दोनों लिए थे मैंने, अब मैं दोनों डी लूंगा BD3 THF H2O2 OH- या मैं ले लेता हूं BD3 THF D2OD-। यस, इसको देख के आप समझ गए कि सर है तो ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, लेकिन आंसर क्या आएगा? जिनको मैग्नेशियम मालूम है वो समझ चुके हैं, यहां पर जो आंसर आता है वो BH3 से आता है और यहां पर जो आंसर आता है वो यहां से आता है। तो चलो यहां पर आंसर आएगा और यहां पर एक आंसर आएगा, मैं भी जगह छोड़ दे रहा हूं, आप भरिएगा। ये CH2, ये CH, ये CH2 और ये CH और ये CH2। चलिए भरिए जगह। तो आप कहेंगे इससे जाएगा यहां पर H, इससे जाएगा यहां पर H, इसको देखकर यहां पर जाएगा D और इसको देखकर यहां पर जाएगा डी। बैलेंस में भूलिएगा नहीं, इसके मुझे तीन मॉलिक्यूल चाहिए और तभी इसके सबके मुझे तीन तीन मॉलिक्यूल मिलेंगे। ये देखिए, इसके मुझे तीन तीन मॉलिक्यूल चाहिए होते हैं क्योंकि इसका मुझे एक एक मॉलिक्यूल चाहिए होता है। अब H2O2 है, अब H2O2 है तो आप यहां पर लाएंगे OH, यहां पर D2OD है तो यहां पर आप लाएंगे OD, यहां पर H2O2 है तो यहां पर आप लाएंगे OH, यहां पर D2OD है तो यहां पर आप लाएंगे OD। तो एक क्वेश्चन तो ये बन सकता है, ठीक। अब इसी में एक क्वेश्चन और देखिए, अगर मैं आपको सेम कॉम्बिनेशन दिखाऊं, वही BH3 THF, लेकिन अब की मैंने यहां पर H2O2 सेकेंड स्टेप में नहीं लिया है जबकि सेकेंड स्टेप में मैंने लिया है एसिटिक एसिड। तो यहां पर जो एसिटिक एसिड है ये जैसे यहां से ये OH प्रोवाइड कराता है OH, वैसे यहां से ये केवल H प्रोवाइड कराता है H। तो आप पहले स्टेप की मैग्नीट्यूड सेम मान लीजिए, अगर आप पहले स्टेप की मैग्नीट्यूड सेम मान लेंगे तो आप कहेंगे कि सर इतना तो होगा ही होगा, तो आप कहेंगे सर इतना तो होगा ही होगा कि जो ये वाला H है वो BH3 से आया होगा। अब चूंकि आपने सेकंड स्टेप में H2O2 और OD नहीं लिया तो फिर OH नहीं आएगा, एसिडिक एसिड यहां पर एज अ रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, ये H प्रोवाइड करेगा और ये वाला H आपको यहां दिखाई देगा। ध्यान से देखिए क्या बन गया, एल्केन बन गया। तो एल्कीन से हम एल्कोहल बना सकते हैं और एल्कीन से हम एल्केन बना सकते हैं बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। जब इधर जाते हैं तो मैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन नहीं कहता, खाली हाइड्रोबोरेशन कहता हूं, जो ऑक्सीडेशन वाला पार्ट हुआ मैंने किया ही नहीं तो मैंने इसका नाम रखा खाली हाइड्रोबोरेशन, लेकिन चूंकि मैग्नीट्यूड काफी सेम है तो यही बता दिया मैंने आपको। अब यहां पर चार क्वेश्चन बन सकते हैं, वो क्या, आप एक बार दो बार BH3 ले लीजिए और यहां पर CH3COOD कर दीजिए और फिर आप एक बार BD3 ले लीजिए और यहां पर CH3COH कर दीजिए और फिर यहां पर आप एक बार BD3 ले लीजिए और CH3COD कर दीजिए। एक बार दोनों H, एक बार HD, एक बार DH और एक बार दोनों D। तो आप समझ गए होंगे मेरी बात, आंसर क्या आने वाला है। आप पहले ही अपना बेसिक कंपाउंड लिख लीजिए, आपका बेसिक स्ट्रक्चर ये है, दिस इज योर बेसिक स्ट्रक्चर। यहां पर H है तो यहां पर H ले आओ, यहां पर D है तो यहां D ले आओ, यहां पर D है तो यहां पर D ले आओ। अब यहां पर D है तो यहां पर D लाओ, यहां H है तो यहां H लाओ, यहां पर D है तो यहां पर D लाओ, ये बन गया आपका एल्केन।
और अगर मैंने यहां पर टी ले लिया होता, यस ये भी तो हो सकता है, अगर टी लिया होता तो आपको यहां टी दिखाई देता, अगर यहां पर मैंने डी हटाकर टी ले लिया होता तो आपको यहां टी दिखाई देता, तो ये आइसोटोपिक इफेक्ट के ऊपर ये क्वेश्चन बन सकते हैं। स्नैपशॉट लीजिए, एक स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, ये बता रहा था मैं आपको ऑक्सीमर्क्यूरेशन सॉरी हाइड्रोबोरेशन डीबोरेशन डबल बॉन्ड के ऊपर। चलिए नेक्स्ट, अब इन्हीं कंपाउंडों के ऊपर हल्का चेंज करता हूं और अब मैं डबल बॉन्ड की जगह यहां पर ट्रिपल बॉन्ड कर देता हूं। सपोज करो मेरे पास यहां पर ट्रिपल बॉन्ड होती है, ये देखिए ट्रिपल बॉन्ड, तो ट्रिपल बॉन्ड पर अगर रिएक्शन कराई जाए तो क्या होगा, सारे कॉन्सेप्ट सेम है, वही तीन बार, एक बार करके मैं यहां दिखा दे रहा हूं फिर वहां पर कर देते हैं। तो अगर मैंने यहां पर BH3 लगाया होता तो ऑब्वियस इसका एक एच कहां जाता है, यहां पर, तो मैं यहां दिखाता हूं, तो इसका एक एच कहां जाएगा, मैंने यू दिखा दिया, यहां से चला गया, ट्रिपल बॉन्ड क्या हो गई, डबल हो गई, डबल पे क्या था, एक एच था ही। अब आपको याद होगा कि मुझे इसके तीन मॉलिक्यूल, इसका एक मॉलिक्यूल चाहिए, और बार बार इसके रिप्लेसमेंट के बाद ये मॉलिक्यूल क्या बनाता था, तीन बार ये बनाता था। क्या याद आ रहा आपको, नहीं याद आ रहा है, कि आपने बी को तीन बार आर नहीं बनाया था, ट्राई एल्किल बोरेट, जहां पर आप इस आर को क्या मानते थे, CH2 CH2 CH3 मान रहे थे, अब मैंने इसी आर को क्या कह दिया, अब मैंने इसी आर को CH डबल बॉन्ड CH2 कह दिया, CH डबल बॉन्ड CH2 CH3, तीन कार्बन तीन बार, दो कार्बन दो बार, जय बार भी यहां पर तीन कार्बन ऐसे लिख दिया, इस कंपाउंड का सीओ ट्रांस दिखा दिया है, कि मान लो यहां पर फिगर मैंने यूं दिखा रखी है CH3H, इससे क्या फर्क पड़ता है, इसे दिखा दिया मैंने, अब ये काम एक बार, ये काम दो बार, ये काम तीन बार, तो मैं ऐसे ले सकता हूं, ले सकता हूं, ठीक है। अब आपने इसके ऊपर क्या लगा दिया, H2O2 और OH-, पहले स्टेप में वही THF, तो यह हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, अगले स्टेप में क्या आएगा, OH, कैसे आएगा, पानी का टैंक शॉर्ट ट्रिप वाला, तो यहां से आप पानी भरने क्या कहा था, अगर ये वाला मॉलिक्यूल होता आपके पास तो मैंने कहा था यहां से ब्रेक कर दो, यहां पर OH और यहां पर बनाया था मैंने बी और OH, तो यहां पर मेरे पास फिगर ये आई थी RBR, मेरे पास फिगर आई थी यहां पर बी के साथ ट्राई एल्किल बोरेट, ये फिगर आई थी, और पानी का मैंने आपको दिखा दिया था यहां पर OH, अच्छा यहां पर OR, सॉरी यहां पर OR था, यस ट्राई एल्किल बोरेट ये आया था ऐसे, और जब मैंने पानी लगाया था तो यहां पर लगाया था मैंने OH, यहां पर लगाया था मैंने H, और मैंने कहा था ये अल्कोहल बाहर निकल जाएगा, यस, और मैंने कहा था यहां पर ये वाला अल्कोहल बाहर निकल जाएगा ऐसे, और मैंने कहा था यहां पर ये वाला अल्कोहल बाहर निकल जाएगा ऐसे, और ये बनाया था मैंने H3BO3, यस सही है, ये H3BO3 बनाया था मैंने, तो ठीक वैसा ही काम यहां पर करूंगा, अगर मैं ठीक वैसा ही काम करूंगा तो यहां कुछ मिस तो नहीं हुआ हमसे, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 इस वाले कंपाउंड के ऊपर मेरे पास ट्राइबोरेट यहां पर ही आता है, ठीक, और इस ट्राइबोरेट में जब मैं इसके ऊपर वाटर का मॉलिक्यूल लगाऊंगा तो बॉन्ड को इस जगह से ब्रेक करिएगा, और जब बॉन्ड को आप इस जगह से ब्रेक करेंगे तो इसकी मैकेनिज्म में आपने ये एच दिखाया, और यहां पर भी जैसे यहां पर ये यस यहां पर छूट रहा है, जैसे आरओ भी था वैसे यहां पर इस मॉलिक्यूल के बाद भी ये दिया था, यस आरओ भी, अब तुम यार वो अंदर दिखाओ चाहे बाहर दिखाओ, इट इज योर विश, जब आप इसकी मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो फिगर ही आएंगे, यस ये पूरा मॉलिक्यूल तीन बार, ये पूरा मॉलिक्यूल तीन बार, यस जो मैकेनिज्म मैंने वहां फॉलो करी है, और वहां पर जैसे बी ओ आर आना था वैसे वो मैंने एम भी फॉलो करी, वैसे यहां पर बी ओ और इस पूरे को मैंने आर मान रखा है, आर, अगर डबल बॉन्ड से स्टार्ट करता हूं तो यहां सिंगल बॉन्ड रहेगी, अगर ट्रिपल बॉन्ड शुरू करता हूं तो यहां पर डबल बॉन्ड रहेगी, यस, फिर मैंने पानी लगाया तो पानी का एच अंदर और पानी का ओएच बाहर, कई बार लगाऊंगा पानी तीन बार, यदि ऐसा करा तो फिगर क्या जाएगी, H CH3 C डबल बॉन्ड, ये आ गया H, ये आ गया OH, क्या बार आ गया ये मॉलिक्यूल तीन बार, यहां से क्या निकल गया, यहां से निकल गया H3BO3, वैसे निकल गया, अब क्या होगा, अब क्या यही मेरा आंसर होगा, नहीं,
यहां ध्यान देखना, यहां पर ध्यान देखो टैक्टोमेरिज्म लग रही है, देखो इस क्वेश्चन को ध्यान देखो, यहां पर आपको दिखाई दे रहा है सी एस थ्री सी, तो ये हो जाएगा सी एस थ्री सी एच डबल बॉन्ड, सी के ऊपर एक एच और ये देखो ओ एच, देखो ध्यान से कौन सी फॉर्म है, इन ऑल फॉर्म है, इन ऑल, और आपको मालूम है इन ऑल फॉर्म क्या शो करती है, टैक्टोमेरिज्म, एच डबल बॉन्ड वाई जेड सी कंडीशन फॉलो कर रही है, तो आपने कहा यहां पर फिगर क्या आ जाएगी, ये X डबल बॉन्ड Y जेड एच, जहां पर जेड क्या होना चाहिए sp3, सारी कंडीशन लग रही है, तो H कूद कर यहां चला जाएगा, ये 1 ये 2 ये 3, जहां जाएगा वहां एडिशन होगा, जहां से जाएगा वहां एलिमिनेशन होगा, तो बोलो इससे फिगर क्या आएगी, यहां पर हो जाएगी फिगर CH2, एक H था एक H और आ गया, डबल वाली बॉन्ड सिंगल, यहां पर ये हो गया CH, यहां पर हो गया ये CH, और यहां पर सिंगल बॉन्ड हो गई डबल, तो फिगर आ गई ये क्या बन गया, कीटोन बन गया, व्हाट इज दिस कीटोन, तो डबल बॉन्ड क्या बनाता है, एल्कोहल बनाता है, और ट्रिपल बॉन्ड क्या बनाता है, कीटोन्स बना सकता है या एल्डिहाइड बना सकता है, एल्डिहाइड और कीटोन्स, ठीक है, तो चलो इसके ऊपर क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग इसी घटना पर, मैग्नेटिक फील्ड समझ लो, वहां पर मैंने आर ओ बी बनाया था, यहां पर भी मैंने इस पूरे को आर माना है, ये ओ है ये बी है, एक बार देखना पड़ेगा पूरी मैग्नेटिक को, आपको लोग सेम दिखाई देगा, डबल बॉन्ड पे होगा तो यहां सिंगल होगी, ट्रिपल बॉन्ड पे होगा तो यहां डबल होगी, बाकी सब कुछ सेम है डिटो, तो जरा बताओ मुझे फटाफट आंसर, बताओ इन केसों में क्या होगा, ये मेरा पहला केस, कितने बार लेना है आपको याद होगा, ये मेरा दूसरा केस, ये मेरा तीसरा केस, ये मेरा चौथा केस, ये मेरा पांचवा केस, इस तरीके से आप जितने चाहें उतने केस आप डेवलप कर सकते हैं, और आपको बताना ये है कि सारे केसों में, आप बताना ये है कि सारे केसों में अगर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कराया जाए तो होगा क्या, तो होगा क्या, इन सारे केसों में हाइड्रोक्लोरोफिन कराया क्या होगा, तो देखिए यहां पर आपको मालूम है अटैक किसका कराना है, आपको BH3 का, अगले स्टेप में H2O2 का, मतलब OH डालना है, तो BH3 कहां जाएगा, जहां स्टेरिक हिंड्रेंस बताया था मैंने कब होगी, तो दोनों तरफ स्टेरिक हिंड्रेंस बराबर है, तो कहीं भी ले जाओ, तो मैं मान लेता हूं कि यहां पर आ गया CH और डबल बॉन्ड, यहां पर कौन आ गया CH के साथ, कौन सा पार्ट लगा है, वो बी वाला, बी वाला, बी वाला पार्ट लगा है, यस, और आपको याद होगा कि यहां पर O के साथ बी लगता है, बी वाला पार्ट, अगर मैं BH3, ये मैं आपको लास्ट स्टेप बताऊं तो लास्ट स्टेप, और यहां पर मैं आपसे क्या कहूंगा कि इस वाली फिगर में CH डबल बॉन्ड CH2 आ गया, आप कहीं पर भी H ले जाओ, कहीं पर इधर मैं ले गया हूं OB, तो यहां पर कौन आ गया होगा मेरा, यहां पर आ गया होगा मेरा H, ये मॉलिक्यूल कई बार बना होगा, तीन बार बना होगा, चेक करो कैसे, यहां पर मैं इस मॉलिक्यूल को यू लिख रहा हूं OB, और ये वाला मॉलिक्यूल कई बार होगा मेरे पास, तीन बार होगा, तीन बार BH3 पूरी मैगन, देखो BH3 का जो H है वो यहां पर आ गया BH3 का H, और आखिरी में वहां पर क्या बचा है, खाली B, और मैकेनिज्म मैंने दिखाया था वहां पर आखिरी में OB बनता है, तो ये OB, और ये मॉलिक्यूल कई बार है, B की वैलेंसी तीन है तो तीन बार है, और अगली बार क्या लगाओगे, पानी, ये पानी कहां से आ रहा है, H2O2 वाले पार्ट से, पानी शॉर्ट ट्रिक वाला पार्ट, तो आप क्या कहेंगे, यहां से बॉन्ड को ब्रेक कर दो, तो आपको यहां दिखना होगा OH, H और OH, अब बोलो फिगर क्या आएगी, तो अब फिगर आएगी, ये हो जाएगा CH2, ये हो जाएगा डबल बॉन्ड, ये हो जाएगा CH, और यहां पर आ जाएगा OH, फिर बताओ ये H कहां से आया, सर ये H BH3 का है, सारे H यहां पर आ जाएंगे, B वहां जाएगा जहां स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगी, दोनों तरफ स्टेरिक हिंड्रेंस बराबर है, तो B बाहर आ गया, किस फॉर्म में आएगा, OB की फॉर्म में आएगा, और वैलेंसी तीन होगी, इसीलिए वाला मॉलिक्यूल मुझे तीन बार चाहिए था, अब ये देखो ये क्या बन गया, विनाइल एल्कोहल, केमिस्ट्री में कभी विनाइल एल्कोहल नाम का कोई कंपाउंड एग्जिस्ट ही नहीं करता, ऑन पेपर होता है, क्योंकि यहां पर टैक्टोमेरिज्म लग रही है, यहां पर क्या हो जाएगा, अगर मैं इस OH को नीचे लिख दूं तो ये X डबल बॉन्ड Y जेड एच, जेड पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो H कूद कर यहां चला जाएगा, जिससे अब आपको फिगर मिलेगी ये वाली, यहां पर सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगी, डबल बॉन्ड, इसका मतलब है ट्रिपल बॉन्ड हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करके ये कंपाउंड देता है, लेकिन अगर मैं यही पर आपसे बात करूं कि इसके ऊपर मैंने अगर पानी ना लगाया होता, ये ना लगाया होता, और मैं कहता कि इसके ऊपर मैंने ये लगाया है,
अब बोलो क्या होगा। तो जहां आपने ना पहले यानी अब जहां आपने पानी लगाया है पानी हटा दीजिए, अब आप यहां पर खाली H प्रोवाइड कराइए इसको, H एसिडिक एसिड क्या प्रोवाइड करेगा इसको H, ये देखिए H आ गया, एसिडिक एसिड से आपको यहां पर मिलेगा केवल H। अगर आपको यहां पर केवल H मिला, H कहां से ब्रेक करेगा ये देखो जरा, आपके पास ये फिगर थी CH3CH2OH और आपने इसे प्रोवाइड करा दिया है OH, ओके ठीक ठीक। तो अब आप ये कहेंगे कि यहां पर जब आप इसे H प्रोवाइड कराएंगे तो फिर आप इस बॉन्ड को यहां से ना दिखा करके ये सोचो कि जब पानी लगाया था तो ये OH किससे आया था, ये OH पानी का है, तो मेरे पास इतनी फिगर तो आ ही चुकी है, इतनी फिगर तो आ ही चुकी है CH2 डबल बॉन्ड CH, पानी लगाऊंगा तो OH आएगा, और पानी ना लगा करके अगर मैंने ये लगा दिया होता तो ये वाला H आपको यहां दिखाई देता, ये देखो क्या बन गया एल्कीन, ये देखो एल्कीन बन गया। तो पीछे क्या निकल जाएगा, तो पीछे क्या निकल जाएगा, तो ये वाला मॉलिक्यूल आपको ये तीन बार लेना पड़ेगा, तो तीन बार H यहां पर आ गए, तीन बार H यहां पर आ गए, तो पीछे क्या निकल गया होगा, पीछे निकल गया होगा ये वाला BO इस क्वेश्चन में, तो ये निकल गया होगा ये वाला BO और O भी कई बार BO, ये वाले क्वेश्चन में क्या निकला होगा, यहां पर अगर मैं सीधे CH3CH डबल बॉन्ड CH पर लगा देता हूं BO3, यहां पर BO3 पानी लगाया तो मैंने कहा यहां से पानी ब्रेक कर गया, ये बात समझ में आ गई कि साहब यहां पर OH आ गया, ठीक है यहां पर BOH का होल थाइस निकल गया क्योंकि मैंने पानी तीन बार लगाया था, ओके ये बात ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं। अगले स्टेप में मैं क्या कह रहा हूं, अगले स्टेप में मैं कह रहा हूं कि सपोज करो कि मैंने यहां पर केवल एसिटिक एसिड लगाया होता, तो यस 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 एसिटिक एसिड में आपने एसिटिक एसिड में आपने अगले स्टेप में पानी थोड़ी लगाया है, ऑक्सी मर्क्यूरी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन थोड़ी नहीं किया है, दिस इज द कॉज, इस वाले स्टेप में यहां पर वो आएगा ही नहीं, यहां पर वो होगा ही नहीं, तब आपको मॉलिक्यूल खाली यू दिखाई देगा, यस यस। जब आप पानी लगाते हैं तब उसका ओ यहां पर आता है, जब पानी मैंने नहीं लगाया तो खाली मॉलिक्यूल का दिखाई देगा, अगर मॉलिक्यूल इतना दिखाई देगा तो एसिडिक एसिड का एच अंदर लिखेंगे, ये आ गया, अब यहां से बचा है खाली एक बार बी और यहां से बचा है एसिटेट आयन, तो यहां पर अब ये फिगर आएगी CH3CO का होल थ्राइस बी, यस परफेक्ट। अब ठीक है, अब ठीक है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में सेकेंड स्टेप में पानी लगाते हैं इसलिए आपको यहां पर ओ दिखाई देता है, लेकिन एसिडिक एसिड वाले में जिसमें रिडक्शन करा रहे होते हैं वहां पर हम सेकंड स्टेप पानी नहीं लगाते हैं इसलिए यहां पर ओ नहीं दिखाई देगा, यस। और इन शॉर्ट ट्रिक, पानी लगाओगे तो OH दिखाई देगा, पानी नहीं लगाओगे तो H दिखाई देगा, अगर यहां पर CH3COH ना होकर के D होता तो यहां पर खाली D आता तो यहां पर आपको D दिखाई देगा। कुल मिलाकर के ट्रिपल बॉन्ड को हम डबल बॉन्ड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और ट्रिपल बॉन्ड को हम एल्कोहल होते हुए एल्डिहाइड और कीटोन बना सकते हैं, जरा बताओ इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर दो केसों में बताओ, देखना अगर तुम BH3 लगाओगे तो बोलो क्या आएगा, हाँ BH3 क्या लगाओगे H2O2, और अगर तुम यहां पर BH3 लगाओगे लेकिन साथ में एसिटिक एसिड लगाओगे तो क्या आएगा, अब देखो ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है लेकिन ये हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन है, यहां पर फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं है, यहां पर फर्दर रिडक्शन हो रहा है, H प्रोवाइड कर रहा हूं मैं, तो यहां वाले तो सीधे बोल दो कि B कहां अटैक करेगा, बाहर वाले पर, जहां B हटेगा तो वहीं पर OH आ जाएगा, और अंदर वाले पर कौन आएगा BH3 का H, तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं यहां से शॉर्ट में, तो यहां पर फिगर आ जाएगी H, और ध्यान रखिएगा ये कहां से आ रहा है BH3 से, ट्रिपल बॉन्ड कहां गई डबल में, बाद में यहां पर जो आया था B वो हट गया और यहां पर कौन आ गया OH, फिर आपने कहा यहां पर क्या लग रही है टॉटोमेरिज्म, अब टॉटोमेरिज्म लगेगी तो ये यहां चला जाएगा और अगर ये यहां चला गया तो फिगर क्या आ जाएगी C के ऊपर चले गए 2H, ये हो जाएगा CH, यहां पर कार्बन वैलेंस CH और ये फिगर बन जाएगी, इस रास्ते से आओगे तो ये फिगर बनेगी, लेकिन अगर तुम किस रास्ते से आए तो तुम कहोगे सर मेरे पास फिगर क्या है CH3CH, ये हो गया डबल बॉन्ड, यहां पर एक H आ चुका है फ्रॉम द BH3, तीन मॉलिक्यूल रखे होंगे तो तीनों H आ गए, और यहां वाले पार्ट पर तुमने पानी नहीं लगाया है तो यहां पर O नहीं आएगा, इन अ वेरी शॉर्ट, पानी लगाओगे तो OH आएगा और एसिटिक एसिड लगाओगे तो यहां पर सीधे H आएगा, अगर यहां पर D होता, यहां पर D होता तो आप कहते सर यहां पर खाली D आएगा, तो डबल बॉन्ड बनता है ट्रिपल बॉन्ड से, तो ट्रिपल बॉन्ड से एल्डिहाइड और कीटोन बन सकता है और ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड भी बन सकती है, बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, निकालो इसका, निकालो अपने आप चेक करो इसका आंसर,
अगर तुम इसका चेक करोगे तो क्या आएगा बताओ, इसका चेक करोगे तो बी कहां जाएगा, यहां सेकंड इंटरेस्ट कम है, बी इधर आएगा। दो आंसर निकालो इसके, पहला BH3 के साथ पानी और दूसरा निकालूंगा BH3 के साथ CH3COOD। तो अगर मैं यहां करूंगा तो कहूंगा फिगर ये आएगी, ये ट्रिपल बॉन्ड, अब हो गई डबल बॉन्ड, H इधर और B बाहर, तो H अंदर आ गया, ये वाला H BH3 वाला है, तीन मॉलिक्यूल यूज करोगे सारे खत्म हो गए। अब अगर तुम सेकंड स्टेप पानी लगाओगे तो यहां पर OH आएगा, अगर सेकंड स्टेप पे तुम D लगाओगे तो तुमको ये वाला मॉलिक्यूल अब ऐसा दिखाई देगा, ये H, ये डबल बॉन्ड और यहां पर आ जाएगी वैलेंसी पूरी कर लेना, और यहां पर आ जाएगा आपके पास डी, यहां डी लगाया। अब यहां पर क्या लगेगी, टाटोन, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, तो ये चला जाएगा ऊपर और आपको यहां पर मिल जाएगा कीटोन, यहां चला जाएगा डबल वाली बॉन्ड सिंगल हो जाएगी, यहां पर एक चौरा आ जाएगा और यहां पर हो जाएगी डबल बॉन्ड। तो अब आपको ये फिगर क्यों दिखाई देगी, ऐसे यस। तो ये सारी संभावनाएं बन सकती हैं। एक केस और देखिए, अगर मेरे पास साइक्लिक मॉलिक्यूल होता तो जैसे सपोज मेरे पास ये वाला मॉलिक्यूल होता, ये वाला, और यहां पर मैंने ऐसे ही लगा रखा होता, आप बताओ क्या होगा। तो आप कहते हैं कि बी वहां जाएगा जहां स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगी, मतलब बी यहां पर आके बैठेगा और उसके जितने भी एच होंगे वहां जाएंगे जहां स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगी। इसका मतलब है अगर आप इसे मैगनेशियम कराएं और मैगनेशियम आपको याद हो दिमाग में, तो आप कहेंगे सीधे एच यहां भेज दीजिए, कितने चाहिए तीन, मतलब ये मॉलिक्यूल क्या बार हो जाइए तीन बार। और सर यहां पर जहां बी होता है वहां पर H2O2 की रिएक्शन में OH आता है, तो यहां पर आप सीधे क्या लगा देंगे OH, ये देखिए ऐसे। और यदि आप इसको साइक्लिक स्ट्रक्चर शो करें तो ये डबल बॉन्ड क्या हो गई है सिंगल, डबल बॉन्ड पहले थी क्या हो गई है सिंगल। तो अब आप चाहे इस मॉलिक्यूल को यूं दिखा सकते हैं कि सर ये मेरे पास ऐसा स्ट्रक्चर था और बल्कि मॉलिक्यूल कहां जाएगा, बल्कि मॉलिक्यूल यहां चला जाएगा। अब यहां पर फिगर में मजबूरी में यहां पर क्या आना पड़ेगा H, यहां पर एक H था और एक OH था, यहां तो फिक्स है कि ये इक्विटोरियल है ये एक्सियल है, लेकिन यहां पर आप संदेहात्मक स्थिति में है कि सर हम H नीचे लगाएं कि OH यहां लगाएं, या OH यहां लगाएं H यहां लगाएं, क्या करें। आप ध्यान कर लें BH3 में जो अटैक होता है वो सिन होता है, ये बात आपको याद होनी चाहिए, इसमें जो अटैक होता है वो सिन होता है। अगर आप ध्यान देखिए तो मैंने आपको शायद बताया भी था, देखिए सिन अटैक, देखिए जब मैंने आपको फिगर बनाई थी ये वाली स्टार्टिंग एकदम, और मैंने कहा था ये फिगर, ये वाली फिगर देखिए, और मैंने कहा था ये वाली फिगर और ये वाली फिगर देखिए, जब मैंने ये फिगर बनाई थी तो देखिए H भी नीचे से अटैक कर रहा है और BH2 भी नीचे से अटैक कर रहा है, ये दोनों अटैक सेम साइड से हैं, इसलिए मैंने कहा सिन अटैक सेम साइड से अटैक होगा, ठीक सिन अटैक होता है, ध्यान रखिएगा सिन अटैक। अब अगर सिन अटैक है तो एक बार H आया है यहां से और एक बार OH आया है यहां से, और ये दोनों सिन है, अगर सिन है तो आप दोनों को एक ही तरफ दिखाएंगे, अगर H ऊपर गया है तो OH को भी ऊपर ही दिखाना पड़ेगा, ये आपने सही फिगर बनाई थी, H और OH दोनों ऊपर है सिन, अगर अपोजिट होगा तो मैं एक ऊपर दिखाता है एक नीचे दिखाता। और यदि आप चाहते हैं कि नहीं मैं इस फिगर को इसी फिगर में दिखाऊं ऐसे ही दिखाऊं, तो देखिए आप क्या करिएगा, आप इसको भी एच कर दीजिए और इस वाले को भी आप डैश दिखा दीजिए, इसका मतलब है दोनों सेम साइड है। और आप दोनों को ऐसे भी कर सकते हैं कि आप दोनों में से इसको भी डार्क कर दीजिए और इसको भी डार्क कर दीजिए, इसका मतलब है दोनों सेम साइड है, मतलब आपको दोनों को सेम साइड में दिखाना है तो आप ऐसे कर सकते हैं। एक स्क्रीनशॉट लीजिए, अच्छा क्वेश्चन था। तो मैंने आपको बताया यहां पर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, डबल बॉन्ड बता दिया, ट्रिपल बॉन्ड बता दिया, डबल बॉन्ड से अल्कोहल बन रहा है, ट्रिपल बॉन्ड से एल्डिहाइड और कीटोन बन रहे हैं, ओके देन अगर मेरे पास ये वाला केस होता है, अच्छा केस हो गया, दाना देखिए, अगर मेरे पास ये वाला केस होता नॉरबोरिन, ये देखिए ये मेरे पास नॉरबोरिन और यहां पर डबल बॉन्ड होती तो ध्यान रखिएगा ये दोनों फिगर जब दोनों साइकिल नीचे की तरफ होती है तो इसे हम इंडो फिगर कहते हैं, इसको इंडो सरफेस मानते हैं इंडो। और जब आप अटैक कराते हैं किसी चीज का तो इंडो पोजीशन पर, यहां पर अटैक करना इसके लिए मुश्किल होता है क्योंकि ये इसको रिपेल करता है, दिक्कत करता है। तो जब भी आप कोई अटैक कराएं इसे नॉरबोरिन कहते हैं, नॉरबोरिन
और आप इसका कोई भी टैग कराएं, चाहे ऑक्सीमर्क्युरेशन वाला कराएं और चाहे हाइड्रोवर्शन वाला कराएं, तो आप ये पाएंगे कि इसका अटैक इक्सो पोजिशन पर होता है। इक्सो क्या होता है? इक्सो कहते हैं ये पोजिशन, यहां पर वैलेंसी 1, 2, 3, 4, एच ऊपर और एच ऊपर, ये इसकी इक्सो पोजिशन है। अगर आप एच नीचे लगाएंगे तो सपोज करिए ऐसे घुमा दिया ऐसे, तो ये इसकी इंडो पोजिशन कहलाती है, इट इज इंडो, ये अब इंडो है, कार्बन वैलेंसी 4। लेकिन यहां अगर अटैक कराओगे तो ये वाली रिंग इसको डिस्टर्ब करती है, तो आसानी से इंडो पे लग पाना अच्छा नहीं है, इक्सो पे लगाएंगे। जिस द कॉज कुछ देर के बाद ये बॉन्ड ऐसे हो जाएगी, ये बॉन्ड ऐसे हो जाएगी, एच भी ऊपर ये भी ऊपर, तो कहीं पर भी एच लगा दो कहीं पर भी ओएच लगा दो, H2O2 वाला केस है क्योंकि स्टेरिक इंडक्स लगा बराबरी बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं, और ये फिगर आ जाएगी, ये फिगर, ये कौन सी फिगर लगाई आपने? इक्सो पोजीशन पे आंसर लगाया। इक्सो पे क्यों लगाया है? क्योंकि इंडो पर स्टेरिक इंडक्स प्रॉब्लम करेगा। लेकिन सोचिए अगर ये कंपाउंड ऐसा होता, अगर ये कंपाउंड ऐसा होता तो भैया बस यहां पर मैं कुछ मॉलिक्यूल बढ़ा देता, अब पता क्या होता, अब इन लोगों की वजह से इसकी इक्सो पोजीशन पर स्टेरिक हिंडर्स बढ़ जाती, इन लोगों की वजह से इसकी इक्सो पोजीशन पर स्टेरिक हिंडर्स बढ़ जाती। दिस इज द कॉज, अगर आपने अब इसके ऊपर हाइड्रोपोजिशन ऑप्शन कराया तो फिर ये लोग अटैक ऊपर ना करके ये लोग अटैक नीचे करेंगे, और अब आप कहेंगे कि इसका इंडो कंपाउंड डोमिनेट करेगा। ये देखिए, अब आप कहेंगे कि इसका इंडो कंपाउंड डोमिनेट करेगा, एच इधर और ओएच इधर, इन दोनों में कहीं लगा सकते ऊपर नीचे, आप दोनों को डैश दिखाएं या दोनों को हार्ड दिखाएं, बस ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि इससे एडिशन हो रहा है। तो कब आप इक्सो कराएंगे? जब सिंपल केस होगा तो आप कहेंगे इंडो प्रॉब्लम करेगा तो इक्सो बैठा लेंगे, लेकिन अगर यहां पर टॉप पोजीशन पर पहले कोई कंपाउंड लगा है तो वो इक्सो को डिस्टर्ब करता है, और इस तरीके से भी आपको क्वेश्चन कॉम्पिटिशन लेवल की शीट में आपको देखने को मिलेंगे। ओके, ये बता रहा था मैं आपको हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन के बारे में। हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन लगभग खत्म हो गया, मुझे याद आ रहा है पीछे एक केस है ऑक्सीमर्क्युरेशन डीमर्क्युरेशन, एक केस छूट गया। जैसे यहां पर मैंने आपको ट्रिपल बॉन्ड वाली बात बताई, वैसे ही वहां पर भी एक ट्रिपल वाली बॉन्ड बॉन्ड बात संभव हो सकती है। अच्छा, ये केस मैंने बता दिया आपको, याद देखिए कि आप ये क्वेश्चन कर लेंगे। अब मेरे पास ये केस है, मेरे पास ये फिगर, देखिए मेरे पास ये फिगर है ट्रिपल बॉन्ड वाली, और अगर आप एक फिगर ट्रिपल बॉन्ड की ले लेता हूं मैं और एक फिगर में डबल बॉन्ड की ले लेता हूं, और मैं कहता हूं कि इन दोनों कंपाउंडों के ऊपर लगा दीजिए क्या BH3 THF इन फर्स्ट केस, और दूसरे केस में लगा दीजिए CH3COH, फिर लगा दीजिए आप BH3 THF और यहां लगा दीजिए CH3COOD, यहां लगा दीजिए BH3 और फिर लगा दीजिए THF, और अब की मैंने ले लिया BD3 और ये आ गया आपका THF, और यहां पर ले लिया मैंने CH3COOH, ऊपर के दोनों केस एच के थे, फिर डी है एच के साथ, अब मेरा केस बनता है BD3 के साथ THF वाला केस। अब देखिए यहां पर आंसर आ जाएगा CH3COD। अब ये चार केस अगर देखे जाए तो आंसर कैसे आएगा, इन चार केस में देखिए, यहां पर ये चारों केस में इस पर भी लगाऊंगा और यहां पर इन चारों केस में इस पर भी लगाऊंगा, तो मैं यही पर दिखा दे रहा हूं, ये चार केस इसके साथ और फिर यही चार केस इसके साथ। ये देखिए आप क्या करेंगे, आपको मालूम है कि सभी के जो एच होते हैं वो कहां जाएंगे, पहले वहां जाएंगे जहां स्टेरिक हिंडर्स कम होगी, तो यहां पर लगा दीजिए, तो यहां पर आपको फिगर दिखाई देगी सी डबल बॉन्ड सी एच और यहां पर आ जाएगा एच। ये देखिए, अगर आप ये केस यहां दिखाएंगे तो इन सबके एच यहां पर जाएंगे, तो आप कहेंगे यहां पर जो फिगर आ जाएगी वो आ जाएगा एच और ये हो जाएगी सिंगल। ये देखिए बी वहां टाइप करेगा जहां स्टेरिक हिंडर्स कम होगी, किनारे वाला पार्ट सभी में, और इसमें किनारे वाला पार्ट ये है, BH3 का जो एच है वो बीच में जाएगा। कितने कितने मॉलिक्यूल चाहिए आपको? तीन तीन मॉलिक्यूल चाहिए, तो ये तीन मॉलिक्यूल आने पर तीन एच हो गए, और यहां पर भी तीन मॉलिक्यूल आने पर तीनों चीज हो गए। अब आपने पानी नहीं लगाया है इसलिए यहां पर OH नहीं आएगा, अब आपने H लगाया है, H लगाया है तो यहां पर एक H आएगा। यहां पर आइए, यहां पर आपने डबल बॉन्ड के साथ इतनी फिगर थी और आपने इस बार यहां D लगाया है तो यहां पर एक D आएगा, ये वाला H तो BH3 से आया है, मैं सारे केस लिख दे रहा हूं पहले एक बार, तो यहां पर आ जाएगा CH3, यहां पर डबल बॉन्ड CH, यहां पर H तो BH3 से आएगा, यहां पर ये H BH3 से आएगा, ये H BH3 से आएगा, और यहां पर ये आ गया H डबल बॉन्ड CH और ये वाला H BH3 से आएगा, यहां पर ये वाला H किससे आ रहा है? BH3 से आ रहा है। और केस देखिए,
CH3CH, ये वाला H BH3 से आ रहा है, और किस देखिए CH3CH, ये वाला H BH3 से आ रहा है, और किस देखिए ऊपर लिख दे रहा हूं CH3CH, ये वाला H BH3 से आ रहा है। ये देखिए ये चार आंसर मैं इधर दिखा रहा हूं और ये चार आंसर मैं इधर दिखा रहा हूं। इस वाले केस में सभी H आ गया, ये BH3 के थे। अब इस वाले पहले केस में H तो H आया, पहले केस में D तो D आया, इसमें देखिए H है तो H आएगा, और इसमें देखिए यहां पर मैंने H दे रखा फिर से तो H आएगा। H के दो केस हो गए, H D H D, यहां पर H H था तो H D हो गया, यहां D D था तो H के बाद यहां पर D लेना चाहिए था हमको, तो यहां पर देखिए D आ गया। सभी केसों में एल्कील बन रहा है, यहां पर आए इस केस में तो सभी केस आ चुके हैं, सभी केस आ चुके हैं। अब अगर H लोगे तो पहले केस में आपको तो H दिखाई देगा, एल्केन बन गया, यहां D दिखाई देगा यह भी एल्केन बन गया, यहां H दिखाई देगा यह भी एल्केन बन गया, यहां D दिखाई देगा यह भी एल्केन बन गया, ये भी क्वेश्चन हो सकता है। तो ये क्वेश्चंस कंपटीशन में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के एकेडमी तो मैंने बहुत पहले ही पीछे खत्म कर दिया था, लेकिन जो संभावना है अच्छे क्वेश्चन की बन सकती है वो मैं आपके सामने लिख रहा हूं। अब एक क्वेश्चन मिलता है इसके अंदर, ट्रिपल बॉन्ड पर ऑक्सी मर्क्यूलेशन डी मर्क्यूलेशन, अगर ट्रिपल बॉन्ड पर करा दिया जाए ऑक्सी मर्क्यूलेशन डी मर्क्यूलेशन तो कैसे होगा बताता हूं। थोड़ी सी मैकेनिज्म डिफरेंट है ट्रिपल बॉन्ड के साथ, अगर मेरे पास कोई ट्रिपल बॉन्ड मॉलिक्यूल हो तो वहां पर आप ये रिएक्शन ऐसे करा सकते हैं, समझिए ये है मेरे पास CH3CH ऐसे, और यहां पर मैं लगाने जा रहा हूं Hg प्लस टू और H प्लस आयन 1% और 20%, इसे कुछ किताबों में ऐसे भी लिखा गया है HgSO4 और H2SO4, और यहां लगा देते हैं हम सीधे वाटर। ये ऑक्सी मर्क्यूलेशन डी मर्क्यूलेशन की आधी मैकेनिज्म फॉलो करता है, आधी नहीं फॉलो करता, मतलब इसमें ब्रिज मर्क्यूरोनियम आयन बनता है लेकिन इसमें NaBH4 का अटैक नहीं कराते, NaBH4 का अटैक नहीं कराते, इसमें H और OH दोनों पानी से जाता है, जबकि उसके अंदर H जाता था NaBH4 से, OH जाता था पानी से। अब ऐसा क्यों करते हैं, इसके अंदर NaBH4 क्यों नहीं लगाया, यहां पर ऑक्सी मर्क्यूलेशन डी मर्क्यूलेशन का वही लॉजिक क्यों नहीं अप्लाई किया, लॉजिक है देखिए। फिलहाल तो आप ये कह सकते हैं कि इसको डबल बॉन्ड की मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग क्यों नहीं किया, मन में कई क्वेश्चन आएंगे, जैसे डबल बॉन्ड पे करा करते थे हम लोग सीधे पानी लगा देते थे, अगर एसिडिक मीडियम में सीधे पानी लगाएंगे तो मार्कोनी पाफ के रूल के अकॉर्डिंग, या मैकेनिज्म भी फॉलो करें तो यहां पर क्या लगेगा प्लस आई इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन बाहर भागेगा, और ऐसा करने पर यह फिगर अब आपको कुछ यूं दिखाई देगी ऐसे, ये वाला पॉजिटिव जो एसिड से आया था H2SO4 या H3PO4 से वो यहां पर आ जाएगा, तो ये फिगर आपकी यूं हो जाएगी, पानी का अटैक यहां हो जाएगा, और अब ये आपको आंसर यूं दिखाई देगा। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर जैसे डबल बॉन्ड रिएक्शन होती है वैसे ट्रिपल में करा दीजिए, आप मर्करी को लगा रहे हैं, चलो करके देखते हैं हो पाती है कि नहीं। अगर मैं यहां पर करता हूं और ये लगा दिया मैंने H प्लस आयन, इसने धक्का दिया बॉन्ड ब्रेक कर गई, तो ऐसे फिगर आएगी, तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा डबल बॉन्ड, यहां माइनस आएगा H अटैक कर देगा, ये फिगर यहां पर पहले माइनस आया होगा और फिर इस पर अटैक कर दिया होगा, तो ये फिगर। अब देखिए ये कंपाउंड पॉसिबल नहीं है, क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये कार्बन sp हाइब्रिडाइज है, और अगर ये कार्बन sp हाइब्रिडाइज होगा तो मैक्सिमम स्टेबिलिटी रूल का वायलेशन हो रहा है, जबकि ये वायलेशन यहां पर नहीं हो रहा था, क्योंकि ये वाला जो कार्बन था वो sp2 हाइब्रिडाइज था। दिस इज द कॉज एल्कीन की मैकेनिज्म सिंपल एसिडिक मीडियम में हो सकती है और फिर वो एल्कोहल बना सकता है, लेकिन ये वाला ट्रिपल बॉन्ड सिंपल एसिडिक मीडियम में अपना इंटरमीडिएट ही नहीं बना पाएगा, तो आंसर कैसे आएगा, दिस इज द कॉज, ये काम नहीं हो सकता। अब अगर ये काम नहीं हो सकता तो मैंने क्या करा, मैंने कहा कि तुम अगर कार्बोनियम नहीं बन सकते तो मैं क्या करूंगा, मैं तुम पर मरकरी लगा दूंगा, मरकरी, ये मरकरी क्या कहेगा, ये मरकरी एसिडिक मीडियम में इसको ब्रेक करने के लिए तो कहेगा, ये कहेगा ब्रेको,
ये काम तो वही करेगा, लेकिन जैसे ही प्लस आने वाला था, लेकिन जैसे ही प्लस आने वाला था और यहां पर माइनस, जैसे ही प्लस माइनस आने वाला था, इस मरकरी ने कहा देखो तुम प्लस प्लस तो हो नहीं पाओगे, मैं आ रहा हूं, अगर मैं आ जाऊंगा तो फिगर क्या आ जाएगी, CH3C डबल बॉन्ड CH, यहां पर देखो आ गया मरकरी, प्लस टू था, जो माइनस और प्लस टू मिलेगा तो ये बचेगा प्लस वन, तो ये मिल गया, ये बचा प्लस वन, और फिर इस कार्बन ने कहा मैं प्लस नहीं रह सकता, मरकरी ने कहा मैं आ गया हूं, मैक्सिमम सॉलिडिटी को फॉलो करिए, अपना प्लस मुझे दीजिए, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को दे देता है और फिर इसे ये वापस प्लस टू हो जाता है। यदि आप एसिडिक मीडियम में कराएंगे तो यहीं तक घस जाएंगे, आगे नहीं जा पाएंगे, लेकिन मरकरी लगाएंगे तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके आगे ले जाएगा। फिलहाल एसिडिक मीडियम का काम खाली इसको पोलराइज करने का है, खाली पोलराइज करने का। अब आप एच प्लस आयन को निगेटिव मत लाइएगा क्योंकि वो सारा काम मरकरी अपना मैनेज कर लेगा। देन व्हाट, अगर आप ऐसा कर ले गए तो अब आप क्या लगाएंगे इसके ऊपर, वाटर, फिर से वही एंटी अटैक, नीचे वाला एरिया पूरा ब्लॉक है तो अटैक कहां से होगा, ऊपर से होगा, फिर वही बात, मरकरी ऐसे ऐसे हिलेगा और पूछेगा बताओ मैं कहां जाऊं, बताओ मैं कहां जाऊं, बताओ मरकरी कहां जाए। अब सोचने वाली बात है, आपको लग रहा होगा मरकरी को सर स्टडी हिंड्रेंस, बाहर भेज दीजिए, जैसे मैं मरकरी को बाहर भेजूंगा तो रास्ता यहां से भी गुजरेगा, रास्ता यहां से भी गुजरेगा, अच्छा, और अगर मैं मरकरी को अंदर ले आता हूं तो रास्ता इस तरफ, अगर मैं इसको अंदर ले आता हूं तो आपको पॉजिटिव यहां मिलेगा, तो आपको पॉजिटिव यहां मिलेगा, क्या लगता है आपको, यहां पर अगर आप पॉजिटिव लाएंगे तो भी वो एसपी हाइब्रिडाइज होगा, यहां पर पॉजिटिव लाएंगे तो भी एसपी हाइब्रिडाइज होगा, तो यहां से कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। मरकरी को बाहर ले आएंगे तो स्टेरिक इंडेंस कम हो जाएगी, मरकरी को अंदर ले जाओगे तो स्टेरिक इंडेंस ज्यादा हो जाएगी, कुंडल के बाद वही आएगी, तो बोलो फिगर क्या आ गई, तो फिगर आएगी सी डबल बॉन्ड सी एच और यहां पर आ गया मरकरी, इसका मतलब है आपने कुछ पल के लिए बॉन्ड ये वाली वापस इस तरफ क्यों तोड़ दी है, इलेक्ट्रॉन धर गया, जैसे इलेक्ट्रॉन धर गया ये वापस क्या हो गया, प्लस वन हो गया और ये प्लस आ गया। अब आप फिर कहेंगे सर तो प्लस ले आया, फायदा क्या हुआ, मैंने क्या कहा था माइक्रो सेकेंड, इतने कम सेकेंड में भी यहां प्लस रुकता ही नहीं है, इसके प्लस आने से पहले ही इसके ऊपर पानी अटैक कर चुका होता है, ये देखिए। तो आप कहेंगे सर फिर भी प्रॉब्लम है, यहां देखिए सर ये प्लस आ गया, मैंने क्या कहा था यहां पर प्लस रुकता ही नहीं है, इसके प्लस आने से पहले ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो चुका होगा और जो आपको फाइनल फिगर दिखाई देगी वो दिखाई देगी CH3C के ऊपर OH डबल बॉन्ड CH और ये दिख रहा होगा आपको मरकरी प्लस वन और यहां से कौन निकल गया है H प्लस आयन, ये देखिए। तो ये बात मैं बता रहा हूं कि जैसे डबल बॉन्ड में पानी लगता है एसिडिक मीडियम में, वैसे ट्रिपल बॉन्ड में आप सिंपल एसिडिक मीडियम में पानी नहीं लगा सकते, आपको वहां पर मरकरी ही लेना पड़ेगा जो आपको सपोर्ट करता है। हाँ अभी बताऊंगा कि मैंने प्योर ऑक्सीमर्क्यूरेशन डी मर्क्यूरी को नहीं लगाया, बताऊंगा अभी। फिलहाल ये क्या बन गया एच जी प्लस वन, आपको याद है ये प्योर कैटलिस्ट है और ये एच जी प्लस टू की फॉर्म में वापस आएगा, लिहाजा ये इलेक्ट्रॉन ऊपर ट्रांसफर कर दीजिए। अगर आप ये इलेक्ट्रॉन ऊपर ट्रांसफर करते हैं तो फिगर अब आपको क्या दिखाई देगी, अब आपको फिगर दिखाई देगी सी एस थ्री सी ओ एच डबल बॉन्ड सी एच, इसका हाइड्रोजन कितना है एसपी और एसपी हाइब्रिडाइज को निगेटिव किया जा सकता है, एसपी हाइब्रिडाइज को निगेटिव किया जा सकता है, ये नेगेटिव चार्ज हो गया और यहां से कौन निकल गया और यहां से एच जी प्लस टू ऐसा कैटलिस्ट बाहर निकल गया। अब इसे न्यूट्रल कैसे करोगे, तो जो एच प्लस आयन तुमने ऊपर अभी पिछले स्टेप में निकाला था उसको लाके यहां अटैक करा दो, अगर इसका अटैक तुम यहां करा दोगे तो ये क्या हो जाएगा, बोलो ये क्या हो जाएगा, तो अब ये फिगर तुमको यहां पर ये दिखाई देगी, अब तुमको ये फिगर यहां ये दिखाई देगी सी एस थ्री सी के ऊपर ओ एच डबल बॉन्ड कौन आ गया सी एच टू, मरकरी निकल गया, फिर यहां पे क्या लग रही है टाटोमेरिज्म, टाटोमेरिज्म x डबल बॉन्ड y जेड एच, जहां पर जेड क्या होना चाहिए sp3, और ऐसा करोगे तो ये वाला h कूद के यहां चला जाएगा, जहां गया वहां एडिशन, जहां से गया वहां एलिमिनेशन, और ऐसा करोगे तो ये फिगर तुमको अब यूं दिखाई देगी, ये कुछ ऐसा आएगा, ठीक है ये कुछ ऐसा आएगा। अब आपने कहा सर ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन करा लेते तो क्या दिक्कत होती, तो ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन की मैकेनिज्म में सब कुछ तो सेम है, बस आखिरी में क्या मिलने वाला था वहां पर NaBH4, और NaBH4 क्या प्रोवाइड करता है H नेगेटिव, और यहां पर इस एरिया पर ऑलरेडी पाई इलेक्ट्रॉनिक, अगर आप नेगेटिव ट्रांसफर ना भी करें तो भी देखें यहां पर ऑलरेडी पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, अब जहां पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वहां पर नेगेटिव आयन थोड़ी अटैक कर देगा, आप निगेटिव इलेक्ट्रॉन से लेके चले गए थे क्योंकि वो एसपी हाइब्रिडाइज का सपोर्ट कर रहा था, कोई दिक्कत नहीं, अब आप एच निगेटिव को पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड के ऊपर नहीं ला सकते,
दिस इज द कॉज। डबल बॉन्ड पर ऑक्सीमर्क्युरेशन डीमर्क्युरेशन आसानी से कराते हैं, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड पर इस प्रॉब्लम की वजह से हम इसका एच यहां अटैक नहीं करा सकते, इसलिए हम वहां पर प्योर ऑक्सीमर्क्युरेशन डीमर्क्युरेशन ना करा करके मरकरी तो लेते हैं लेकिन NaBH4 नहीं लेते, इसलिए मैगजीन में हल्का सा फर्क वहां पर दिखाई देता है। हटा रहा हूं उसको। अब इसी बात के ऊपर अगर कुछ क्वेश्चन लगाए आप, इसी बात के ऊपर अगर इसी बात पर आप कुछ क्वेश्चन लगाए और मैं पूछूं कि बताओ क्या होगा जब इसकी रिएक्शन या फिर इस कंपाउंड की अगर इस कंडीशन में करा दी जाए तो। अब इस कंडीशन में समझा क्या, इस कंडीशन में समझा ये है कि यहां पर पहले मरकरी आएगा, फिर मरकरी ऐसे हिलेगा और पूछेगा मैं कहां जाऊं, तो मरकरी हमेशा बाहर की तरफ जाएगा जहां स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगी। मरकरी बाहर तो OH यहां, मरकरी यहां दोनों बराबर, कहीं भी मरकरी लगा दो, यहां मरकरी बाहर इस तरफ तो OH यहां, यहां मरकरी बाहर इस तरफ तो OH यहां, तो आंसर क्या क्या आएंगे। यहां पर आपको यह दिखाई देगी डबल बॉन्ड CH, यहां पर आपको दिखाई देगा CH डबल बॉन्ड CH, यहां पर आपको दिखाई देगा CH3CH2 C डबल बॉन्ड CH, और यहां पर आपको दिखाई देगा ये रिंग, और यहां पर आपको ये दिखाई देगी ये रिंग और C डबल बॉन्ड CH। सभी में मरकरी हिल करके बाहर जाएगा, तो सभी में मरकरी बाहर बैठा होगा Hg+, मरकरी इसमें तो बराबर नहीं बैठा दो, इसमें मरकरी बाहर बैठा होगा Hg+, इसमें मरकरी बाहर बैठा होगा Hg+, अंदर कौन आ चुका होगा पानी का OH, ये पानी का OH, यहां पर पानी का OH, यहां पर पानी का OH और यहां पर पानी का OH। अगले स्टेप में क्या होगा बताइए, जो पानी का H था वो आएगा मरकरी घटा करके, अगले स्टेप में आप मरकरी घटा देंगे और यहां निगेटिव लाएंगे, मरकरी गया +2 की फॉर्म में, जैसे यहां निगेटिव लाओगे ये यहां पर ये यहां पर ये मरकरी गया, किस फॉर्म में मरकरी गया, मरकरी निकल गया Hg+2 की फॉर्म में, मरकरी निकल गया Hg+2 की फॉर्म में, Hg+2 की फॉर्म में, तो यहीं पर ले रहा हूं मैं, तो यहीं पर क्या आ जाएगा ये गया तो यहीं पर एक एच आ जाएगा जो पानी का है, ये गया तो यहां पर आएगा पानी का एच, ये गया तो यहां पर आएगा पानी का एच, ये गया तो यहां पर आएगा पानी का एच। सभी में टाइपोमेट्री लग रही है, एक्स एक्स डबल बॉन्ड वाई जेड एच। अब क्या करोगे तुम, अब इस वाले एच को यहां ले आओ और इस वाले एच को यहां ले आओ, इस वाले एच को यहां ले आओ और इस वाले एच को यहां ले आओ, तो बोलो फिगर क्या दिखाई देगी, सुपर फिगर दिखाई देगी CH3 सी डबल बॉन्ड हो CH3, यहां फिगर दिखाई देगी सी एच था, ये एच को इधर ले आए तो यहां पर तुम्हें डबल बॉन्ड दिखाई देगा, एक एच रह गया है, ये सिंगल हो जाएगा CH2 था, एक एच और आ गया CH3 बन गया, यहां फिगर क्या आएगी CH3 CH2, ये वाला एच इधर आ गया तो ये डबल बॉन्ड हो जाएगी, सिंगल हो जाएगा, ये हो जाएगा CH2 CH3, ये एच इधर आ जाएगा तो तुम कहोगे यहां पर बन जाएगा बेंजीन, यहां पर आ जाएगा सी, ये हो जाएगी डबल बॉन्ड क्योंकि एच निकल गया, ये एडिशन और ये सी एस थी। तो अगर आपको मैकेनिज्म और कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो आंसर निकालने में आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा और ऐसे ही क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिशन मिलेंगे, लॉजिक क्लियर है तो फटाफट आंसर निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो बस बात मेरी एंड की तरफ बढ़ रही है, जब मैंने आपको ये क्वेश्चन लगवा दिए हैं तो एसिडिक मीडियम की बात भी कर लेते हैं, मैंने आपको हाइड्रेशन इन एसिडिक मीडियम भी बताया था, उसकी बात भी शॉर्ट में थोड़ी सी कर लेते हैं। हाइड्रेशन इन एसिडिक मीडियम माय थर्ड मैकेनिज्म, हाइड्रेशन इन एसिडिक मीडियम, यहां पर जो वर्किंग होती है वो कुछ अच्छा, एक बात और पीछे वाले क्वेश्चन में एक बार ध्यान रखिएगा, अगर आपको कोई ऐसा कंपाउंड दे दिया जाए लाइक दिस, या आपको कोई ऐसा कंपाउंड दे दिया जाए, या आपको कोई ऐसा कंपाउंड दे दिया जाए लाइक दिस, तो जहां पर अभी आप एक केस और दिखा दे रहा हूं मैं आपको, ये देखिए क्या फर्क है इन दोनों में, फर्क देखिए, यहां पर अभी आप प्रेसाई धक्का मार करके आगे ले जा रहे थे तो यहां पर माइनस आ रहा था, यहां पर प्लस आ रहा था, क्योंकि मरकरी का साइज कोई बहुत बड़ा नहीं है यहां पर। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सी मर्क्यूरेशन हम क्या करते थे, वहां पर हम मर्क्यूरिक एसिटेट लेते थे, वहां पर साइज बहुत बड़ा था, तो वहां पर तो इस प्लस माइनस का फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि साइज बड़ा होने की वजह से वो वहीं पर बैठेगा जहां पर साइज उसका, जहां पर वो एकोमोडेट कर पाएगा। यहां तो मरकरी खुद बहुत छोटा है इसलिए यहां पर मरकरी के साइज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कहां निगेटिव और कहां पॉजिटिव आ रहा है। अभी तक मेरे सारे केस प्लस आई के लिए थे, अगर प्लस आई के लोगे तो यहां पर निगेटिव यहां पर पॉजिटिव आएगा, जिससे तुमको अभी ये फिगर यू दिखाई देगी
और आपको मरकरी यही वसूल कर रहा है, यहां पर क्या मिल रहा है आपको पॉजिटिव। लेकिन अगर मैंने ऐसा केस ले लिया तो आपको मालूम होगा कार्बोक्सिलिक माइनस आई होता है, NO2 माइनस आई होता है, तो वो इलेक्ट्रॉनों को यू विड्रॉ कर लेगा। लेकिन ये लॉजिक आप ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन मत लगाइएगा। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में साइज स्टेरिक हिंड्रेंस ही इंपॉर्टेंट होती है, इसीलिए आप देखेंगे कॉम्पिटिशन वाले क्वेश्चनों में आपको ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन पे माइनस आई इफेक्ट लगाए क्वेश्चन नहीं बताए गए हैं, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में आपको माइनस आई लगाकर क्वेश्चन समझाए जाते हैं। ठीक, तो ऐसा करने के बाद यहां निगेटिव आएगा, दिस इज द कॉज, यहां पर मरकरी आ जाएगा और जो पानी आ रहा होगा उसका OH यहां पर मरकरी आ जाएगा, तो पानी का OH यहां पर आएगा, बस यही खास बात है। इस बार यहां निगेटिव आएगा तो ये आ जाएगा Hg और यहां पर आ जाएगा OH, क्योंकि मरकरी का साइज यहां पर बहुत छोटा है, इसलिए यहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस इंपॉर्टेंट नहीं है, यहां प्लस आई और माइनस आई इंपॉर्टेंट है, उसके अकॉर्डिंग आंसर डिसाइड करिएगा। यस, अब आते हैं लोग एसिडिक मीडियम, बहुत तेजी से करेंगे फटाफट। एसिडिक मीडियम इट इज CH3CH, डबल बॉन्ड CH2, इस पर लगा दो पानी, क्या डाइल्यूट H2SO4 ले सकते हो, डाइल्यूट H3PO4 ले सकते हो, लेकिन HI, HBr और HCl लेने से मैंने मना किया था, जो शुरू की समरी में बता दिया था। यहां पर आप कहते हैं कि आंसर किससे आएगा, मार्कोनिकॉफ से, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, तो ऐसा करने पर आपको ये आंसर मिल जाएगा। लेकिन ये बात भी केवल एकेडमिक लेवल तक सही है, सच्चाई में हमें मार्कोनिकॉफ से इंपॉर्टेंट है मैकेनिज्म देखना। जरा इसकी मैकेनिज्म देखिए, अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर ला रहे हैं तो ऐसा क्यों ला रहे हैं, वजह क्या थी? वजह यह थी कि इसमें क्या लग रहा था, प्लस आई लग रहा था, बॉन्ड आप तोड़ रहे थे, बॉन्ड टूटेगी तो यहां पर क्या आ जाएगा, निगेटिव, यहां पर कौन आ जाएगा, पॉजिटिव। अब इसके ऊपर पानी अटैक करेगा तो कहां अटैक करेगा, रुक जाओ, पहले कहां अटैक करेगा, H प्लस आयन एसिड पर, कहां, निगेटिव पर। तो अब आपको ये फिगर क्यों दिखाई देगी, ये देखिए ऐसे, अब इस पर अटैक कौन करेगा, अब अटैक करेगा पानी, ये लोग अटैक क्यों नहीं कर पाएंगे इसके निगेटिव, क्योंकि निगेटिव साइड बहुत बड़े होते हैं, तो ये अटैक यहां करेगा, और ये अटैक यहां करेगा तो अगली फिगर क्या दिखाई देगी आपको, कुछ ऐसी, ये मैक्सिमम स्टेबिलिटी का वायलेशन ना हो इसलिए बॉन्ड वापस नीचे। इत्तेफाक से यहां पर मैकेनिज्म से भी वही आंसर आ रहा है जो लॉ से आ रहा था, इसलिए मैंने ऐसा बोल दिया, एकेडमिक लेवल पर ही रूल लग पाएगा, लेकिन अगर आप कॉम्पिटिशन क्वेश्चन में जाएंगे तो आप गलत कर देंगे। कैसे, सपोज करिए मैं आपको यहां पर कंपाउंड ऐसा दे दूं, CH3CH3CH3CH डबल बॉन्ड CH2, और कह दूं कि बताओ एसिडिक मीडियम में पानी लगा होगा तो क्या होगा। अगर तुमने यहां पर मार्कोनिकॉफ रूल लगा दिया तो आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग निगेटिव कहां जाएगा, जहां H का पहले से कम होगी, ये गलत आंसर होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मार्कोनिकॉफ रूल से आप आंसर नहीं देंगे, आप केमिस्ट्री से आंसर देंगे। केमिस्ट्री देखिए, ये है प्लस आई, ये है प्लस आई, ये प्लस आई, प्लस आई लगेगा तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर बाहर जाएगा। आपको लग रहा है इतना तो हम पहले ही सोच रहे थे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा करने पर ये फिगर ही आएगी और ये फिगर ही आएगी, उधर वाले का निगेटिव आएगा तो इसका H प्लस आयन यहां चला जाएगा, ये न्यूट्रल हो गया। अब आपको मालूम है यहां कार्बोनियम बनता है। अच्छा एक बात और, आप कैसे जानेंगे सर कहां कार्बोनियम बनेगा कहां नहीं बनेगा? अगर कार्बोनियम के प्रेजेंस में कोई बहुत अच्छा इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट वहां मौजूद हो तो वो प्लस कार्बोनियम को कार्बोनियम बनने नहीं देगा। जब तक मरकरी मौजूद था तो मरकरी कार्बन को कार्बोनियम बनने नहीं दे रहा था, लेकिन अब यहां पर कोई अच्छा इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट कोई मौजूद नहीं है तो कार्बन अगल बगल से पूछेगा कि क्या कोई है जो पॉजिटिव बनना चाहता है, कोई नहीं है तो कार्बन कहेगा मैं बन जाऊंगा। तो ज्यादा यह मत परेशान होइए कहां कार्बोनियम बनेगा कहां कार्बोनियम नहीं बनेगा। अब अगर कार्बोनियम बनेगा तो कार्बोनियम की प्रॉपर्टी रिंग एक्सपेंशन कर सकता है, रिंग कॉन्ट्रेक्शन कर सकता है, रीअरेंजमेंट कर सकता है। यहां ना रिंग है तो ना रिंग एक्सपेंशन होगा ना कॉन्ट्रेक्शन होगा, लेकिन रीअरेंजमेंट हो सकता है। अगर एलिमेंट होगा तो ये वाला CH3 यहां जा सकता है और ये वाला H यहां आ सकता है, इसे कहता हूं 1,2-methyl shift। और अगर 1,2-methyl shift हो गई तो इसके बाद जो इसकी अगली फिगर आएगी वो ये आएगी। देखिए अब आपको फिगर ये दिखाई देगी, जो पानी का अटैक है वो कब होगा, यहां पर भी होगा, 2-4% मॉलिक्यूल यहां से भी मिलेगा, लेकिन मेन मॉलिक्यूल यहां से मिलेगा। अब आप कहेंगे पानी का अटैक
यहां पर होगा, और अगर पानी का टैंक यहां पर होगा तो अब आपको ये फिगर यू दिखाई देगी, यहां पर OH, यहां पर CH2 और यहां पर CH3। ये पहले पूरा पानी आया होगा, पॉजिटिव आया होगा, मैक्सिमम स्टेबिलिटी का वायलेशन हुआ होगा, ये यहां चला गया होगा और ये हट गया होगा। ये देखिए आप कहां ला रहे थे OH, आप OH यहां लाने के मूड में थे और ये गलत था। सच्चाई क्या है, ये CH3 यहां जाएगा और OH यहां पर आएगा, तो ये वाला आंसर आप देंगे। तो एकेडमिक लेवल पर आप इसमें मार्क पाने को आप बोल सकते हैं, सच्चाई में रियल में इसके ऊपर ऐसे मार्क पाने को आप सीधे मत लगा दीजिएगा। हटा रहा हूं। अच्छा अगर आपको ये सारी बातें मैंने बता दी तो जल्दी से बता दो मुझको इस कंपाउंड का फाइनल आंसर क्या होगा। ये देखिए मेरे पास एक कंपाउंड है, इसके ऊपर लगा दो पानी, एक लगाओ एसिडिक मीडियम में, एक बार लगाओ ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में, और एक बार लगाओ हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में। इट इज माई आखिरी क्वेश्चन, बताओ ऐसा करूंगा तो क्या होगा। इन दोनों का शॉर्ट में आंसर, लेकिन शॉर्ट में आंसर इन दोनों का आंसर किससे आता है, मार्कोनिक ऑफ से। लेकिन ध्यान रखिएगा मैकेनिज्म बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कार्बोनियम आयन का रेनॉल्ड होगा कि नहीं होगा देखना पड़ता है आपको। फिलहाल ये कोई खास बात नहीं है, यहां पर आप पानी का OH करेंगे तो क्या बनेगा, इसके अकॉर्डिंग कार्बोनियम बनेगा, इसके अकॉर्डिंग कार्बोनियम बनेगा, तो बॉन्ड प्लस आई वेट ट्रांसफर होगी, बाहर माइनस अंदर प्लस, और ये कार्बन 3 डिग्री है, इसलिए और फर्दर कोई रिएक्शन होने की संभावना फिलहाल तो मुझे नहीं दिखाई देती। तो यहां पर फिगर और यहां पर आ गया OH, और ये है मेरे पास CH3, पानी का यहां चला जाएगा, ये कार्बोनियम जो बना है उसमें रिएक्शन होने की संभावना नहीं है, आंसर ही आएगा। लेकिन ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में मरकरी वहां जाता है जहां स्टेरिक इंटरेस्ट कम होती है, मतलब मरकरी बाहर जाएगा, तो पानी कहां आएगा, अंदर आएगा, पानी अंदर आएगा, पहले यहां पर मरकरी जाएगा और फिर वो निकल जाएगा, और वहां पर कौन आ जाएगा, H आ जाएगा NaBH4 से। और दोनों आंसर सेम क्यों आ रहे हैं, मैंने उसे कहा था इन दोनों का आंसर मार्कोनिक ऑफ से आता है। जरा यहां देखिए, अगर मैं यहां बात करता हूं तो ये HBO3 है, ये भी वापस वहां अटैक करेगा, इसका बी वहां अटैक करेगा जहां स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगी, तो स्टेरिक हिंड्रेंस कम कहां है, बाहर, तो यहां पर कौन जाएगा, बी जाएगा, यहां पर बी होगा। अगर B यहां पर होगा तो B से निकले हुए H है वो कहां जाएंगे, तो B से निकले हुए H है वो वहां जाएंगे, यहां जाएंगे, ये B से निकला हुआ H। अब क्या होगा, अब B हट जाएगा और पानी कौन आएगा, OH आएगा। ये देखो OH, देखिए किसके आंसर अकॉर्डिंग आया, ये आंसर ऊपर के आंसर का उल्टा है, ये आंसर ऊपर के आंसर का उल्टा है, इसलिए मैं क्या कहूंगा, ये आंसर एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल से आया। यस, ये आंसर एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल से आया, बिल्कुल ठीक है। तो यहां पर आपने क्या लगा दिया है, यहां पर ये था, यहां पर डबल बॉन्ड थी और डबल बॉन्ड, ठीक है, एकदम सही है, बिल्कुल परफेक्ट है, एकदम सही। तो ये आपका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन मैंने बता दिया आपको, मार्कोनिक ऑफ, एंटी मार्कोनिक ऑफ की बात भी करी, हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, एसिडिक एसिड, CH3COD, अगर एल्कोहल हो तो एल्कोक्सी करें तो क्या होगा, अगर डबल बॉन्ड है और पानी लगाएं तो क्या होगा, वो कैसे एंटी अटैक करेगा, कैसे सिस करेगा, स्टीरियो स्पेसिफिक क्या होता है, स्टीरियो सेलेक्टिव क्या होता है, और बताया मैंने आपको, और मैंने आपको यहां ये बताया कि अगर आपको साइक्लिक फॉर्म में सिस और ट्रांस दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे, रिजियो सेलेक्टिव के बारे में बताया, मेरे ख्याल से बहुत कुछ बता दिया है। और इन लेक्चरों को आप थोड़ा थोड़ा पार्ट पार्ट करके पढ़िएगा, और ये सारे लेक्चर, अच्छा NaBH4 होगा तो कैसे होगा, NaBD4 होगा तो कैसे होगा, बहुत सारी बातें बताई हैं। एकेडमिक लेक्चर को तो बहुत पहले ही शुरू में ही छोड़ दिया था, उसके बाद हम सब कॉम्पिटिशन की बात कर रहे थे, एकेडमिक तो वहीं खत्म हो गया था जहां पर मैंने बताया कि बस मार्कोनिक ऑफ, एंटी मार्कोनिक, दैट्स ऑल। तो ये एक लंबा चौड़ा लेक्चर है, और यहां पर मैंने कोशिश करी है कि एकेडमी के साथ कॉम्पिटेटिव अप्रोच दूं, सारे क्वेश्चन लगाइए पूरी थ्योरी पढ़ने के बाद, किसी भी बुक से इन तीनों हेडिंग में क्वेश्चन लगाइए, जो नहीं आए मुझसे पूछिएगा, और फिर मिलेंगे किसी नए लेक्चर में किसी नई बात को लेकर, तब तक के लिए बाय।